हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे और आपको केमिस्ट्री बहुत इजी भी लग रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेकर आया हूं, और इस ट्रिक में अच्छी बात क्या है कि हर चीज़ ऑलमोस्ट फिक्स है। डैट मीन्स आपका रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट फिक्स है, आपका रिएजेंट फिक्स है, और आपका प्रोडक्ट भी फिक्स है। डैट इज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेम रिएक्शन ट्रिक। तो ध्यान से देखो, पहला जो मैंने लिया है डैट इज एनिलीन। ओके, चीज़ें फिक्स होंगी। अगर आपको कहीं पे भी एनिलीन दिख जाए, एनिलीन मतलब बेंजीन पे NH2 ग्रुप दिख जाए, राइट, डायरेक्टली बेंजीन से अगर NH2 ग्रुप अटैच है, जिसको हम 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, या फिर ये एरोमेटिक एमीन भी हो गया, ये कहीं पर आपको दिख जाए एज ए रिएक्टेंट और एज ए सबस्ट्रेट, तो आपको क्या करना है? तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया कि बेंजीन का होना ज़रूरी है और उस पर NH2 लगा होना चाहिए। बाकी इधर कुछ ग्रुप सब्स्टिट्यूट हों तो वो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थो पैरा मेटा पे कोई ग्रुप लगे हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली थिंग इज कि इतना तो होना चाहिए, हमारे पास एनिलीन होना चाहिए। एनिलीन की रिएक्शन कहीं पर भी आपको NaNO2 और HCl से दिख जाए, वेरी लो टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन से 228 केल्विन। तो अगर NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आपको दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनिलीन, तो आपको क्या बना देना है? डाइजोनियम। तो कैसे बनाना? वेरी सिंपल, बेंजीन को एज इट इज रखना है, नाइट्रोजन जो यहाँ एन था और यहाँ से एक नाइट्रोजन मिल करके N2+, और ये जो इसका हेलोजन होगा ये X- में इससे अटैच हो जाएंगे। डैट मीन्स ये एक सॉल्ट बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल होते हैं, इसलिए लो टेम्परेचर रखा है तभी ये स्टेबल है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ से N2 गैस बाहर चली जाएगी, जो कि बहुत ही स्टेबल है। अब इसका नाम मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में संकट मोचन भी रखा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ। तो पॉइंट इज कि ये डाइजोनियम अगर आपका बन गया, अब इस पर कोई भी ग्रुप लगाना हो तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसलिए अगर कभी भी बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड बनाना हो तो आपके लिए बेस्ट वे है डाइजोनियम। तो अगर ध्यान से देखो, अगर आपने Cu+1 वाला लिया, Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Cu2X2 या CuCN, डैट मीन्स Cl- Br- Cn-, ये तीनों अगर न्यूक्लियोफाइल हुए तो वो आपका जहाँ पे डाइजोनियम लगा हुआ है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। याद कैसे रखेंगे? तो घर बनाने के लिए सैंड कैसा होना चाहिए? नंबर 1। तो इसलिए यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि घर बनाने के लिए सैंड कैसा होना चाहिए? नंबर 1। तो कॉपर अगर +1 में होगा तो सैंडमेयर रिएक्शन। सेम पॉइंट कि Cu इन प्रेजेंस ऑफ HXO, डैट मीन्स यहाँ पे Cu किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? Cu0 में। अगर Cu0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया इन प्रेजेंस ऑफ HX, वेयर X कैन बी ClBr ओनली, तो इसको बोलेंगे गटरमैन। और इसको कैसे याद रखेंगे? तो गटर में कौन रहते हैं? 0 लेवल के लोग। 0 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसको बोलेंगे गटरमैन। और नंबर 1 क्या होना चाहिए सैंड बिल्डिंग बनाने के लिए? Cu+1 में होगा तो सैंडमेयर रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, कि अगर आपको एक स्मॉलर हेलोजन दैट इज Cl और Br को अगर आपको रिप्लेस करना हो एक बिग हेलोजन से, आयोडीन एक बिग हेलोजन है और Cl या Br स्मॉल हेलोजन है, तो अगर बिगर हेलोजन से स्मॉलर हेलोजन को रिप्लेस करना हो तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिंकलस्टीन। और कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, ये चीज़ें फ्रैंकली है या ये चीज़ें आम बात है कि बड़े लोग छोटे लोग को रिप्लेस कर देते हैं, ये तो आम बात है, राइट, फ्रैंकली बात है। किसी को बोलोगे कि बड़े लोग ने छोटे लोग को रिप्लेस कर दिया तो कोई ध्यान नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये तो होता ही रहता है, फ्रैंक की बात है। तो इसलिए फिंकलस्टीन, अगर कहीं पे बड़े हैलाइड आयन छोटे हैलाइड आयन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आम बात है, ये फ्रैंक बात है, तो फिंकलस्टीन। बट अगर बड़े हेलोजन को छोटे हेलोजन अगर रिप्लेस कर रहे हैं तब यहाँ पे लोग आपकी बात सुनेंगे, क्यों? क्योंकि अगर छोटे लोग बड़े लोग को रिप्लेस कर दिए तो ये स्वाभिमान की लड़ाई है, राइट, इसलिए क्या नाम होगा? स्वार्ट्स, इसको बोलेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है कि छोटे लोग बड़े लोग को रिप्लेस कर रहे हैं। तो
तो जस्ट मैं ये सब चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ कि ताकि आप एकदम ईजी वे में याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये तीन नेम रिएक्शन एकदम क्लियर होगा। नाउ रिएक्शन नंबर 4 कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया, ध्यान दें एल्काइल हैलाइड राइट, या फिर एराइल हैलाइड लिया राइट, तो ऐसे केस में सोडियम डैट इज एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। ड्राई एथर क्यों ले रहे हैं? ताकि सोडियम इससे रिएक्ट ना कर पाए, क्योंकि मॉइस्चर से बहुत जल्दी सोडियम रिएक्ट कर जाते हैं और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो कहीं पे भी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर दिखे और RX आपको दिखे, डैट मीन्स कार्बन से हैलोजन अटैच हो, डैट इज एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड हो, तो ऐसी रिएक्शन जो है वो डिफरेंट नेम से जानी जाती हैं। एराइल, यहाँ पे एराइल कहने का क्या मतलब है कि बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा। तो अगर बेंजीन से डैट मीन्स बहन जी से डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा तो एराइल बोलेंगे, अदर केस में वो क्या रहेगा? एल्काइल रहेगा। ओके, नाउ ये जो रिएक्शन होती है ये वाया फ्री रेडिकल होती है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसमें कपलिंग होता है, डैट मीन्स दो ग्रुप अटैच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने एल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl, तो आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है? जो भी आपको RX गिवन होगा इसका दो मॉलिक्यूल लेना है और क्या करना है, मिरर इमेज लगा देना है। समझाने के लिए ट्रिक का पॉइंट यही है कि जब भी आपको RX देखे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राइथर, तो RX एक लेना है और उसका मिरर इमेज बना देना है। तो देखो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, Cl के पास Cl, CH3 दूर था तो दूर बनेगा, और ये दोनों को निकाल देना है। तो ये दोनों को हटा दोगे तो देख लो क्या बना, CH3CH3। तो चूंकि ये एल्काइल हैलाइड था इसलिए इसका नाम रहेगा रूट्स रिएक्शन। ओके, अगर वहीं पे आपने एराइल ले लिया, सब कुछ सेम है, सिर्फ अगर बेंजीन पे हैलोजन लगा लिया, फिर से मिरर इमेज बनाना उसका, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा राइट, पलट जाएगा और फिर से आपको इन दोनों को बाहर निकाल देना है और कनेक्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल बन जाएगा। इस केस में बोलेंगे इसको फिटिंग। ध्यान दो, सब कुछ सेम है, अगर आपने अल्काइल लिया तो रूट्स, और अगर एराइल लिया बेंजीन वाला लिया, ध्यान दे बेंजीन पे डायरेक्ट हैलोजन अटैच होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे फिटिंग। और अगर किसी ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, डैट मीन्स एक एल्काइल और एक एराइल ले लिया राइट, जैसे यहाँ देखो ये एराइल लिया और ये अल्काइल ले लिया, तो यहाँ पे भी वही करना है, दोनों Cl को बाहर या दोनों हैलोजन आमने सामने करके बाहर कर दो, जो बचा उसको अटैच कर दो, तो यू विल गेट योर प्रोडक्ट और इसका नाम हो जाएगा, इसकी वजह से रूट्स और इसकी वजह से फिटिंग, तो इसका नाम हो जाएगा रूट्स फिटिंग। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल है ये, बट ध्यान दें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सोडियम है। वहीं पे अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लिखा, डैट मीन्स आर कैन बी एल्काइल, आर कैन बी एराइल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर RX एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर करा रहो, अगेन S ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट राइट, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर है, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड कोई भी अगर आपको दिख जाए, तो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम को कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर देना, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है। इसका एक स्पेशल नाम है, डैट इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और चूंकि यहाँ पे मेटल से डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है, कहीं पे भी अगर मेटल से डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसके बारे में मैं आपको पूरा एक आइडिया दे रखा हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमें क्या मिलता है, R- राइट, और R- आपका एक अच्छा बेस भी हो सकता है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो कहीं पे भी अगर आपका हाइड्रोजन फोन से अटैच है, डैट मीन्स फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, अगर आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच है, या फिर कॉर्नर वाले sp कार्बन से राइट, टर्मिनल sp कार्बन से अगर अटैच है, तो इन दैट केस एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, तो R- आपका बेस का काम करेगा, अदरवाइज वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एंड नेक्स्ट कि अगर अगेन RXCO, डैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, तो सबसे बेस्ट है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ RO-Na+, जिसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। कैसे बनाएंगे, तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर बेस से करा देंगे तो ये एसिड हो गया आपका,
और ये बेस हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएंगे, राइट। तो RO माइनस Na प्लस कहीं पे दिख गया आपको, इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्काल हेलाइड, तो वहाँ पे क्या होगा, ये निक्लोफाइल का काम करेगा, राइट, और ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये एक सबका बाहर चला जाता है। तो ये SN2 रिएक्शन होती है, फिक्स है SN2 रिएक्शन होती है, इसलिए आपका R डैश ये जो है सोडियम एल्कोक्साइड वाला, ये R डैश 1 डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 डिग्री हो तो भी चलेगा, 3 डिग्री हो तो भी चल जाएगा, बट आपका एल्काल हेलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो स्टेरिक फैक्टर या क्राउडिंग इंक्रीज होने की वजह से SN2 अटैक नहीं हो पाता है, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है। इनफैक्ट अगर आपने ये 3 डिग्री ले लिया तो उस केस में ये आपका कोई भी हो, आपकी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए SN2 कराना है तो इसको 1 डिग्री ही रखना बेस्ट है। तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ईथर। कैसे? ये निक्लोफाइल की तरह अटैक किया तो एक्स बार हो गया, ROR ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर। तो आपका ईथर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट 7 इज कि अगर कहीं पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए, ध्यान से देखो इसमें सब में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ले रखा है। अगर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अगर उस पर हाइड्रोजन है तो ऐसे रिएक्टेंट की रिएक्शन अगर X2 डैट मीन्स यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, तो हैलोजन और रेड फास्फोरस आपको गिवेन हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो डैट मीन्स क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान दें अल्फा कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन कैसे पहचानते हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बगल में कार्बन होना चाहिए और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी ध्यान दें sp3 होना चाहिए, डैट मीन्स सारे सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड X2 यू विल गेट अल्फा पोजीशन पे हैलोजन आ जाएगा आपका Cl या Br। तो इस रिएक्शन का नाम है हेल वोल्हार्ड जिलेंसकी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बोलते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स है रिएक्टेंट रिएजेंट और प्रोडक्ट सब कुछ फिक्स है, यू नो, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है और अल्फा पोजिशन पर ही वही हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन आ जाता है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजिशन पर अगर आपको हैलोजन चाहिए, डैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर हैलोजन चाहिए तो आप X2 एंड रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा दो, यू विल गेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो 8 है कि अगर आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, राइट, और उसकी रिएक्शन सोडा लाइम, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, क्या बोलते हैं सोडा लाइम वर्ड लिख सकता है सोडा लाइम, तो डैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड 3:1 रेशियो में होना चाहिए। इसका रेशियो भी थोड़ा ध्यान में रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो क्या होगा, ध्यान से देखो आपको क्या करना है, जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो लिख लो, और सोडा लाइम मतलब NOH, और इसको Na2CO3 को बाहर कर दो। देखो 2 Na हो गया, 1 कार्बन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, Na2CO3 को बाहर कर दो, तो बचा क्या R और H, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्केन। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ध्यान से देखो, आप जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उससे 1 कम कार्बन वाला आपको एल्केन मिलेगा, तो हाइड्रोकार्बन 1 कार्बन लेस वाला मिलेगा आपको। जैसे अगर यहाँ पे सपोज करो मैं CH3 C डबल बॉन्ड हो माइनस Na+, मतलब एसीटेट सोडियम एसीटेट अगर लिया होता तो यहाँ पे मुझे मीथेन गैस मिलता। तो एक और पॉइंट है कि इस प्रोसेस से, इस मेथड से हम मीथेन भी बना सकते हैं, जबकि रूट्स रिएक्शन जो बताया था वो, या फिर ये वाला कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, इन सब से हम मीथेन गैस प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान देंगे, जब भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको हाइड्रोकार्बन डैट मीन्स एल्केन मिल जाएगा और 1 कार्बन लेस वाला होगा, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। कहीं पे भी डी वर्ड लगा हो मतलब वो चीज़ें बाहर जा रही है, जैसे डिहाइड्रेशन तो मतलब वाटर बाहर जा रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो वैसे ही डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होगा डी कार्बोक्सिलेशन, और इसमें 1 कार्बन लेस वाला आपको हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है।
इसमें जो इंटरमीडिएट होते हैं वो भी ध्यान रखना है, कार्बेनायन होते हैं, इसलिए अगर कार्बेनायन बन रहे हैं तो इसका मतलब माइनस आई या माइनस एम ग्रुप लगे होंगे, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो यू नो एनोड पे एनायन जाते हैं और कैथोड पे कैटायन, राइट। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो आपको क्या होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा और ये रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो कैसे होगा, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, जब आप सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, जो एनायन है वो एनोड पे जाएंगे और एनोड पे जाकर के ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ ये CO2 के फॉर्म में आपका बाहर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे और आपका क्या होगा, आर फ्री रेडिकल जनरेट होगा। वो आर फ्री रेडिकल दूसरे आर फ्री रेडिकल से कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट मिलेगा और कार्बन के जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे जो आप रिएक्टेंट में लोगे उसका डबल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट में लिया था जितना कार्बन उससे एक कम हो गया था। तो ये सारे पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। और कैथोड पे चूंकि सोडियम और पोटेशियम का रिडक्शन नहीं हो सकता तो इसलिए वाटर का होता है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो ये भी ध्यान रखना है। एनोड पे दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपका एल्केन जो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेंगी और इस प्रोसेस का नाम है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। और लास्ट, अगर कहीं पे भी आपको बेंजीन दिख जाए सिर्फ, या बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो और वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन हो सकता है, हैलोजन तो एराइल हैलाइड हो जाएगा, OH होगा तो फिनॉल हो जाएगा, OR होगा तो आपका ईथर हो जाएगा, NH2 होगा तो एनिलीन हो जाएगा, एल्डिहाइड होगा तो बेंजल्डिहाइड, एसिड होगा तो बेंजोइक एसिड, कीटोन होगा तो कीटोन हो जाएगा, राइट। तो आइदर बेंजीन दिख जाए या बेंजीन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, तो आपको सिर्फ ग्रुप का इफेक्ट देखना है, अगर वो प्लस एम या प्लस आई है, जो आपको बता रखा हूँ कि बेंजीन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम शो करेगा, तो प्लस एम या प्लस आई वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे और माइनस एम या माइनस आई वाले जो कि ये वाले हैं, ये सब जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ हो या सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड लगा हो, राइट, तो ये सब माइनस एम ग्रुप है, तो माइनस एम या माइनस आई वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो फंडा क्लियर है, बेंजीन या बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उस ग्रुप का आपको देख लेना है, इफेक्ट प्लस एम या प्लस आई होगा तो ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रोफाइल को लेके आना है, माइनस एम या माइनस आई होगा तो मेटा पोजीशन पे लेके आना है। डैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करना है कि पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है, पॉजिटिव वाला पार्ट आपको पता लग गया प्लस एम या प्लस आई होगा तो ऑर्थो पे लगाना है और पैरा पे लगाना है, और अगर माइनस एम या माइनस आई होगा तो मेटा पे लगाना है। जनरली पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर प्लस एम या प्लस आई होगा तो सिर्फ ऑर्थो उस केस में मेजर होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तभी ऑर्थो मेजर होगा, अदरवाइज पैरा मेजर होंगे इन केस ऑफ प्लस एम या प्लस आई, और माइनस एम या माइनस आई में तो फिक्स ही है, मेटा ही मेजर होगा क्योंकि उसमें और कोई पोजिशन नहीं है। नाउ अब आपको इलेक्ट्रोफाइल सर्च करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे दे सकता है, RX इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जरूरी नहीं है कि AlCl3 हो, 13 ग्रुप का कोई भी आपका कंपाउंड होना चाहिए क्योंकि 13 ग्रुप वाले सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एनहाइड्रस फॉर्म में लोगे तो ये क्या करेगा, इस हैलोजन को खींच लेगा और बना लेगा AlCl4- और आपको R+ क्रिएट कर देगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनने की वजह से ये रीअरेंज हो सकते हैं और उसके बाद आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। तो बेंजीन अगर सिर्फ होगा तो कहीं पे भी अटैच कर दो, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, अगर ये प्लस एम या प्लस आई होगा तो पैरा या फिर ऑर्थो पे लगाना है, और अगर माइनस एम या माइनस आई होगा तो फिर आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, मेटा पोजिशन पर आपको लगाना पड़ेगा, राइट। तो अगर एल्काइल आपने लिया, एल्काइल हैलाइड, तो उसको बोलेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान दें, ये रिएक्शन दोनों का नाम फ्राइडल क्राफ्ट, साइंटिस्ट का नाम है फ्राइडल क्राफ्ट है, अगर एल्काइल आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो अल्काइलेशन, और अगर ये एसाइल ग्रुप कहलाते हैं, असाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इसको बोलेंगे असाइलेशन। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, RC डबल बॉन्ड हो, ये फिक्स है, इधर जेड कैन भी हेलोजन, एसिड हैलाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, ये जहाँ भी दिखा इन प्रेजेंस ऑफ अगेन AlCl3 अगर हो गया एनहाइड्रस, या डी ब्लॉक के कोई कंपाउंड दिख जाए,
तो उन सब केस में ये जेड को वो बाहर ले लेगा और आपको क्रिएट कर देगा RCO प्लस, एंड अगेन इसको बेंजीन पे अटैच कर देना है। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो अगेन आपको देखना है कि वो कौन सा है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है या मेटा, उसके अकॉर्डिंग जोड़ देना है। तो असाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन इसी से रिलेटेड है। आप चाहो तो अगर X2 इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, इन प्रेजेंस ऑफ Fe या FeCl3 एटसेट्रा, अगेन कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट हो या 13 ग्रुप वाला कोई एलिमेंट हो, राइट, ये जहाँ भी दिख जाए हेलोजन के प्रेजेंस में, तो ये एक हेलोजन को ले लेंगे और आपको क्रिएट क्या करेंगे X प्लस। आपको यहाँ पे ई प्लस जो मैंने लिखा है कार्बोकटाइन, या फिर आपको जो इलेक्ट्रोफाइल सर्च करना है तो वो यहाँ पे X प्लस है। तो पूछ लिया जाता है कि हेलोजिनेशन में एक्चुअल में अटैकिंग पार्ट कौन है या कौन सा इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है, तो X प्लस हेलोजन आयन बनते हैं। और जो आपका फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में वो पहला पोजिशन पर आ सकता है अगर प्लस एम या प्लस आई ग्रुप है तो मेजर प्रोडक्ट में, और अगर माइनस एम या माइनस आई होगा तो कहाँ पर आ जाएगा, वो आपका मेटा पोजिशन पर, जो आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा हूँ। तो हेलोजिनेशन इसको बोलेंगे क्योंकि हेलोजन एडोर है। वैसे ही HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लोगे तो नाइट्रेशन बोलते हैं उसको, NO2+। NO2+ यहाँ पे अटैकिंग पार्ट होता है नाइट्रेशन में। NO2+ अगेन आपका अगर सिर्फ बेंजीन है तो कहीं पे भी अटैच कर दो, फंक्शनल ग्रुप लगा है तो अगेन इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। मैंने जस्ट एक केस दिखाया है कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्लस एम शो कर रहा है तो मेजर प्रोडक्ट जनरली पैरा होते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वही ऑर्थो मेजर होगा। और सिमिलरली अगर कॉन्क H2SO4 लिया तो सल्फोनेशन होगा, और उसमें कौन तो SO3H+ क्रिएट होते हैं। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट भी ध्यान रखना है, हेलोजिनेशन में X+ क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आपका X+ है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है, और सल्फोनेशन में SO3H+ है जिसको हमने ऐड कर दिया है। कि आपका रिएक्टेंट अगर कहीं पे भी एल्कीन दिख गया आपको एज ए रिएक्टेंट, ध्यान दें एल्कीन डबल बॉन्ड वाले दिख गए, और B2H6 या फिर BH3 दे सकता है, यूनो कि BH3 डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम अगर आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है। ध्यान दे क्या करना है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ध्यान दे सिग्मा को नहीं, पाई को ब्रेक करके B2H6 से H ऐड कर देना है एक जगह पे, और एक जगह पे H2O2 या OH- वाला OH ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, तो इट इज ए सीन एडिशन जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर रखा हूँ मैं एडिशन ऑन एल्कीन वाले वीडियो लेक्चर में, और ये एक एंटी मार्कोनिकव एडिशन है। कहने का क्या मतलब है कि अब H और OH हम कहाँ ऐड करेंगे, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसको क्या देना है OH, और जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन होगा उसको क्या देना है H। डैट मीन्स चूंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन था, अगर ऐसे समझना है तो इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन को वहाँ पे देगा जहाँ पे कमी होगा, जस्ट समझने के लिए। तो यहाँ पे यू नो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कम है इसलिए यहाँ पे H और यहाँ पे OH, और दोनों सेम साइड से ऐड होंगे। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HBO भी लिख सकता है। तो बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि कहीं पे भी एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ B2H6 BH3 आपको मिले एंड H2O2H-, तो जो दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ उसको ब्रेक करके एक कार्बन पे H एक कार्बन पे OH, उस कार्बन पे H लेके आना जिस कार्बन पे H कम है, वेरी सिंपल, इसलिए ये एंटी मार्कोनिकव है। सेम अगर आपका रिएक्टेंट सेम है, सिर्फ रिएजेंट चेंज कर दिया, मरकरी HgOH2 इन एक्वस सॉल्यूशन डेट इज वाटर होना चाहिए, और NaBH4, तो अगेन वही करना है, इन दो कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने हुए हैं उसको ब्रेक कर देना है, अगेन एक कार्बन को H देना है एक कार्बन को OH। कैसे देना, तो वेरी सिंपल, HgOH2 जो एक्वस मीडियम है उससे आपको OH मिलने वाला है, और NaBH4 से आपको H मिलने वाला है। यहाँ तक रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहलाता है, इसके बाद डीमर्क्यूरेशन क्योंकि मरकरी को फिर रिमूव करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर HOH कैसे ऐड करेंगे, तो आप इसको अगर याद रख लिए तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, राइट, तो वैसे भी याद रख सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको OH वहाँ पे ऐड करना है जिस कारण पर हाइड्रोजन कम है। डैट मीन्स यहाँ पे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है,
तो ध्यान से देखो, OH को हमने कहाँ ऐड किया है, उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करना है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। डैट मीन्स पहले वाली रिएक्शन का जस्ट उल्टा हो गया, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मार्कोनिकव, इसलिए इसका नाम है एंटी मार्कोनिकव। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एंटी एडिशन है, राइट, अपोजिट साइड से ऐड होंगे, और इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे OMDM। तो तीसरी रिएक्शन जो है वो एसाइल क्लोराइड कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, एसाइल, जब भी इस टाइप का है तो एसाइल, एराइल से एसाइल क्लोराइड है। तो जब एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट कराओगे, यहाँ पे देखो सिर्फ अगर H2PD लिया होता हमने तो फिर ये बेंजल डिहाइड पर रिएक्शन नहीं रुकती, फिर ये अल्कोहल पर रुकती, लेकिन बेरियम सल्फेट ऐड करने से पाउडर फॉर्म में क्या हो गया कि जो पैलेडिनम की सरफेस थी उस पर बहुत सारे बेरियम सल्फेट जो पाउडर फॉर्म में लियो वो कवर कर लेंगे उसके सरफेस को, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन की काइनेटिक्स कम हो जाती है, इसलिए रिएक्शन आपका यहीं पर रुक जाएंगी। तो अगर फिक्स है, रिएक्टेंट फिक्स है, रिएजेंट फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, अगर एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ H2PD बेरियम सल्फेट मिल जाए तो इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन, और प्रोडक्ट क्या है, बेंजल डिहाइड। ओके, तो चूंकि ये पार्शियल रिडक्शन हुआ, ये एक पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, और बेरियम सल्फेट पाउडर का क्या काम है, यही वो है जो पैलेडियम सरफेस की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। अगर ये नहीं लेते तो क्या हो जाता, अगर सिर्फ H2PD लेते तो रिएक्शन अल्कोहल पे जाकर के रुकती, 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिलता। नाउ नेक्स्ट, अगर साइनाइड का अगर पार्शियल रिडक्शन करेंगे, अगेन ये भी जो है वो आपका पार्शियल रिडक्शन है, अगर साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो अगेन आपको अल्डिहाइड मिलेगा, कैसे, तो SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे ध्यान से देखो, 3+2 में है, और ये कहाँ जा सकता है, +4 में, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2H+ से आपको 2 nascent हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 oxidation स्टेट का चेंज, तो H+ में चला जाएगा, 2 nascent हाइड्रोजन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको भी H देना और इसको भी H देना, तो ध्यान से देखो मैंने वही दिखाया, पहले केस में आपका आईमीन बन जाएगा। ओके, दोनों कार्बन और नाइट्रोजन को एक एक H मिल जाएंगे। नाउ उसके बाद क्या किया गया, हाइड्रोलिसिस को कैसे दिखा सकता है, H3O+ दे दिया तो, H+ सिर्फ लिख दिया तो, वाटर लिख दिया तो, या सिर्फ हाइड्रोलिसिस वर्ड लिख दिया तो, इन सब का एक ही मतलब है। तो हाइड्रोलिसिस का भी ट्रिक आपको दे रखा हूँ, आपको 2 different इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H देना है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH देना है, और ये हमने ब्रेक कर दिया। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर को बाहर कर दो, यू विल गेट अल्डिहाइड, बाई प्रोडक्ट में आपका अमोनिया आ जाएगा। तो ये नेम रिएक्शन आपको एज इट इज ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, और उसमें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एज इट इज ये पूछे जाएंगे आपको। नाउ नेक्स्ट 5 कि अगर फिनॉल अगर आपको कहीं पे दिख जाए, ध्यान दें बेंजीन पे अगर डायरेक्ट OH लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल कहीं पे दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NOH, तो पहले क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये आपका एसिड हो गया, राइट, और ये आपका बेस हो गया। एसिड बेस रिएक्शन से ये H+ हट जाएगा, O-, तो इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इंपॉर्टेंट है ये फिनॉक्साइड आयन, जो रेजोनेंस की वजह से कहाँ कहाँ पे निगेटिव चार्ज लेके आएंगे, ऑर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो C(OO), एक तरह से ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, राइट, सी डबल बॉन्ड हो, तो जो इसका ऑर्थो वाला निगेटिव चार्ज है वो इस पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और ऑर्थो पोजिशन पे आपका क्या बन जाएगा, C(OO), और फिर चूंकि आपने H+ लिया है तो जो बेसिक मीडियम की वजह से O पे माइनस था वो अब एसिडिफाइड होकर के H आ जाएगा, तो डैट मीन्स आपको ऑर्थो पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है तो 1, 2, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट। इसका कॉमन नेम, घर का नाम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड। और इस रिएक्शन को, ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोलवेज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलवेज रिएक्शन। तो जब भी आपको फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो आपको फिनॉल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे ये जो सी डबल बॉन्ड
ओ ओ है राइट, डेट मीन्स सी ओ टू, तो ये सबको एज इट इज पूरा रख देना है। डेट मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ देखो पूरा आ गया है सी ओ टू वाला पार्ट, और एच लगा देना, डेट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा कोलवेज रिएक्शन। इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ध्यान देना है कि ऑर्थो वाला ही मेजर प्रोडक्ट क्यों हो गया, जनरली पैरा मेजर होते हैं, ऑर्थो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ऑर्थो विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ऑर्थो मेजर होंगे और पैरा माइनर होंगे। सिमिलरली अगेन फिनॉल की रिएक्शन, अगर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम, अगेन जरूरी नहीं कहने अच्छो बेसिक मीडियम क्रिएट करना है, तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम होगा तो आपको पहले ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा, ये एक इंटरमीडिएट मिलेंगे। डैट मीन्स कि अगेन वही पॉइंट है NOH, इससे ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये ले लेगा, तो आपका क्या बनेगा फर्स्ट केस में CCl3-, कार्बन पे नेगेटिव है तो एक क्लोरीन का लॉस हो जाएगा और ये बन जाएगा CCl2, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट भी पूछा जा सकता है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है तो डाइक्लोरोकार्बीन, प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट क्या है तो ये इस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है राइट। अब ध्यान से देखो तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये दोनों सीएल निकल करके दो OH आएगा, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है, वाटर बाहर चला जाएगा, तो आपका जो आएगा ऑर्थो पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे एसिड आया था, यहाँ पे अल्डिहाइड हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, चूंकि अगेन डॉन फंक्शनल ग्रुप है 1-2, तो 2-hydroxybenzaldehyde, या इसका घर का नाम सैलिसाइनलडिहाइड राइट। तो ये जो रिएक्शन है फिनॉल की इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसिडिफाइड मीडियम, तो जो आपको प्रोडक्ट मिला 2-hydroxybenzaldehyde, तो इस रिएक्शन का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टाइमन रिएक्शन, तो इसको ध्यान से रखना है, आरटी रिएक्शन है ये, आरटी रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन। तो ये फिक्स है, जो ये रिएक्टेंट होंगे ये रिएजेंट होंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ फिक्स। अगर सपोज करो किसी ने गलती से CaCl3 की जगह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया होता, बाकी सब कुछ सेम, तो यहाँ पे फिर आपका क्या मिल जाता एज ए मैन प्रोडक्ट, ये ऊपर वाला आपको मिल जाता सैलिसाइलिक एसिड, तो आपको क्या मिल जाता सैलिसाइलिक एसिड। तो बस ध्यान रखना है फिनॉल की दो रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम CO2 यू विल गेट सैलिसाइलिक एसिड और कोलबेज रिएक्शन इसका नाम होगा, और अगर फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम तो यू विल गेट सैलिसाइलडिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम होगा रीमर टीमन रिएक्शन, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया तो फिर से आपको सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। नाउ बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का मतलब है कि बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, आइदर बेंजीन हो ज़्यादातर यही रहते हैं, या फिर बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl करा रहो, एज ए कैटलिस्ट यू कैन यूज एन हाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो क्या करेगा ये सब Cl को लेकर के बाहर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा H+ क्रिएट हो जाएगा, जो CO से एक्चुअल में ये बना लेंगे आपका, डैट मीन्स आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर बेंजीन सिर्फ है तो फिर आपको कहीं पे भी अल्डिहाइड ग्रुप लगा देना, और अगर बेंजीन के डेरिवेटिव है डैट मीन्स इस पर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम है या माइनस एम, प्लस एम होगा तो ऑर्थो पे लगाना है, पैरा पे लगाना है, और अगर माइनस एम होगा तो मेटा पे लगाना है, तो डैट मीन्स आपको बेंजीन पे क्या ले आना है, ये ध्यान से देखो ये COH ये पूरा है, तो अल्डिहाइड ग्रुप ले आना है। इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ध्यान दे जब डाइजोनियम में कॉपर जीरो वाला था तो उसका नाम था सिर्फ गैटरमैन राइट, बट यहाँ पे अगर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 तो फिर इसका नाम गैटरमैन कोच रिएक्शन है। तो ये सब नेम रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ कि चेंजेज कहाँ पे हो रहे हैं उसको ध्यान से रखना है। नाउ नेक्स्ट, अगर कहीं पे भी आपको टॉलुइन दिख गया, क्या बेंजीन पे कोई मिथाइल ग्रुप राइट, बेंजीन पे अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं टॉलुइन, टॉलुइन दिख गया इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड और नॉन पोलर सॉल्वेंट ओके, और उसके बाद फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं,
तो क्या होगा, आपको पहले एक ये इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, डैट मीन्स ये कार्बन के जो दो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्रोमियम के कंपाउंड से, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे वो दो हाइड्रोजन हट कर करके, और एक हाइड्रोजन आपका रह ही जाएगा, राइट, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर आप जब हाइड्रोलिसिस किए तो यू नो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको इस कारण पे दो OH आ जाएंगे, यू नो एक कारण पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो वाटर बाहर चला जाएगा तो आपको अल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इटार्ड रिएक्शन। तो फिक्स है, मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए बेंजीन पे, डेट मीन्स टोलुइन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड और हाइड्रोलिसिस यू विल गेट बेंजल्डिहाइड एज द मेन प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। वैसे ही इसके बारे में पूरा मैं आपको बता रखा हूँ रिडक्शन वाले में कि अल्डिहाइड या कीटोन होगा, राइट, जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। आपको क्या करना है, ये सी डबल बॉन्ड वाला दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देना है, इसको दो हाइड्रोजन दे देना है और इसको भी दो हाइड्रोजन दे देना है, तो राइट, तो क्या बन गया एक तरह से यहाँ पे एल्केन आपका बन जाएगा अगर सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, और इसका मैंने ट्रिक दे रखा है, जहाँ होगी कल्लो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी हेलो, तो वो वहाँ पे पूरा मैं आपको बता रखा हूँ। वैसे ही अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं पे दिख जाए NH2 डेट इज हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एज ए सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा हीट करोगे तो पहले केस में तो आपको ये आयमीन वाला बन जाएगा, अगेन ये वन ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन है, और फिर जब बेसिक मीडियम में इसको आप ये करोगे तो आपका ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, अगेन इसको हेच, इसको हेच और इसको हेच और इसको हेच, तो आपको अगेन एल्केन मिल जाएगा अगर ओनली अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो, और N2 गैस यहाँ पे बाहर चली जाएगी। इस रिएक्शन का नाम है वुल्फ किशनर रिडक्शन। इसका भी मैंने ट्रिक दिया था, नहीं नहीं वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला, तो आप रिडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में जा करके देख सकते हो वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थैलीमाइड हम कैसे बनाएंगे। रिएक्शन का नाम रहेगा गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अमाइन अगर बनाना हो, ध्यान दे इससे सिर्फ और सिर्फ हम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, डैट मीन्स यू कैन नॉट प्रिपेयर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन फ्रॉम दिस रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड। तो देखो इसमें करना है कि आपको थैलिक एसिड लेना है। थैलिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन के दो एडजेसेंट पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब आप अमोनिया से करा देंगे तो अमोनिया का दो हाइड्रोजन और ये एसिड ग्रुप का OH ये वाटर के फॉर्म में बाहर चला जाएगा तो आपको मिलेगा थैलीमाइड। ये एक्चुअली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है रिएक्शन को या यहाँ से भी, थैलीमाइड होना चाहिए। थैलीमाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम कराते हैं, अनली थिंग इज कि बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस आपका इसका जो ये H है इसको ले लेगा तो आपका क्या बन जाएगा एक तरह से नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा, डैट मीन्स ये एक न्यूक्लियोफाइल का आप काम करेगा, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन अब हमने एल्काइल हैलाइड पे कराया है तो यू नो इस पे पार्शियल डेल प्लस इस पे पार्शियल डेल माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, राइट। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह से ये आपका बन जाएगा, आप ध्यान से देखो N माइनस जब इस पे क्या तो X बाहर चला जाएगा आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या कर देना है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्यों, क्योंकि हमने बेसिक मीडियम ले रखा है तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट बस बता रखा हूँ, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हेच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को हेच, तो ये हमने दिया तो इसलिए इस कार्बन पे आपका OH आ जाएगा, चूंकि बेसिक मीडियम क्रिएट कर रखा है तो इसलिए H प्लस इसके पास नहीं रहेगा तो ये O माइनस के फॉर्म में रहेंगे और इस नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया। यहीं से हमें दो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहाँ से दो पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि आप जो RX लेंगे वो क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन नहीं हो सकता, एराइल वाला ग्रुप नहीं हो सकता, एराइल से आप नहीं बना सकते, डैट मीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन। आप कभी भी इस मेथड से
एनिलीन नहीं बना सकते। रीजन, क्योंकि यू नो इसके पास लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। तो वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन बाय गैब्रियल थैलिमाइड एंड ऑल्सो वी कैन नॉट प्रिपेयर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ओनली 1 डिग्री। दूसरा एक और पॉइंट जो आप ध्यान से देखेंगे कि क्यों मैं 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बचना जरूरी है। जब ये हाइड्रोजन बचेगा, बेस से रिएक्ट करेगा, तभी एन पे माइनस आएगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर मैं हेच की जगह आर ले लिया होता तो प्रॉब्लम क्या होती, यहाँ पे हेच की जगह क्या होता आपका आर होता, राइट। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बचा नहीं, बेस से रिएक्शन होगी नहीं, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर तो कहाँ जा चुका है, रेजोनेंस में, इसलिए ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता, इसलिए हम 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना पाते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, और उस रिएक्शन का आज हम बनाएंगे बर्थडे, क्योंकि उस रिएक्शन का नाम हमने प्यार से रखा है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन का मतलब क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, सबका मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो करना क्या, इसमें आपको एमाइड ग्रुप कहीं पे भी दिख जाए, क्या एमाइड ग्रुप RC डबल बॉन्ड हो NH2, एमाइड ग्रुप दिख जाए तो इसको बीच से निकाल देना है, ख़त्म कर देना है। ये जैसे हट गया तो बचा क्या RNH2, प्रोडक्ट बना देना आपको RNH2। तो ध्यान दें, यहाँ से भी आपको कौन सा अमाइन मिल रहा है, 1 डिग्री अमाइन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री। बट पॉइंट सब क्या क्या है कि जब भी एमाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड बेसिक मीडियम आपको दिख जाए, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन आपका क्या हो जाएगा इसमें लेस, एक कार्बन निकल जा रहा है सी डबल बॉन्ड के फॉर्म में, राइट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका माइग्रेशन होता है किस पे, नाइट्रोजन पे। तो ये पॉइंट भी ध्यान देना है, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। और ये डिग्रेडेशन क्यों है, क्योंकि कार्बन लेस हो गया है, राइट। इस रिएक्शन का बैलेंसिंग फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, 1 मोल ऑफ अमाइड रहेंगे, 1 मोल ऑफ Br2, 4 मोल जब आप बैलेंस करेंगे, 4 मोल ऑफ NOH विल गिव यू 1 मोल ऑफ RNH2 1 डिग्री अमाइन, 1 मोल ऑफ Na2CO3, 2 मोल्स ऑफ NaBr एंड 2 मोल्स ऑफ H2 आपको मिलेंगे। तो इसका बैलेंस रिएक्शन भी याद रखना, कभी कभी इस पे बेस भी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, दैट इज कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो ये अगेन ओनली 1 डिग्री एमीन, ध्यान दें ओनली 1 डिग्री, आइदर वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो चलेगा, ओनली प्राइमरी एमीन ये टेस्ट देता है। इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को अगर आपको सेपरेट करना हो तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप 1 डिग्री एमीन के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन नहीं देता है। 1 डिग्री में एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, डैट मीन्स आर कैन बी बेंजीन और कैन बी नॉन बेंजोनाइड स्ट्रक्चर। तो उन दोनों केस में क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेना है अगेन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ध्यान दें, क्लोरोफॉर्म एक बार और हमने यूज किया था, कौन सी रिएक्शन में, जब फिनॉल की रिएक्शन कराया था, सैलिसाइलल डिहाइड बनाया था, रीमर टैमन रिएक्शन, तो वहाँ पे, और एक यहाँ पे यूज हो रहा है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और हीट लेंगे तो आपको NC आइसोसाइनाइड मिलेगा, CN साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड मिलेगा जिसका फॉल स्मेल होता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन भी बोल सकते हैं, राइट। तो 1 डिग्री एमीन की ये खास पहचान है कि 1 डिग्री एमीन में अगर आपने क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम डाला तो फॉल स्मेल आने का मतलब आइसोसाइनाइड बन गया है। नाउ अगेन इसका भी बैलेंस रिएक्शन ध्यान रखना है, 1 मोल ऑफ अमाइन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ रिएक्ट करके आपको 1 मोल आइसोसाइनाइड, 3 मोल्स KCl एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर देंगे। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन में ध्यान रखना है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप देख लें और समझ लें। वन इज गैब्रियल थैलिमाइड, सेकेंड इज हैप्पी बर्थडे रिएक्शन एंड थर्ड इज कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो नेम रिएक्शन ट्रिक में पहला जो अपना नेम रिएक्शन है, डैट इज कॉल्ड अल्डोल या फिर अल्डोल कंडेंसेशन, दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो भी हम समझेंगे। तो ध्यान से देखो कि ये रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके पास आइदर अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, अल्डिहाइड या कीटोन, डैट मीन्स वैसे जिसमें सी डबल बॉन्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन आपको लेना है। और अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा कार्बन,
अल्फा कार्बन की पहचान कैसे है कि सी डबल बॉन्डों के बगल में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ध्यान दे। और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए ही, अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन के लिए एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। देखो इसका जो रिएजेंट है वो बहुत ही सिंपल है, बेसिक मीडियम जैसा आपको क्रिएट करना है, इसलिए वो सिर्फ OH- लिख करके दे सकता है, NOOH लिख करके दे सकता है, कोई भी बेस दे दे, बैरियम हाइड्रोक्साइड लिख करके दे सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट भी दे सकता है, ये सब उसकी पहचान है। बस बेसिक मीडियम हमें क्रिएट करना है, बेसिक मीडियम में अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो वो आपका अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। करना क्या है आपको, तो वेरी सिंपल है कि आपको देखो ध्यान से देखो, जो सी डबल बॉन्डो है, सी डबल बॉन्डो एक मॉलिक्यूल का सी डबल बॉन्डो सामने रखो और इस कार्बन पे ध्यान से देखो, इस कार्बन पे एक तरफ R एक तरफ CH3 है, तो एक तरफ R एक तरफ CH3 और सी डबल बॉन्डो। दूसरी बार में क्या करना है, इसी मॉलिक्यूल का जो दो अल्फा हाइड्रोजन है उसको सी डबल बॉन्डो के सामने करना है, तो देखो दो हाइड्रोजन को सामने किया, राइट, इस कारण पे एक और हाइड्रोजन बच गया सी डबल बॉन्डो R, और वाटर को क्या कर देना आपको बाहर निकाल देना है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा ध्यान से देखो, CR CH3, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH सी डबल बॉन्डो R, तो ये सी डबल बॉन्डो के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कहलाता है और ये वाला बीटा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आ गया, राइट। एक बार और अब ध्यान से समझो, जैसे सपोज करो मैंने ये लिया, तो ये सी डबल बॉन्ड हो, राइट, उसके बगल वाला कार्बन इसलिए रेड कलर से दिखाया है, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास हाइड्रोजन है, बेसिक मीडियम है, अल्डोल की परफेक्ट कंडीशन हो गई। तो आपको करना क्या है, एक मॉलिक्यूल ऐसा ही एज इट इज उठाना, ध्यान से देखो मैं सी डबल बॉन्ड को सामने कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे लिख दो, एक तो आपको ऐसे उठाना है एक मॉलिक्यूल, दूसरा यही मॉलिक्यूल उठाना है क्योंकि अभी एक ही यही है, और आपको क्या करना है, इसका दो हाइड्रोजन सी डबल बॉन्डों के सामने करना है, कौन सा वाला, अल्फा वाला, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो इस कार्बन का दो हाइड्रोजन सामने किया, एक हाइड्रोजन था, उसके बाद इस कार्बन पे क्या था ध्यान से देखो, इस कार्बन पे सी डबल बॉन्डो और फिर इधर CH3 था, तो उसको मैंने लिख दिया सी डबल बॉन्डो CH3, वेरी सिंपल है बनाना, और क्या करना है आमने सामने का हिस्टो बाहर कर देना, तो ध्यान से देखो क्या हो गया, आप यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, तो आपका ये C पे CH3, इधर CH3, ये डबल बॉन्ड C, ये फिर C डबल बॉन्ड हो और ये CH3, इस कार्बन का तीन ही बॉन्ड हुआ और एक H था, तो एक H इधर दिखा दो, राइट, तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कहलाता है और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आ चुका है, तो ये तब आएगा जब थोड़ा हीट करोगे, तो इसको बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान दें अल्डोल कंडेंसेशन। और सपोज करो सिर्फ अल्डोल प्रोडक्ट पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये वाले पाई बॉन्ड को हटा देना है और इस पे OH और इस पे H देना है, तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये CH3 रहेगा, ये CH3, ओके, इस कार्बन पे क्या आ जाता, एक और H, तो ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड CH3 और इस पे क्या कर देना है OH, यही OH और यहाँ का H बाहर जाता है, तो आपका ये डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है अल्डोल, इसको क्या बोलेंगे सिर्फ अल्डोल, और जब वाटर आप बाहर निकाल देंगे तो इसलिए वर्ड आया कंडेंसेशन, तो अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा कार्बन के बीच अनसेचुरेशन आएगा, अल्डोल में बीटा पे OH होंगे, बस ये ध्यान रखना है, राइट, और थोड़ा सा भी हीट होगा तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना, अदरवाइज अल्डोल बनेंगे। सिमिलर टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 2, डेट इज अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इससे ज़्यादा बेसिक मीडियम में, डेट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम क्रिएट करना है आपको, तो कभी कभी 50% NOH भी लिख देगा या कॉन्क NOH, तो इससे ज़्यादा बेसिक मीडियम में और अगर कोई अल्फा H नहीं है तो ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होते हैं और रिड्यूस भी होते हैं, इसलिए ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है कैनिजारो रिएक्शन, क्या बोलेंगे कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो फिर ये रिएक्शन होगी, इसमें क्या होता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, तो ध्यान से देखो अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो H की जगह O आ जाएंगे, तो इसलिए ये
आपका बेंजोइक एसिड बन गया। और माइनस क्यों देखा रखा, क्योंकि आपने बेसिक मीडियम क्रिएट कर रखा है, इसलिए एच इसका बेसिक बेस जो है वो लेकर के चला जाएगा, तो इसलिए एनायन फॉर्म में ये रहेगा। और दूसरा इसको फिर रिड्यूस करना है, तो क्या करना है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, इसको भी एच और इसको भी एच, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल आपका। तो ये ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, तो एक ही रिएक्शन में दोनों पार्ट हो रहा है, इसलिए ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। तो वेरी सिंपल फंडा है, जहाँ भी अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, अगर अल्फा एच है तो अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन कराना है, अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो कराना है। कैनिजारो में वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होंगे, अल्डोल में जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है एक बार उसका सी डबल बॉन्ड ओ सामने कर देना है, और एक बार जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको सामने कर देना, और वाटर बाहर निकल देना है। ध्यान से देखो इसका नाम अल्डोल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम है अल्डोल। अगर कीटोन होता तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता और अल्कोहल, इसलिए कीटोल भी बोल सकते हैं, बट अल्डोल के नाम से ही उसको जानते हैं। नाउ नेक्स्ट तीन, अगर कहीं पर भी आपको एल्काइन दिख जाए, सी ट्रिपल बॉन्ड सी राइट, और ट्रिपल बॉन्ड के दोनों जो कार्बन हैं उनके दोनों साइड कार्बन कार्बन हो, या एक कार्बन एक हाइड्रोजन हो, या दोनों हाइड्रोजन हो, डैट मीन्स आपको एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 Hg+2 में होना चाहिए। अगर ये कहीं पे दिख जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखें आपको क्या करना है, जब भी एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 से कराओगे तो वो वाले कार्बन जिस पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा, डैट मीन्स स्टेबल कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे बनेगा वो आपको चेक कर लेना, उसको ऑक्सीजन देना है, और जो अदर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसको दो हाइड्रोजन देना है। इस रिएक्शन का नाम है कुचेरब रिएक्शन। तो बात को समझे, क्या करना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड में का दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड का दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसको ऑक्सीजन देना है, अदर वाले कार्बन को दो हाइड्रोजन देना है, तो आपका इस रिएक्शन को बोलेंगे कुचेरब रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे हमने ले रखा है, तो यू नो कि हमें दो पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना राइट, अब एक कार्बन को ओ देना है और एक कार्बन को दो एच देना है, किसको देना है, तो ध्यान से देखो इसका प्लस एम इफेक्ट होगा तो इस पे प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, चूँकि इसका माइनस एम इफेक्ट होगा तो इस पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसको ऑक्सीजन देना और इसको दो हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट सिंपल देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल आपका ये जो बेंजीन रिंग थी इससे NO2 थे, इस पर आप दो हाइड्रोजन देना है, तो दो हाइड्रोजन आपने दे दिया, इस पर सी डबल बॉन्ड बना देना है, और बाकी चीज़ों को एज इट इज रहने देना है, बाकी चीज़ों में आपको कुछ नहीं करना है। तो आई होप समझ गए होगे, वेरी सिंपल फंडा है, जब भी एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 देखे तो वो कार्बन जिस पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा उसको ऑक्सीजन देना, दूसरे वाले कार्बन को दो हाइड्रोजन देना, दोनों पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक कर करके। ओके नेक्स्ट अगेन एल्काइन की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट है वो NaNH2 या सोडियम इन लिक्विड एमोनिया। इस रिएक्शन का नाम है बर्च रिडक्शन, क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, और एंटी एडिशन होता है क्योंकि कार्बन आयन इसमें फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमें एल्काइन लेना है वो नॉन टर्मिनल होना चाहिए, नॉन टर्मिनल मतलब जो सी डबल बॉन्ड सी है उसके दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, तब जाकर के ये वाली रिएक्शन हो पाएगी, और इसमें जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो एंटी साइड पे होंगे, इसलिए एंटी एडिशन है, डैट मीन्स आपको ट्रांस वाले एल्कीन मिल जाएंगे, एक तरह से एल्काइन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस भी हो गया। अगर सर टर्मिनल वाला ले लिया तो मतलब आपने ट्रिपल बॉन्ड के किसी भी साइड अगर एक हाइड्रोजन है टर्मिनल एल्काइन ले लिया, तो चूंकि ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो एसिडिक होने की वजह से आपका सोडियम मेटल इससे रिएक्ट कर जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से आपको ये एनायन मिल जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, तो यहाँ पर आपका बर्च रिडक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट फाइव, देखो कहीं पे भी आपको एल्कीन दिख जाए, डैट मीन्स डबल बॉन्ड, और उसकी रिएक्शन दो कंडीशन में हो सकती है, O3 ओजोन, लेकिन उसके बाद अगर जिंक मेटल दिख जाए या डाइमिथाइल सल्फाइड Me2S दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फिर इसको बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर सिर्फ ओजोन है और वाटर है, या फिर K1O4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, इन तीनों का सेम काम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ध्यान दे, थोड़ा सा डिफरेंस है, रिएजेंट का ध्यान देना है,
ओजोन दोनों में है, वाटर दोनों में, अगर ये जिंक दिख जाए या Me2S ये दिख गया तो रिडक्टिव करेंगे, और अगर ये नहीं दिखा तो ऑक्सीडेटिव करेंगे। जो ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कर सकता है वही काम KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कर सकता है, और वही काम K2CR2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कर सकता है। करना क्या है सर वो बताओ। देखो वेरी सिंपल फंडा है, जहां पे भी एल्कीन दिख जाए उसको परपेंडिकुलर कैंची की तरह कट कर देना, ध्यान से देखो ऐसे कट कर देना, ध्यान दे कि डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर कैंची चलाना है आपको, पहले नहीं डबल बॉन्ड के अलोंग नहीं चलाना है, बस समझ गए, डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर कैंची चला देना है तो दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, दोनों साइड ऑक्सीजन भर देना है क्योंकि कट किया है तो उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर कट किया, इधर भी ऑक्सीजन भर दिया और इधर भी ऑक्सीजन भर दिया, तो ये बन गया। तो अगर आपने रिडक्टिव कराया तो सिर्फ डबल बॉन्ड को कट कर देना और ऑक्सीजन भर देना, डेट्स इट। अगर ऑक्सीडेटिव होगा तो क्या होगा सर, तो अगर ऑक्सीडेटिव होगा तो अगर डबल बॉन्ड पे H है, ध्यान दे डबल बॉन्ड पे H है तो उसको फिर OH करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम रिडक्टिव करें तो डबल बॉन्ड के डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे अगर दोनों कार्बन है तो कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर इधर हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि वहीं पे ऑक्सीडेटिव करें तो इधर वाला तो अभी भी कीटोन ही था, राइट, अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन है तो वो तो कीटोन ही होगा, लेकिन डबल बॉन्ड के एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको एसिड ग्रुप मिलेंगे। तो आई होप फंडा वेरी क्लियर होगा, सिंपल है, डबल बॉन्ड को परपेंडिकुलर कट कर देना और ऑक्सीजन भर देना है तो ये रिडक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑक्सीडेटिव की कंडीशन है, डेट मीन्स ये रिएजेंट अगर आपने लिया है तो रिडक्टिव वाला प्रोडक्ट पहले बना लो, फिर उसके बाद क्या देखना आपको कि क्या डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन था तो उसको OH कर दो। सर दोनों साइड अगर हाइड्रोजन होते तो इधर भी होता तो इसको भी OH कर देते, और यू नो एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है तो आप वाटर बाहर निकाल देते और आपको CO2 मिल जाता। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट जो 6-1 है, 6-1 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म टेस्ट। तो इसके लिए कंडीशन क्या वो ध्यान दो, सी डबल बॉन्डो के एक साइड मुझे मिथाइल ग्रुप चाहिए, बस। क्या मेरी बात को ध्यान से सुनो, सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड CH3 होना चाहिए, बस एक ही कार्बन होना चाहिए, उधर जितने कार्बन की चैन हो वो चलेगा, और उधर कार्बन ही होना चाहिए उधर भी, ओके। या फिर जो कोई फंक्शनल ग्रुप OH या हेलोजन कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो इजीली रिमूव हो सकता हो, राइट, या ऑक्सीडाइज हो सकता हो, अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो अगेन उसके एक साइड मुझे एक ही कार्बन चाहिए। ध्यान दे जिस कार्बन पे OH या हेलोजन या वैसे ग्रुप जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हो उस कार्बन के एक साइड मुझे एक ही कार्बन चाहिए और उधर जितना कार्बन हो चलेगा। सेम वही कंडीशन, सी डबल बॉन्ड के एक साइड मुझे एक ही कार्बन चाहिए, मिथाइल ग्रुप चाहिए, और उधर जितना हो कार्बन चलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एंड हेलोजन NOH एंड X2 करके दे देगा, या ये रिएक्शन होगी तो NaOH बन जाएगा, राइट, जैसे आपको कैसे दे देगा NaOI ऐसा करके दे देगा, या NaOBR, ये सब दे करके बच्चे डर जाते हैं। वेरी सिंपल है, यही है NaOX, X कैन बी CLBRI। तो अगर या फिर बेसिक मीडियम में हेलोजन दे दे, तो आपको बेसिक मीडियम में हेलोजन या NOX दे दे और सी डबल बॉन्डों के साथ एक साइड मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, या फिर जिस कारण पे आपका हेलोजन या OH ग्रुप लगा हुआ है उसके एक साइड सिर्फ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरे साइड सिर्फ कार्बन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हेलोफॉर्म टेस्ट हो जाएंगे। और आपको करना क्या है ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला और CH3 वाला जो बॉन्ड है इसको हटा देना है, इसको अगेन ब्रेक कर देना है, और ध्यान दे यहाँ पे तो ऑक्सीजन इधर भर दोगे, इधर तो ऑक्सीजन, उधर क्या करना है, ये जो तीनों हाइड्रोजन थे तीनों हाइड्रोजन की जगह किसको भर देना है, हेलोजन को, और एक और हाइड्रोजन उसको दे देना है क्योंकि कार्बन 4-1 बनाएगा, तो CHX3 ये बन गया आपका हेलोफॉर्म। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म बोलते, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म, इसलिए आयोडीन से जनरली कराते हैं NOI से, क्योंकि इस केस में येलो प्रिसिपिटेट मिलता है जिससे हमें पता लग जाता है कि एसिटाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्डोस के एक साइड CH3 है। अगर ये पहचानना हो तो आप ये रिएजेंट डाल दो, अगर येलो प्रिसिपिटेट आ रहा है तो इसका मतलब सी डबल बॉन्डो CH3 या फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो आई होप ये क्लियर होगा।
तो इसीलिए ये कुछ बच्चे ऐसा समझ लेते हैं, ध्यान से देखो सी डबल बॉन्ड ये तो है लेकिन इधर कार्बन नहीं है तो ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सी एल है अगर ओ एच है या ओ एच एस थ्री है एक साइड में तो ये सब आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। इसलिए हमने बोला सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड मिथाइल होना चाहिए, दूसरे साइड कार्बन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पर अगेन एल्काइन आपको दिख गया, क्या दिख जाए एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले और रेड हॉट आयरन दिख जाए तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल है, पॉइंट ध्यान से देखो। जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों साइड हाइड्रोजन हो सकता है, एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन हो सकता है, दोनों साइड कार्बन हो सकते हैं, ओके कोई भी एल्काइन हो सकता है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्डेड होना चाहिए। आपको क्या करना है रेड हॉट आयरन राइट, ये एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बना देना। तो आपको क्या करना है जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले हैं ये दो कार्बन को तीन बार लिखना है, डेट मीन्स इसके आपको तीन मॉलिक्यूल लेने हैं। तीन मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी राइट। कोई भी इधर गिवन होगा पहले सी डबल बॉन्ड सी वाले को तीन बार लिख देना है। उसके बाद ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड मैंने हटाया राइट, सबका एक एक पाई बॉन्ड हटा दो, देख लो ध्यान से सबका मैंने एक एक पाई बॉन्ड हटा दिया और सबको क्या कर दो कनेक्ट कर दो। ध्यान से देखो ये मैंने कनेक्शन कर दिया, बात समझ में आई मेरी। मैंने क्या किया था पहले सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले तीन मॉलिक्यूल लिख लिए क्योंकि इसके तीन मॉलिक्यूल लेंगे और सबका एक एक पाई बॉन्ड हटा करके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको देखना है कि जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे क्या लगा हुआ है राइट, तो इस कारण पे एच आर लगा हुआ है या मैं इससे ले रहा हूँ सपोज करो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एक साइड एच रख रहा हूँ और एक साइड आर, तो अगर मुझे इसका बनाना है तो ये तीन बार लिख लिया और एक एक पाई बॉन्ड हटा कर करके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस कार्बन पे R है तो इस कार्बन पे H है, तो ध्यान से देखो ये दो कार्बन हो गए वाले, अगर इस पे R है तो इस पे H है राइट, अगेन अगर इस पे R है तो इस पे H है और अगेन इस पे अगर R है तो इस पे H है, मतलब अल्टरनेट पे आपको कर देना है। ध्यान से देखो इस पे आया तो इस पे नहीं फिर इस पे, क्यों, क्योंकि दो दो कार्बन है तो एक पे R था एक पे H था, फिर इधर ले लो फिर एक पे R एक पे H था, फिर इधर ले लो फिर एक पे R एक पर H था, तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा बेंजीन एक्चुअली में। ध्यान से देखो डबल सिंगल डबल से सेम इसी टाइप की रिएक्शन होती है जब आप एसीटोन लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो अगेन इसके भी आपको तीन मॉलिक्यूल लेना है और तीन मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड ओ को एक बार सामने में दिखाना है राइट। ध्यान से देखो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है उसके दोनों साइड मिथाइल है, तो सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है एक साइड ये मिथाइल हमने दिखाया CH2CH3, तो एक CH3 इसका आप ऊपर दिखा दो, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला है तो इसका मैंने ये ध्यान से देखो CH3 दिखाया तो एक CH3 इसका बचा हुआ है तो ये दिखा दिया उसी कारण से, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला है राइट तो एक CH3 आपने इधर दिखाया एक CH3 इधर दिखा दो। मतलब करना क्या है, एक का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करना है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का CH3 वाला दो हाइड्रोजन सामने करना है ताकि आप वाटर बाहर निकाल पाओ H2O से, क्योंकि यूनो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर बाहर निकाल दो तो अगेन आपका यही सिमिलर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दोनों ही केस में एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे, ध्यान से देखना आपको और कैसे करना आपको एक आइडिया मैं दे चुका हूँ। नाउ लास्ट, अगर कहीं पे भी आपको अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए, ध्यान दें अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए और दूसरे जो रिएजेंट होंगे नाइट्रोजन पे, ध्यान दें नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन एक साइड होना चाहिए और एक साइड कुछ भी हो, इसलिए मैंने जेड लिखा है, जेड कैन बी एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप हाइड्रोजन OH, NH2, C6H5NH, NHCONH2 कुछ भी, ये सब में से कुछ भी हो सकता है राइट। तो बात को समझे, फंडा को समझे, नाइट्रोजन के एक साइड दो हाइड्रोजन होना चाहिए और एक साइड जेड कैन बी एनीथिंग, ये होना जरूरी है और आपका अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, डेट मीन सी डबल बॉन्डो ग्रुप, तो इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा है। तो अल्डिहाइड या कीटोन का सी डबल बॉन्डो सामने करना है और ये जो नाइट्रोजन का दो हाइड्रोजन है जो होना ही चाहिए वो सामने करना है राइट, कर दिया और वाटर को बाहर कर देना, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो वही चीज़ को मैंने दिखाया, देखो कार्बन पे ये दो ग्रुप जो लगे हुए थे सी डबल बॉन्डो सामने किया था और नाइट्रोजन पे जो दो हाइड्रोजन वो सामने किया था और वाटर को आपने बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया सी डबल बॉन्ड एन, तो ये बन गया और जेड आपका जो इस पे नाइट्रोजन पे एक साइड लगा हुआ था क्योंकि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएंगे वो लगा रह गया।
अब डिफरेंट केस में इसके डिफरेंट नेम होते हैं। अगर सपोज करो कि ये वाला जो जेड है, ये वाला जेड, ये अगर आपका हाइड्रोजन होता तो डैट मीन्स फाइनली रिएजेंट कौन हो जाता, अमोनिया, एक तरह से कैसे एन दो हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन NH3 अमोनिया हो गया, राइट। तो ऐसे केस में इस प्रोडक्ट का नाम क्या जाता है, आयमीन। डैट मीन्स इस जेड की जगह सिर्फ आपको क्या कर देना है, H। इसलिए मैंने पूरा स्कीम ही बना दिया। अगर इस जेड की जगह आपने OH ले लिया तो इसको बोलते फिर ऑक्साइम। अगर NH2 लेते उस जेड की जगह तो हाइड्राजोन बोलते हैं, और अगर NHCONH2 ले लिया तो इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। वेरी सिंपल। अगर एल्काइल ग्रुप होता, अगर जेड की जगह कोई एल्काइल ग्रुप अगर आपने ले लिया होता, ध्यान से देखो यहाँ पे कोई एल्डिहाइड या कीटोन और नाइट्रोजन का दो हाइड्रोजन सामने क्या, ये वाटर बाहर निकाल दोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सी डबल बॉन्ड N, और N पे यहाँ पे H की जगह क्या हो जाएगा, R, क्योंकि Z आपने क्या ले रखा है, R। तो इसको बोलते हैं स्किफ बेस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड या कीटोन का सामने कर देना है, और N पे दो हाइड्रोजन होना चाहिए, और एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन हो या फिर जो भी ग्रुप लगाना वो लगा लो। आपको क्या करना, वाटर बाहर निकाल करके सी डबल बॉन्ड N बना देना है। तो आई होप ये नेम रिएक्शन वाला जो तीन वीडियो लेक्चर हमने क्रिएट किया है, जिसमें पूरी नेम रिएक्शन को मैंने NCERT की ख़त्म किया है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सब पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपसे क्वेश्चन ईजिली हो भी जाएंगे। थैंक यू। हेलो माय फ्रेंड्स, कसकाय, मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं उसको कैसे याद रखेंगे, वो किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं उसको कैसे याद रखेंगे, और उस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसको कैसे याद रखेंगे, डैट मीन्स तीनों को कैसे याद रखेंगे, उसको मैंने एक अपने बहुत ही सिंपल ट्रिक से कनेक्ट किया है। और ये ट्रिक बनाने में मुझे काफ़ी टाइम भी लगा, क्योंकि तीनों को एक ही में कनेक्ट करना था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिक के रिड्यूसिंग एजेंट में। पहला ट्रिक है ट्रिक नंबर 1, और डेट इज़ फॉर रेड फॉस्फोरस एंड HI। ये इसको मैं डॉन रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए रेड फास्फोरस और HI वाले रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखेंगे, इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसको कैसे याद रखेंगे, और किस किस फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकता है उसको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैंने एक सिंपल सा अपना ट्रिक लगाया है। कि देखो HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो उससे मैंने बनाया हाई, हाई हेलो जो करते हैं, तो हाई वर्ड बनाया हाई। तुम मुझे खून दो, खून से मैंने क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर रेड फास्फोरस यूज करना होता है। आपको एरो पे लिखा होगा किस टाइप से, आपको लिख देगा रेड PHI, इतना लिख देगा, तो ये देखते ही आपको याद आ जाएगा कि HI मतलब हाई, और रेड मतलब तुम मुझे खून दो, ब्लड रेड कलर का होता है, खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक अपना स्लोगन भी था, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आज़ाद हो गया, डैट मीन्स सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, डैट मीन्स आपको एल्केन बनाना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, एल्केन। रिएजेंट क्या रहेगा, रेड फास्फोरस एंड HI, और रिएक्टेंट क्या रहेंगे आपके, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें हो सकते हैं। नाउ इसको ही ऐसे भी हमने कनेक्ट किया है, ये भी मेरा एक स्लोगन है कि हाई हाई बोल करके आपको बोलना है, हाई जो हमसे टकराएगा, क्योंकि रेड फास्फोरस फास्फोरस यू नो रॉक में मिलते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए वो कठोर होता है, उससे हमने बनाया कि हाई मतलब HI, जो हमसे टकराएगा, रॉक से जो भी टकराएगा सिंगल होके जाएगा। सिंगल मीन्स व्हाट, यू नो एल्केन में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए उसी से मैंने कनेक्ट किया कि जो हाई जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा। नाउ करना क्या है, ये तो हमारे स्लोगन हो गए जिससे आप इजीली याद रख सकते हो, आइदर हाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
या फिर हाय जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा। एक दो बार आप बोलोगे, ये बहुत ही फनी स्लोगन भी है, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि करना क्या है, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड जो कि कार्बन से बनोगे, विद कार्बन, ध्यान देंगे विद कार्बन, कार्बन से जो भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड बने होंगे उसको रिप्लेस कर देना है बाय इक्वल हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कहीं पे कार्बन के साथ OH है, तो आप कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, तो इसको भी H देना है और इसको भी H देना और ब्रेक कर देना है, तो इधर इसको H मिल जाएगा और उसको भी H मिल जाएगा, ऐसा हमें करना है। तो ये मेरे ट्रिक का पॉइंट है। अब मैं इसके एप्लीकेशन की बात करता हूँ। नाउ अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। तो रेड फास्फोरस और HI से आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा जो कि एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल ट्रिक दे रहा हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड हो गए, ध्यान रहे कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसको डिफरेंट नहीं मानना है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट अटैच होंगे वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो इधर एक हैच रखना है और एक हैच इधर रखना और ब्रेक कर देना है। तो आपको क्या मिल गया, मेजर प्रोडक्ट में CH3, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन था और एक और आ गया, तो क्या हो गया CH3। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। दूसरा वाटर बना, बाय प्रोडक्ट हमें मतलब नहीं है, उसको भी मैं बाद में बताता हूँ। अगर मैं इस केस में देखूँ तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव ये वाले हैं और ये वाले दो हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक हैच इसको, एक हैच इसको, फिर इस बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक हैच इसको, एक हैच इसको, दोनों को हाइड्रोजन ही देना है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, CH3। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन और आ गया, तो आपको क्या कर देना है CH3। उधर वो वाटर हो गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पर भी दो बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के लिए हैच हैच और इस बॉन्ड के लिए फिर हैच एंड हैच, और ये ब्रेक कर देना है। तो आप ध्यान से देखो आपको क्या मिला, CH3 था पहले से, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ गया है तो दो हाइड्रोजन कर दिया, और ये कार्बन पे तीन हाइड्रोजन पहले से थे ये कर दिया। सिमिलरली इस केस में देखें तो ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी हैं और ये भी हैं, यहाँ पर तीन बॉन्ड हैं, तो इस बॉन्ड के लिए हैच हैच देना है, इस बॉन्ड के लिए हैच हैच देना है, इस बॉन्ड के लिए हैच हैच देना है और ब्रेक कर देना है। ध्यान से देखो क्या मिलेगा, CH3। इस कार्बन के पास अब कितने हो गए हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, तो इसका हैच और इसका हैच, तो क्या मिल जाएगा, तीन हैच, तो CH3। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो ये कोई भी हैलोजन है, एक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकते हैं, तो इसको भी हैच देना है, इसको भी हैच, यहाँ पे ये बॉन्ड के लिए ये हैच, फिर इस बॉन्ड के लिए हैच एंड हैच, और इसको ब्रेक कर देना है। तो फिर ध्यान से देखो CH3, इस कारण के पास तीन हैच आ गए तो CH3। बाकी का जो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना उसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, मेन प्रोडक्ट क्या होगा वो आपका बन करके तैयार है सिंपल मेरे ट्रिक से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप ध्यान से देखो, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको हैच, इसको हैच, यहाँ पे इस बॉन्ड के लिए हैच हैच और इस बॉन्ड के लिए हैच हैच एंड ब्रेक कर दो, तो आपको फिर से क्या मिलने वाला है, CH3, और इस कार्बन को तीन हाइड्रोजन होंगे तो CH3। यहाँ पे ये अगेन ये तीनों ब्रेक होंगे और इधर से भी ये तीनों ब्रेक होंगे, तो इसको हैच हैच आपको देना है, इसकी वजह से हैच और हैच आएगा और इसकी वजह से हैच एंड हैच आएंगे, और सेम इस केस में भी होगा। तो आप देख सकते हो दो मॉलिक्यूल आपको CH3 CH3, और ध्यान से देखो तो सम में प्रोडक्ट क्या आपका, एल्केन, इसीलिए मैंने दो वर्ड यूज किया था, आज़ादी। आज़ादी क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या है, पॉसिबल है, इजीली मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है, और जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा। सिंगल का क्या मतलब था, वही कि सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें, डेट मीन्स आपको एल्केन बनाना है। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो तीन बॉन्ड है, तो तीन बार हैच हैच करना पड़ेगा आपको, तो आप ध्यान से देख सकते हो क्या मिल जाएगा, CH3 CH3। दूसरा बाय प्रोडक्ट NH3 होता, उसके बारे में नहीं सोचना। यहाँ पे ये और ये, तो इसको भी हैच देना है और इसको भी हैच, या इधर से करेंगे तो इसको हैच एंड
इसको H, तो आपको दो मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा CH4। इस केस में इसको भी H, इसको भी H, तो आपको क्या मिल जाएगा CH3। तो आप ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसमें कि जितना भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड है तो HH, दो हैं तो दो बार HH, तीन होंगे तो तीन, उसको दे करके ब्रेक कर दो, आपका मेजर प्रोडक्ट और डैट विल बी ऑलवेज योर प्रोडक्ट विल बी एल्केन। कुछ एग्जांपल और मैंने लिए हैं, इस टाइप के भी आपको दे सकता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर वन। तो अगर आप ध्यान से देखो, रेड फॉस्फोरस HI, तो हाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या हाई जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा। तो आपको अभी बताया कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड बना हुआ है, दो डिफरेंट है, तो इसको H, इसको H, ये एक और बॉन्ड है तो H एंड H, और ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। सिमिलरली ये कार्बन से ये H एंड H, ये H एंड H, यहाँ पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है H एंड H, और ये सबको ब्रेक कर देना है। यहाँ पे भी कार्बन से डिफरेंट है तो इसको H एंड इसको H, इसको ब्रेक कर देना। तो देखो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार है, आपके पास ये सिक्स कार्बन की रिंग थी, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, दो हाइड्रोजन, तो जो कि हम दिखाते नहीं है, आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हो ऐसे, दो हाइड्रोजन इधर में भी, ये हाइड्रोजन ही इसके पास बच गया। ओके, इधर में ये कार्बन है और इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, ये आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। यू नो बाय द वे, यहाँ पे भी ऑलरेडी पहले से दो दो हाइड्रोजन थे और एक पहले से था यहाँ पे, तो ये सब दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हम जनरली दिखाते नहीं है। तो ये प्रोडक्ट आपका बन करके तैयार हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाओगे तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे H एंड H आएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H एंड H आएंगे, यहाँ पे दो होगा तो H H एंड H H, यहाँ पे भी दो हैं तो H H एंड H H, यहाँ पे इसको ओपन करके लिखोगे तो एक्चुअली में ये कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O H, तो ये ब्रेक करना और ये ब्रेक करना है, तीन तो तीन हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन आएंगे, तो डायरेक्ट योर प्रोडक्ट विल बी अगेन सिक्स कार्बन से बना हुआ एक रिंग हो गया आपका, और यहाँ पे H H H H ही हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कार्बन कार्बन है, तो इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी तीन हाइड्रोजन है, बाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे पूछा जाए तो फिर से वही चीज़ ध्यान देना है कि ये ब्रेक होगा तो H H H और H, ये ब्रेक होगा तो अगेन H H, दो बॉन्ड है इसलिए दो बार H दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो तो ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन था ही और दो हाइड्रोजन आ गए हैं, और उसके बाद ये कार्बन, फिर उसके बाद ये कार्बन, इस कार्बन पे ऑलरेडी पहले से दो हाइड्रोजन थे चार बॉन्ड की वजह से, इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन आपके आ गए हैं और ये कार्बन पे पहले से तीन हाइड्रोजन होंगे, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो ये आपका बन करके तैयार हो गया। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, वन टू थ्री फोर कार्बन की चैन बना देते। नाउ अब जाते जाते मैं ज्ञान की बात करना चाहूँगा, और ये जो ज्ञान की बात है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझें आप कि मैंने CH3CH2OH लिया, HI एंड रेड फॉस्फोरस लिया है, तो जो आपको ट्रिक बताया है कि ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इसको H देना है और इसको H देना और ये बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ध्यान दो, ये दो H आएगा कहाँ से, H आपको मिल कहाँ से रहा है, HI से, और दो H लेने का मतलब मुझे इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, दो। तो इससे क्या बन गया प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, CH3 और ये C, इस पे दो हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया तो CH3। उसके बाद बाय प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो हमें क्या मिल गया, वाटर H2O। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो दो हाइड्रोजन तो यूज कर लिए, दो आयोडीन का क्या हो गया होगा, I2। तो ये पूरा एक आपको फुल रिएक्शन मैंने दिखाया कि आपको कैसे करना है। जनरली एग्जाम में प्रोडक्ट क्या होता है यही पूछा जाता है, इसलिए मैंने पहले उसको समझाया, और अगर सारे प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको आइडिया लगाना हो तो इस तरीके से बनाना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसका क्या काम है, तो ये रेड फॉस्फोरस जो आपका है, रेड फॉस्फोरस, वो आपका ये जो आयोडीन बना है इससे रिएक्ट कर जाता है और इट विल गिव यू Pi3, ये बना लेगा, और हो सकता है तो वो Pi5 भी बना ले, बट जनरली Pi3 बनाएगा। नाउ ये जो वाटर आपका बना, ये फिर इससे रिएक्ट कर जाएगा, और ये हमने आपको हाइड्रोलिसिस में ट्रिक दे रखा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन किसको मिलेगा, आयोडीन को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और OH किसको मिलेगा,
फास्फोरस को, तो आपका बन जाएगा H3PO3 और HI आपको फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट से फिर से HI बन जा रहा है। रिएक्टेंट में अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में। तो इसीलिए ये रेड फास्फोरस का काम क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन में I2 बन रहा है आपका, उसको पहले तो वो कंज्यूम कर रहा है, इस वजह से भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इस I2 से रिएक्ट करके PI3 बनाया और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसको भी कम कर रहा है, फिर से रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाती है और इस वाटर से फिर से HI प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वन ऑफ द रिएक्टेंट है आपका या एजेंट है आपका। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो फिर से रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में। इसीलिए इसको मैं डॉन रिएजेंट बोलता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड में ले जाता है। तो ये आपको इस ज्ञान की बात में ये समझ में आया कि रेड फास्फोरस का क्या यूज है, रिएक्शन कैसे होती है और कैसे ट्रिक से करना है। नाउ ज्ञान की बात नंबर 2 में कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कितने मोल्स HI रिक्वायर्ड होंगे, तो ये भी मेरे ट्रिक से इजीली हो जाएगा। अभी आपने देखा, ये भी मेरे ट्रिक से इजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इसको मुझे ब्रेक करना हो तो इसको H और इसको H, तो ये सिंगल COH बॉन्ड को हटाने के लिए मुझे 2 मोल्स HI के यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एक HI से, यू नो, 1 HI से आपको एक ही हाइड्रोजन मिलने वाला है। तो अगर मैं 2 HI लूँ तो मुझे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे नेसेंट, तो इसलिए इसको भी H देना, इसको भी H, तो यहाँ पे 2 मोल्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्रेक करने के लिए HH एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए HH। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ब्रेक करने के लिए HH 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ब्रेक करने के लिए HH और HH। तो आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होगा, तो टोटल यहाँ पे 2+2+2 टोटल 6 HI रिक्वायर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे 4 HI रिक्वायर्ड हो जाएंगे और यहाँ पे 2, तो योर आंसर विल बी हाउ मच, 12। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ कि अगर आपको सिंगल OH को ब्रेक करना है, सिंगल बॉन्ड को, तो 2 आपको HI रिक्वायर्ड होंगे। C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करना है तो आपको 4 रिक्वायर्ड होंगे, और रटना नहीं है समझते हुए, एक है तो 2, 2 है तो 4, यहाँ पे टोटल 3 थे तो 6, इस टाइप का कोई भी होगा, C डबल बॉन्ड हो, OH हो जाए, हैलोजन हो जाए, NH2 हो जाए, कोई भी हो जाए, तो इन सब में आपको 6 रिक्वायर्ड होंगे, जो कि सिंपल मेरे ट्रिक से है। तो आज मैं बात करता हूँ क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में। ये नेम भी कभी कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। क्लीमेंसन रिडक्शन में जो आपका सबस्ट्रेट है, डैट मीन्स जो रिएक्टेंट है, वो आइदर इट विल बी अल्डिहाइड और कीटोन, यू नो सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप होंगे तो उसको अल्डिहाइड बोलते हैं, एंड सी डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन होंगे तो उसको कीटोन बोलते हैं। तो अल्डिहाइड या कीटोन आपका रिएक्टेंट होगा। रिएजेंट जो आपको यूज करना है वो ZnHg, डेट इज ऑल्सो नोन एज अमलगम बोलेंगे इसको, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे डेट इज योर एल्केन। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस सबस्ट्रेट को, इस रिएजेंट को और इस प्रोडक्ट को कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए मैंने सिंपल सा एक स्लोगन बनाया मेरा, और ये स्लोगन बहुत ही ईजी है याद रखना, एक दो बार चलते फिरते भी आप बोलते रहोगे तो ये स्लोगन याद हो जाएगा। एंड स्लोगन इज, जहाँ होगी कल्लो, ZN से मैंने बना लिया जहाँ, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ZN से जहाँ, HG से होगी, CL को मैंने प्यार से बोला है कल्लो, तो जहाँ होगी कल्लो, तो मुझे क्या याद हो गया इससे, रिएजेंट याद हो गया इस वर्ड से, जहाँ होगी कल्लो। अल्डिहाइड कीटोन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, तो उससे मैंने बना लिया को, अल्डिहाइड कीटोन को, तो हमें सबस्ट्रेट डेट मीन्स रिएक्टेंट याद हो गया कि ये किसको क्या करेंगे, तो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी CR से, क्लीमेंसन रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म CR, तो उससे करेगी हेलो सिंगल। तो जहाँ होगी कल्लो, अल्डिहाइड कीटोन को करेगी हेलो सिंगल, सिंगल मीन्स यू नो एल्केन बन जाएगा, और एल्केन में यू नो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता, सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं।
नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो मेरा स्लोगन हो गया, जहाँ होगी कल्लो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी हेलो सिंगल। ये आप दो चार मरतबा चलते फिरते भी बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा। इसमें आपका रिएजेंट आ चुका है, इसमें आपका सबस्ट्रेट आ चुका है, इसमें आपका नेम आ चुका है, कभी कभी ZnHgHCl इज नोन है, चार ऑप्शन दे देगा, तो क्लीमेंसन रिडक्शन, एंड इसमें आपका प्रोडक्ट भी आ चुका है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस स्लोगन में सब आ चुका है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट एंड नेम ऑफ दैट रिएजेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि करना क्या है, तो जो भी अल्डिहाइड या कीटोन के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कर देना आपको दो हाइड्रोजन से, जिसको मैंने यहाँ दिखाया है, क्योंकि आइदर अल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसमें सी डबल बॉन्ड ओ होगा जिसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, तो वो डबल बॉन्ड ओ को हटा देना है और आपको दो हाइड्रोजन उस दो बॉन्ड की जगह लगा देना है, ये करना है। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो ध्यान से देखिए, मैंने ये क्या ले लिया अल्डिहाइड, तो जहाँ होगी कल्लो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी हेलो, तो हमने क्या ट्रिक दिया है कि ये जो डबल बॉन्ड है ओ है उसको आपको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना है, तो बाकी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे वैसे लिख दिया। ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, वो डबल बॉन्ड ओ की वजह से दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। नाउ अगेन, जहाँ होगी कल्लो अल्डिहाइड कीटोन को, तो बाकी चीज़ को छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन ले आना है, करेगी हेलो सिंगल, दैट मीन्स एल्केन बन गया। तो क्लीमेंसन रिडक्शन से आप अल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बना सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ऑल्सो। अगेन अल्डिहाइड है, तो जहाँ होगी कर लो अल्डिहाइड कीटोन को, तो बाकी चीज़ को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रह देना है। इस पे एक हाइड्रोजन था, इस दो डबल बॉन्ड की वजह से दो हाइड्रोजन और ले आएंगे, तो यह बन जाएगा आपका मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे भी अगेन सेम पॉइंट, तो आपको बाकी चीज़ों को टच नहीं करना है, ये कार्बन था इस पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और इससे CH3 लगा हुआ था उसको लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका इथाइल बेंजीन। नाउ अगेन यहाँ पे अल्डिहाइड ध्यान दे, NO2 ग्रुप को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन को ही ये आपका अटैक करेगा, तो बाकी चीज़ों को आपको वैसे ही रहने देना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन और आ गए और ये ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होने वाला है, ये आपका चला जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप चाहो तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आपको दिखाना हो तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे आपके। सिमिलरली यहाँ पे एसिड हैलाइड है, इसको कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ ब्रेक होंगे, तो आप इसको वैसे ही रखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ CL से। उसके बाद 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो 2, 1, 2, 3, 4 कार्बन आपका, और यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहो तो दो हाइड्रोजन आ गया, वैसे वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे वो एसिड को कुछ भी नहीं करेगा आपका, सिर्फ ये जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 पे है वो, तो ये सी डबल बॉन्ड OH ऐसे रह जाएगा और ये दो हाइड्रोजन आप चाहो तो दिखा सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे ट्रिक से कितना इजी है, जहाँ पे भी आपको जहाँ होगी कल्लो दिखे अल्डिहाइड कीटोन को ही सिर्फ आपको एल्केन में कन्वर्ट कर देना है, बाकी ग्रुप को एज इट इज छोड़ देना है। नाउ जाते जाते एक छोटा सा आप ज्ञान लेते हुए जाएं, तो ज्ञान की बात में ये है कि अगर मैंने ये रिएक्टेंट लिया और ZnHgHCl लिया, तो आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट कि आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड की जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, और आप अगर ऐसा चारों की OH बचा रहेगा, तो ये बनना मुश्किल है, क्योंकि आपने HCl भी ले रखा है जो कि मेनली H+ देगा, एसिड है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो इस पर अटैक करके वाटर को बाहर कर सकता है। तो एक्चुअल में हो आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो कैसा टाइप का मिलता, वहाँ से वाटर निकल जाता और Cl वहाँ पे लग सकता था, तो यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन आते और Cl, ये प्रोडक्ट आपको मिलता। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप यही अगर चाहते हो तो फिर ये
रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसा यहाँ पे बोलेंगे कि अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगे हुए हों, क्योंकि ये जो आपने क्लीमेंसन रिडक्शन में जो रिएजेंट लिया है वो एसिड है, उसमें HCl, तो कोई अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप मतलब आपके रिएक्टेंट में कोई बेसिक ग्रुप है अगर जो लोन पेयर दे सकता हो या इस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता हो, तो आपको फिर ये यूज करना सही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ ना जा कर के ये चीज़ें यहाँ से यहाँ आ जाएंगी। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर आपके पास है तो CR डैट मीन्स क्लीमेंसन रिडक्शन को यूज करना या ZnHgHCl को यूज करना यूजफुल नहीं है। तो ये इस बात को ध्यान देंगे कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो ZnHgHCl यूज करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो वो उसको भी हटा करके OH को हटा करके Cl आ जाएगा एक्चुअल में प्रोडक्ट। हाँ, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ चाहिए तो आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। उसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, डैट इज वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो वुल्फ किशनर रिडक्शन में अगेन आपके रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट क्या होंगे, रिएजेंट क्या होंगे एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, उसको पहले मैंने दिखाया है कि आपका जो सबस्ट्रेट होगा अगेन अल्डिहाइड या कीटोन होगा। अल्डिहाइड मतलब सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप होना चाहिए एंड कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। तो अल्डिहाइड या कीटोन आपका रिएक्टेंट होगा। रिएजेंट जो लेना आपको वो NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम लेना है, डैट मीन्स OH माइनस। एंड प्रोडक्ट अगेन यू विल गेट एल्केन, डैट इज सिंगल बॉन्डेड वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो आपको मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस रिएक्टेंट को, इस रिएजेंट को, इस प्रोडक्ट को कैसे आप याद रखेंगे। उसके लिए हमने सिंपल एक स्लोगन आपको दिया है जो अगेन चलते फिरते आप रहेंगे और दो चार मरत आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड मैंने कैसे उसको कनेक्ट किया, ध्यान से देखो, NH2 से मैंने बनाया नहीं नहीं, NH से नहीं नहीं, वुल्फ किशनर। तो वुल्फ वो साइंटिस्ट के नेम थे जिन्होंने ये बताया था, तो नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा, वुल्फ किशनर से हमने बना लिया, वुल्फ ने कृष्णा को मतलब सी डबल बॉन्ड O का प्रेजेंस होना मस्ट है। तो सी डबल बॉन्ड O को बोला मतलब बेस, बेसिक मीडियम, तो बी फॉर बेस, बी फॉर बोला। तो नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा को बोला, क्या बोला भाई, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला, अकेला मतलब सिंगल, सिंगल मतलब अगेन एल्केन, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो देखो स्लोगन बहुत ईजी है, नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला। ना तो क्वेश्चन इज कि सर करना क्या है वो बताओ ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ होगा अल्डिहाइड या कीटोन वाला, उसको डबल बॉन्डेड ओ को आपको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है, रिप्लेस ऑक्सीजन बाय 2 हाइड्रोजन, एज इट इज वैसा ही है जो क्लीमेंसन रिडक्शन था। और यहाँ पे अब ये हो जाएगा वुल्फ किशनर रिडक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा WKR, वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो दोनों जो है वो भाई भाई ही हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन, दोनों का सेम काम है, सेम रिएक्टेंट रिएजेंट, सिर्फ चेंज प्रोडक्ट सेम। तो डिफरेंट क्या है वो हम ज्ञान की बात में बात करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये आपका अल्डिहाइड है, नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला। तो आपको करना क्या, वेरी सिंपल, जो चीज़ जैसे है वैसे लिख देना है। सी डबल बॉन्ड ओ की जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाइड्रोजन कर दो, एक हाइड्रोजन पहले से था, आपका एल्केन बन के तैयार है। इस केस में भी इसको आपको CH3, इसको कुछ नहीं करना है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना हाइड्रोजन से, और ये जैसे था वैसे ही रखना है। इस केस में भी आपको बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है, इस कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन था और दो हाइड्रोजन आ चुके हैं। इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सेम वही चीज़
बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है। इस पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और आपका रह जाएगा CH3। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एसिड हैलाइड है और एसिड हैलाइड को ये कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है नो रिएक्शन। तो कहने का ये मतलब है कि ओनली अल्डिहाइड या कीटोन के लिए ही ये स्पेसिफिक रिएजेंट है, और उसको कैसे याद रखना है ये हमने आपको बता दिया है। नाउ अब जाते जाते अगेन ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर सपोज करो आपको यहाँ से यहाँ जाना हो तो कौन सा आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, वोल्फ किशनर या फिर क्लीमेंशन। तो सपोज करो कि मैंने अगर ZnHgHCl डेट इज क्लीमेंशन लिया तो क्या होगा, और अगर मैंने वोल्फ किशनर NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम लिया तो क्या होगा। तो अगर आपने ये यूज किया तो डेफिनेटली फिर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बट अगर आपने ये यूज कर दिया तो एक्चुअल में प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है कि वो तो कीटोन तो आपके निकल जाएंगे लेकिन ये Cl की जगह ये OH आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्लीमेंशन रिडक्शन, बट अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आप वुल्फ किशनर को यूज नहीं कर सकते, बट अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो वुल्फ किशनर को आप यूज कर सकते हैं, फिर आप क्लीमेंशन को नहीं यूज कर सकते। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है और क्लियर भी होना चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है डैट मीन्स OH को कुछ नहीं होना चाहिए, तो अब आप ZnHgHCl यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये यूज करेंगे तो एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या मिलता है वो OH हट करके आपका क्या लग जाता है Cl। इससे एक्चुअल में प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है। अगर मैं इसकी जगह NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH माइनस ये यूज करूं तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब वही था ज्ञान की बात में कि आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि आपको कहां से कहां जाना है। अगर Cl को बचा के रखना है तो ZnHgHCl वाला यूज करना पड़ेगा, Cl को भी हटाना है तो फिर वुल्फ किशनर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे OH को बचाना है तो वुल्फ किशनर यूज करना पड़ेगा, अगर OH नहीं चाहिए तो फिर आप क्लीमेंशन रिडक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लीमेंशन रिडक्शन में एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए और वुल्फ किशनर में बेस सेंसिटिव, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है और ये एसिडिक मीडियम में। सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉर्मूला इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में SBHB एरो पे दिखा दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान में रखना है। तो नाउ इसके लिए सबस्ट्रेट डैट मीन्स रिएक्टेंट क्या है, तो आइदर इट विल बी एसिड हैलाइड और कीटोन और अल्डिहाइड। जो रिएक्टेंट जिसको ये रिड्यूस करेंगे वो तीन ही और फिक्स हैं, कौन कौन हैं, एसिड हैलाइड, कीटोन एंड अल्डिहाइड। रिएजेंट आपको मालूम ही है सोडियम बोरोहाइड्राइड, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा अल्कोहल मिलेगा, आइदर इट विल बी 1 degree और 2 degree, डैट मीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर 3 degree अल्कोहल वाया सोडियम बोरोहाइड्राइड। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस सबस्ट्रेट को, इस रिएजेंट को एंड इस प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल मेरे स्लोगन से आप याद रख सकते हैं, और मेरा स्लोगन क्या कह रहा है, SBH से हमने बनाया सभी, SBH से हमने बना लिया सभी, डैट मीन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड सभी। को वर्ड क्यों लिया, क्योंकि ध्यान से देखो तो तीनों ही फंक्शनल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ है, तो सभी को, हेलो मीन्स हेलोजन, यहाँ वाला हेलोजन, सभी को हेलो कहो मतलब कार्बन, कार्बन से और यहाँ पे हाइड्रोजन से ह, तो सभी को हेलो कहो। और 1-1 मीन्स 1 degree, अगर हेलोजन होगा तो, कीटोन होगा तो 2 degree, और फिर अल्डिहाइड होगा तो 1 degree अल्कोहल बनाओ। तो देखो इसको चलते फिरते आप 2-3 मरतबा बोलोगे याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है, सभी को हेलो कहो और 1-1 अल्कोहल बनाओ। तो इस स्लोगन में हमने रिएक्टेंट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सबको हमने इंक्लूड कर लिया है, और दैट्स वेरी सिंपल लाइन, वन लाइन कि सभी को हेलो कहो और 1-1 अल्कोहल बनाओ। नाउ एक्चुअली रिएक्शन में आपको करना क्या है उसके बारे में मैं आइडिया देने जा रहा हूँ।
कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन होगा तो अल्डिहाइड या कीटोन का पाई बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है, और वो जो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन आपको कार्बन को देना है एंड ऑक्सीजन को देना है। कहने का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि सपोज करो आपके पास ये अल्डिहाइड है तो इसका पाई बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है, ये वाला ये ब्रेक कर दिए, और इसके बदले आप इसको क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको भी हेच देंगे और इसको भी हेच देंगे, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने देना। सिमिलरली अगर कीटोन हुआ तो कीटोन के केस में भी आपको क्या करना है, सिर्फ इसका पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना आपको। और ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक किया तो इस कार्बन को भी हेच दिया और इस ऑक्सीजन को भी हेच दिया। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन होंगे तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर करके कार्बन को भी हेच देना है एंड ऑक्सीजन को भी आपको हेच देना है। नाउ अगर एसिड हैलाइड हुआ तो हैलोजन की जगह पहले हेच भर देना है। तो जैसे हैलोजन की जगह अगर आप ध्यान से देखो, अगर एसिड हैलाइड हुआ तो हैलोजन की जगह हेच भरोगे तो ये फिर से किस में आ जाएगा आपका, अल्डिहाइड में, इस वाले में। फिर यहाँ से सेम प्रोसीजर रहेगा। तो वही लिखा है मैंने कि एसिड हैलाइड होगा तो हैलोजन को हेच से रिप्लेस करो, फिर जो सी डबल बॉन्ड ओ का पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन कार्बन को दे दो और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ये आपको करना है। नाउ अब मैं बात करता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके एप्लीकेशन की। तो मैंने टोटल 6 प्रॉब्लम लिए हैं, ध्यान से देखो। तो ये आपका एसिड हैलाइड हो गया जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ और Cl है। अपना स्लोगन क्या था, सभी को, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सभी को भी है, हेलो तो ये हैलोजन वाला है, कहो तो ये कार्बन वाला है और ये हाइड्रोजन वाला है। तो डैट मीन्स ये तीनों हेलो कहो और ये सब में सभी हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सभी को हेलो कहो। तो अगर ये होगा तो क्या करना है, 1:1 अल्कोहल बनाओ, तो इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, इसमें 2 डिग्री और इसमें 1 डिग्री। तो कैसे, तो आपको बताया था क्या करना, पहले हैलोजन को रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जस्ट मैं दिखा रहा हूँ पहले केस में क्या होगा आपका, ये आ जाएगा, हैलोजन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, और फिर फर्दर क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है और इस कार्बन को हेच देंगे और ऑक्सीजन को, तो ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, तो CH3C इस ऑक्सीजन को हेच मिला और इस कार्बन को, और ये हेच पहले से इसके पास था, तो आप देख सकते हो ये कौन सा आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ अगेन ये होंगे तो क्या करना है, CH3C इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये ऑक्सीजन वाला एक बॉन्ड है, इसको भी हाइड्रोजन देना और इसको दे दिया, और बाकी जो चीज़ जैसे हैं, तो ये देख सकते हो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। और ये अल्डिहाइड होगा तो अगेन इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन को हेच देना, ऑक्सीजन को हेच देना, तो CH3 इस कार्बन पे ऑक्सीजन जो था उसको हेच, कार्बन को हेच और एक हेच पहले से था, तो ये 1 डिग्री बन गया। नाउ इस केस में आपका दो दो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों को ये रिड्यूस कर सकता है, इसलिए उस स्लोगन से 3 को ही कर सकते हैं, और वो हमने बहुत ही अच्छे वे में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये एसिड हैलाइड है तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप कर रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, इस पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो ऑक्सीजन को भी हेच दिया और कार्बन को हेच दिया, जो दिखाया नहीं, और वैसे ही यहाँ पे इस पाई बॉन्ड पहले तो हैलोजन निकल जाएंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, और वो पाई बॉन्ड को जब ब्रेक किया तो एक एक हेच मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे एसिड है, एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि हमने बताया आपको किस किस को, हेलो कहो, एसिड हैलाइड, कीटोन एंड अल्डिहाइड को कर सकता है, तो इसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस कीटोन का पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, तो बाकी जो चीज़ें जैसे हैं वैसे ही रहने देना है। और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको हेच और इसको हेच एक मिल चुका है, जो हम जनरली दिखाते नहीं हैं, अगर आपको दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो। नाउ यहाँ पे अल्कोहल है, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल तो प्रोडक्ट ही बनता है। अल्डिहाइड का अगेन पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है और बाकी जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रहने देना आपको, तो ये मैंने वैसे ही रहने दिया। यहाँ पे हेच था, इस ऑक्सीजन को भी हेच मिला और इसको भी हेच। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है, आप मेरे उस स्लोगन को याद रखें और करना क्या उसको ध्यान में रखें, तो आपको ईजिली सोडियम बोरोहाइड्राइड से आने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। नाउ जाते जाते
अगेन मैं ज्ञान की बात करने जा रहा हूँ और उसमें पहला पॉइंट ये है कि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है उससे एक्चुअली आपको H माइनस मिलता है, डैट इज एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। एंड इट इज़ ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लिथियम एल्युमिनियम डैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को कर सकता है, बट ये तीन फंक्शनल ग्रुप को ही किया था, इसलिए इट इज़ ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और एक्चुअल में ये रिएक्शन होती कैसे है, इतना रिक्वायर्ड तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा समझने के लिए, तो यू नो इससे आपको H माइनस मिलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो ये जो आपके पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आगे वाले केस में क्या हो जाएगा, CH3 ये पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया तो उस पर माइनस, ये H आ गया और ये H पहले से थे। एंड आगे के प्रोसेस में फिर इसको वाटर से H प्लस मिल जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा CH3OH H एंड H, डैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका फार्मूला है LiAlH4 और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लाह भी बोल सकते हैं। L ले लिया यहाँ से, A ले लिया यहाँ से, H ले लिया यहाँ से, तो इसको लाह भी बोलते हैं। तो एरो पे आपको या तो ये लिख करके बताएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सिर्फ लाह भी लिख सकता है, और ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पर बेस प्रॉब्लम रहते ही रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगेन इस रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखेंगे, ये किस किस को रिड्यूस करेगा उसको कैसे याद रखेंगे और इससे मिलने वाले प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे, तो तीनों को ही मैंने अपने एक स्लोगन में कनेक्ट कर लिया है और वो ये है। देखो स्लोगन नंबर वन, पहले मैं ये बता दूं कि ये स्लोगन का बेसिक क्या है, कि सपोज करो आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हो तो वहाँ पर का सीन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो किसी मैरिज फंक्शन में अगर गए हो तो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना। इस वर्ड का क्या मतलब है, इधर मतलब ईथर, ROR ईथर, हॉल इन द सेंस लाह को मैं अगर इस साइड से पढ़ूँ तो हॉल वर्ड हो जाएगा HAL, वी कैन कनेक्ट। तो इधर हॉल में दोबारा मतलब C N डबल बॉन्ड N होगा, अगर आइसोलेटेड है डैट मीन्स ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो दोबारा डैट मीन्स C या N डबल बॉन्ड N, अल्कोहल मतलब ROH, मत मतलब नॉट, रखना मतलब रिडक्शन। तो फर्स्ट जो लाइन है उसका क्या मतलब है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कांट रिड्यूस ईथर C N आइसोलेटेड अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा, तो उसको मैंने कनेक्ट किया इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना। किसी मैरिज फंक्शन में गए तो आपको कोई बोल सकता है कि इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना। नेक्स्ट इज कोई मतलब कीटोन, पूछे मतलब इपॉक्सी से मैंने पूछे बना दिया, कोई पूछे तो दो, डैट मीन्स अगर कीटोन होगा और इपॉक्सी होगा तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। मैरिज में अगर आप किसी मैरिज फंक्शन में जाते हो तो अगर कोई चीज़ मिलती है, सपोज करते हैं अगर शरबत ही मिलता है तो सबको वन टाइम तो मिलता ही है, उसके बाद किसी को दोबारा चाहिए तो उसको बोलना पड़ता है, तो वही सीन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, कोई पूछे तो दो, डैट मीन्स ओनली कीटोन के केस में एंड इपॉक्सी के केस में आपको 2 डिग्री बनाना है, अदरवाइज 1 डिग्री तो अल्कोहल बनेगा ही, क्योंकि 1 टाइम तो सबको मिलेंगे ही, उसके बाद कोई पूछता है तो उसको फिर दोबारा मिलता है, तो वही सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, कोई पूछे कीटोन एंड इपॉक्सी होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, रेस्ट केस में 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तीसरा पॉइंट है वरना इन द सेंस, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन उस फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट है लाइक अमाइड है साइनाइड है, तो उसीलिए एन वर्ड से हमने वरना मतलब एन से ना बनाया, वरना ऑल माइन मतलब आपको अमाइंस बनाना, उस केस में अल्कोहल नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट अमाइन एक्सेप्ट नाइट्रो, इस केस में क्या बनेगा वो हम एप्लीकेशन में बात करेंगे। तो आई होप मेरा राइमिंग वर्ड आपको समझ में आ गया होगा और इसको अगेन आप 2-3 मरतबा पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा राइमिंग वर्ड क्या है, इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना, कोई पूछे तो दो, वरना ऑल माइन, ये 3-4 मरतबा पढ़ोगे आपका इससे रिएक्टेंट याद हो गया, रिएजेंट याद हो गया एंड प्रोडक्ट भी याद हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की।
तो ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने टोटल 10 प्रॉब्लम लिए हैं, उसको कैसे करना है लाह के केस में। तो अगर हमने एल्डिहाइड लिया तो आपको क्या करना है, जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है, और इसको भी एक हेच देना है और इसको भी एक हेच देना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, CH3 जो जैसा वैसा ही। इस कार्बन पे ऑक्सीजन को हेच मिला, इसको हेच मिला और ये पहले से हेच था, तो यू कैन सी कि ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया। नाउ इस केस में आते हैं कीटोन में क्या करेंगे, तो अगेन पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, एक हेच इसको एक हेच इसको, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाकी जो चीज़ें जैसे हैं CH3C इस पे O के साथ हेच आ गया, इस पे हेच एक आ गया और CH3 पहले से था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल गया 2 डिग्री अल्कोहल। नाउ एसिड के केस में क्या करना है, तो एसिड के केस में आप ध्यान दो, तो पहले इसको आप ब्रेक करोगे तो इसको हेच मिलेगा और इसको भी हेच मिलेगा, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसको हेच मिलेंगे और फिर से इसको हेच मिलेगा। तो नाउ यू कैन सी कि जो चीज़ जैसे वैसे लिख दो, CH3 पहले से था, इस कार्बन पे अब ऑक्सीजन के साथ हेच आ चुका है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला जो पाई बॉन्ड ब्रेक किए वो आया और एक ऑक्सीजन वाला सिंगल बॉन्ड, तो इधर से भी हेच और इधर से भी हेच, तो यू कैन सी कि आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिला। नाउ ये आप देख सकते हो फिर से ये एस्टर है, सेम केस, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इसको हेच मिलेगा और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसको हेच और इसको हेच। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सिग्मा को कम्प्लीटली ब्रेक कर रहा हूँ, और अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है, दो बॉन्ड बना हुआ है, तो उसमें से सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ। तो अगेन आप देख सकते हो CH3 इस कार्बन पे ओ हेच आ गया और हेच और हेच, तो अगेन यू कैन सी कि आपको क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ इस केस में आप देख सकते हो ये एसिड हैलाइड है, तो अगेन इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा तो हेच हेच, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगेन हेच हेच, तो यू कैन सी कि आपको मिल जाएगा CH3 इस कार्बन पे ओ हेच, इस कार्बन पे हेच हेच, और आपको मिल जाएगा अगेन 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये पांचों केस जो है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ है और उसके साथ हाइड्रोजन है, दैट मीन्स अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, इन सब में मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर दो बॉन्ड बना हुआ है, दैट मीन्स सिग्मा और पाई साथ में, तो सिर्फ पाई को ब्रेक करना है, और अगर सिग्मा बॉन्ड भी है डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ तो उसको भी ब्रेक करना है और सबको हाइड्रोजन देना है, ये यहाँ पर कंसेप्ट है। और आप देख सकते हो कि सिर्फ कीटोन में 2 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा था कोई, तो 2 डिग्री अल्कोहल, वरना सब में क्या बन रहा है ध्यान से देखो, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट ये वरना वाला है, वरना ऑलमाइन, चूँकि यहाँ पे अमाइड ग्रुप है तो इस केस में अल्कोहल नहीं बनाएंगे, अमाइन बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको भी ब्रेक करना और इसको भी ब्रेक करना, और इसको हेच, इसको हेच इस बॉन्ड की वजह से, फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको हेच, इसको हेच, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ गया और NH2, डैट मीन्स 1 डिग्री अमाइन मिल चुका आपको, वरना ऑल माइन। तो वो वही वाला पॉइंट है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है आपके फंक्शनल ग्रुप में तो आपको अमाइन बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाइन बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, तो इसको हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन, फिर एक इसको भी ब्रेक कर दो तो इसको हाइड्रोजन और इसको हाइड्रोजन, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है, बस तीसरा बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। तो व्हाट यू विल गेट, CH3CH2NH2, दैट इज अगेन 1 डिग्री अमाइन यू विल गेट। नाउ ये वही है इपॉक्सी, कोई पूछे तो दो 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो इसका जो हेच माइनस है वो लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करेगा, तो इधर से रिंग आपकी ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये वाला जो कार्बन है, इधर से जब ये रिंग ओपन हो जाएगी तो इस कार्बन पे हेच आ जाएगा, तो CH3 इस कार्बन पे CH3 पहले से था और CH पे CH3 और वो ऑक्सीजन वाला OH हो जाएगा, तो ये बन गया। तो ये देख सकते हो आपका कौन सा बन गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल। इसलिए कीटोन में आप देख सकते हो, कीटोन में एंड इपॉक्सी में कोई पूछे तो दो, नहीं तो हर केस में 1 डिग्री
अल्कोहल बनाना है, और वरना अगर नाइट्रोजन है तो अमाइन बनाना है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये एल्काइल हैलाइड है RX, तो भी आपको ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसको H और इसको H दे देना है, तो व्हाट यू विल गेट CH3, डेट मीन्स यू विल गेट एल्केन। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एल्केन। और अगर एरोमेटिक रिंग पे NO2 नहीं लगा है, एलिफैटिक पे लगा हुआ है ओपन चेन पे, तो आपको वही चीज़ वही कंसेप्ट लगाना है, नाइट्रोजन है तो अमाइन बनाना है, डैट मीन्स CH3CH2 इस नाइट्रोजन के साथ आपको दो हाइड्रोजन 1 डिग्री अमाइन बना देना। तो ये मैंने 10 फंक्शनल ग्रुप लेकर के आपको समझा दिया है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा किस केस में क्या करना है। वेरी सिंपल स्लोगन है कि क्या कर स्लोगन है इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना, डैट मीन्स ईथर अल्कोहल सी डबल बॉन्ड सी एंड डबल बॉन्ड एन को ये रिड्यूस नहीं करता है। कोई पूछे तो दो, डैट मीन्स कीटोन एंड इपॉक्सी केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, वरना हर केस में 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। एंड अगर नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है जैसे अमाइड सानाइड नाइट्रो, तो वहाँ पर 1 डिग्री अमाइन बनाना आपको। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूनो सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप को करता था, ये ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को करता है। और जो एप्लीकेशन में हमने बताया कि 10 फंक्शनल ग्रुप हमने लिया, तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगेन इससे भी आपको H- मिलेगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। एंड ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर 3 डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एरोमेटिक रिंग पे NO2 ग्रुप लगा हो तो और लास्ट से रिएक्शन करा रहे हो तो आपको एनिलीन नहीं बनाना है, ये ध्यान रहे, एजो ग्रुप बनेगा। डैट मीन्स आपको क्या करना है, 2 नाइट्रोजन को N डबल बॉन्ड N से, डैट मीन्स इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ये N इसका रहेगा, ऑक्सीजन हटा देना, N डबल बॉन्ड N से आपको कनेक्ट कर देना है। और जहाँ पे N डबल बॉन्ड N आता है तो इस लिंकेज को बोलते हैं एजो, तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन यू विल गेट एजो प्रोडक्ट नॉट एनिलीन। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेडियम और प्लेटिनम, जनरली इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आप रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो ये किस किस फंक्शनल ग्रुप को ईजिली रिड्यूस नहीं करेगा, ईजिली इन द सेंस रूम टेम्परेचर पे रिड्यूस नहीं करेगा, तो वो भी लिस्ट आउट किया मैंने, और किसको कर देगा वो भी इसमें कर दिया हमने। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगेन इस रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखेंगे, इसके रिएक्टेंट को कैसे याद रखेंगे, एंड इसके प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे। तो उसको हमने सिंपल एक स्लोगन से कनेक्ट किया है, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल, सी हियर, हेलो एनी बहन जी, आईमा सिस्टर के पास कार होगा, पता नहीं पढ़ने देना है, ये एक लाइन हो गया। हेलो एनी बहन जी, डैट मीन्स यू आर सेइंग एनी बहन जी को, हेलो एनी बहन जी, आयमा सिस्टर के पास कार होगा, पता नहीं पढ़ने देना है। इस वर्ड का क्या मतलब है, हेलो मतलब RX, एल्काइल हैलाइड होगा तो उसको, एनी मतलब एनहाइड्राइड, बहन जी मतलब बेंजीन, आयमा मतलब अमाइड, सिस्टर डैट मीन्स एस्टर, एस्टर से मैंने बना लिया सिस्टर, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, होगा मतलब अल्कोहल ROH, पता नहीं पढ़ने देना मतलब, पता मतलब PT, नहीं मतलब NI, पढ़ने मतलब PD, है मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्काइल हैलाइड एनहाइड्राइड बेंजीन अमाइड एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, इन सबको रिड्यूस नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे। देखो कोई भी रिएक्शन अगर हमें कराना हो, ज़बरदस्ती कराएंगे तो वो हो ही जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ पूछा जा रहा है कि विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, डैट मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा है। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप आपका रिड्यूस नहीं हो पाता है ईजिली हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम से। नाउ किस किस को करेगा, तो उसके लिए सिंपल क्या है, मल्टीपल बॉन्ड को बराबर इज्जत देना है। मल्टीपल बॉन्ड इन द सेंस दोनों जो एलिमेंट है वो सेम हो तो भी चलेगा, डिफरेंट हो तो भी चलेगा। डैट मीन्स कहीं पे अगर C डबल बॉन्ड C है
तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, या कहीं पे सी डबल बॉन्ड ओ है, या कहीं पे सी डबल बॉन्ड एन है, तो इन सबको बराबर इज्जत देना मतलब क्या हो गया कि इनके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, इसको भी हैच देना, इसको भी हैच देना। सिमिलरली इसके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इसको हैच मिलेगा, इसको हैच मिलेगा। सिमिलरली इसके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हैच और इसको हैच। तो इस लाइन का यही मतलब है कि वो जो मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है वो सेम एलिमेंट के बीच हो या डिफरेंट एलिमेंट के बीच हो, डैट डजेंट मैटर, बराबर इज्जत देना इन द सेंस उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों को एक एक हैच देना है। नाउ जो ट्रिक हमने आपको दिया है अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम हमने लिया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी। तो हमने क्या बोला था कि इसमें से एक पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है और ये ब्रेक करके इसको हैच देना और इसको हैच देना है, बराबर इज्जत देना है। तो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने दो। एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आया, तो CH2 CH2 CH3। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कीन। नाउ एल्काइन होगा तो ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके हैच दो। ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके भी हैच दो। तो व्हाट यू विल गेट, अगेन सेम प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ यहाँ पे भी देखो तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, सेम एलिमेंट के बीच हो या डिफरेंट एलिमेंट, तो आपको ब्रेक करना, इसको भी एक हैच देना, इसको भी एक हैच। तो अब ध्यान से देखो आपके पास क्या मिल गया, CH3। इस कार्बन पे एक हैच था, एक और हैच आया, तो CH2 और ऑक्सीजन उससे जुड़ा हुआ था, उसको हाइड्रोजन मिल गया, तो OH अल्कोहल बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हैच दे दो, तो व्हाट यू विल गेट, CH3। इस कार्बन के पास हैच आया और ऑक्सीजन के पास भी हैच आया और ये CH3 ऐसे ही था। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो तो आपका ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको हैच और इसको हैच मिलेंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको हैच, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाइन CH3 CH2 N पे दो हाइड्रोजन NH2, 1 डिग्री अमाइन आपको मिल जाएगा। डैट मीन्स नाइट्रोजन होगा तो अमाइन बना देना है, ऐसा भी आप कह सकते हो। अगेन नाइट्रोजन है, ये दोनों ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन ले आना है, तो व्हाट यू विल गेट, CH3 NH2। तो नाइट्रोजन होगा तो अमाइन बना देना है, अदरवाइज आपको कैसे करना है समझा दिया। यहाँ पे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हैच, इसको हैच, तो फर्स्ट केस में आपको ये मिल जाएगा अल्डिहाइड, और फिर फर्दर अल्डिहाइड किस में चला जाएगा, अल्कोहल में। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसको भी हैच और इसको भी हैच, तो यू कैन सी CH3 CH2 OH आ जाएगा। नाउ ये एसिड है, तो आपको बताया था कि इस फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगी। ज़बरदस्ती हम कराना चाहें तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है, यू नो, बट रूम टेम्परेचर पे एसिड फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी रिड्यूस बाई H2 और Ni। नाउ अब जाते जाते मैं ज्ञान की बात करूँगा और डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर वन में कि जो मैं H2 Ni PD PT लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि आपको हाइड्रोजन लेना है इन प्रेजेंस ऑफ आइदर निकल या फिर प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम। इसको कैसे आ सकते हैं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे ना। तो क्वेश्चन इज कि इन तीनों का काम क्या है, तीनों का काम सेम है, ये एक सरफेस क्रिएट करता है जिस पे ये हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है, सरफेस रिएक्शन है ये एडजॉर्प्शन वाली। तो निकल अगर लोगे तो आपको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा, और प्लेटिनम लोगे तो थोड़ा कम टेम्परेचर, और प्लेटिनम लोगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। तो इन तीनों का जो मेजर यहाँ पे पॉइंट समझना है कि निकेल में रिएक्शन थोड़ा कम स्लो होगी, उससे ज़्यादा फास्ट प्लेटिनम में होगी और उससे ज़्यादा फास्ट प्लेटिनम में होगी। डैट मीन्स प्लेटिनम अगर आप लेंगे तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, प्लेटिनम में थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, निकेल में उससे भी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ये इस वर्ड का क्या मतलब है ये हमने समझाया। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 लेता
तो अगर सपोज करो कि आपने H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni या PD या PT लिया होता तो सीधा इसको आप एल्केन में कन्वर्ट कर देते CH3, CH2, CH2, CH3। बट अगर यहीं पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD लेते विथ सम अनदर रिएजेंट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिर इस रिएक्शन को आपको एल्कीन पे ही रोकना पड़ता, डैट मीन्स यू विल गेट CH3, C डबल बॉन्ड C, एक एक H उन दोनों को मिल जाता है उस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, और CH3। इस केस में ये सीन एडिशन भी होता है जिसके बारे में मैं ट्रिक आपको दूंगा आगे के लेक्चर में। तो ये आपको एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाएगी, समझना इस पॉइंट को है कि अगर सिर्फ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम लोगे तो एल्केन पे रुकेगी, बट H2 प्लेटिनम लेकर के अगर आपने एक्स्ट्रा कोई ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट तो ये रिएक्शन आपकी फिर रुक जाएगी कहाँ पे, एल्कीन पे। और इस रिएजेंट का स्पेशल नेम है, डैट इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। तो ऐसा क्या हुआ एक्चुअली में, क्या हुआ कि जो आपके पास ये सरफेस थी प्लेटिनम की उस पर कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर आपने डाल दिए तो बहुत सारे होल्स इसके ब्लॉक हो गए जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो रिएक्शन फिर आपका एल्काइन से एल्कीन पे रुक जाएगा, एल्काइन से एल्कीन पे रुक जाएगा। तो अगर बीच में रोकना हो तो आपको सम ऑफ द पाउडर फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट उस कैटलिस्ट के सरफेस पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ज्ञान की बात है वो ये है कि अगर मैं एसिड हैलाइड लिया होता CH3COCl, तो अगेन सेम पॉइंट कि अगर आप इसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम या प्लेटिनम ये सब लेते तो ये रिएक्शन में आपको इसको ब्रेक करके HH देना था और ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके HH देना था तो आपको अल्कोहल मिलता। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको सिर्फ हैलाइड को हैलोजन को बाहर निकाले, डैट मीन्स अल्डिहाइड अगर बनाना चाहते हैं, रिएक्शन को यहीं पे रोकना चाहते हैं, तो अगेन आपको H2PD तो लेना ही पड़ेगा और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा बैरियम सल्फेट। डैट मीन्स सेम वैसा ही काम करेगा ये बैरियम सल्फेट का पाउडर, आपके जो प्लेटिनम के जो एक्टिव साइट्स थे, एक्टिव होस्ट थे, उसमें जा कर के बैठ जाएंगे जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो आपकी रिएक्शन फिर एसिड हैलाइड से अल्डिहाइड पे रुक जाएगी। और इस रिएजेंट का भी एक स्पेशल नेम है, डैट इज रोजनमंड कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं रोजनमंड कैटलिस्ट। तो अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो देखो इसमें BA है और इसमें R है, तो बार वर्ड से याद रख सकते हैं, रेस्टोरेंट एंड बार वर्ड होता राइट, तो बार वर्ड से कि बैरियम होगा तो रोजनमंड बोलेंगे, और कैल्शियम होगा तो कैल्शियम में L आ रहा है तो उसको बोलेंगे लिंडलार। BH3THF, BH3 को हम लोग डाई बोरेन भी बोलते हैं, यू नो ये डाइमर फॉर्म में मिलेगा, और THF यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, ये इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो सॉल्वेंट का यहाँ पे काम कर रहा है। मैनली यू नो बोरॉन के पास एक वैकेंट प्योर वाइटल है तो जिसको ये लोन पेयर के थ्रू स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो BH3THF जहाँ भी एरो पे लिखा होगा डैट मीन्स आपको रिड्यूस करना है, और किसको रिड्यूस करना है, किसको नहीं रिड्यूस करना है, डैट मीन्स इसमें रिएजेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, उसको मैंने अगेन वेरी सिंपल स्लोगन से कनेक्ट किया है, एंड डैट इज भाई तूफान को हेलो मत बोलो। डैट मीन्स यू नो तूफान को हेलो नहीं बोलना है, भाई तूफान को हेलो मत बोलो नहीं तो कपल मरेंगे, वरना सिंगल मरेंगे, डबल सिंगल होंगे और अल्कोहल पियेंगे। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है, भाई तूफान को हेलो मत बोलो, अगर तुमने तूफान को हेलो बोल दिया तो क्या होगा, नहीं तो कपल मरेंगे वरना सिंगल मरेंगे या डबल सिंगल होंगे, और ये सब अगर ऐसा हुआ तो ये गम में क्या करेंगे, अल्कोहल पियेंगे। जस्ट जोक ना। तो क्वेश्चन इज कि इसका मतलब क्या है सर, तो देखो भाई मतलब BH3 से हमने BS से भाई बना लिया, तूफान मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन से मैं तूफान, भाई तूफान को मतलब इसमें C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल वाला कार्बन होगा, को हेलो डैट मीन्स C डबल बॉन्ड
OX एसिड हैलाइड अगर होगा तो इसको आपको रिड्यूस नहीं करना है, ये रिड्यूस नहीं होगा, एसिड हैलाइड सिर्फ रिड्यूस नहीं होगा। नहीं तो डैट मीन्स अगर नाइट्रोजन है लाइक अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2 तो ये नाइट्रोजन आ गया, नहीं तो या फिर RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन आ गया, तो नहीं मतलब नाइट्रोजन तो कपल मरेंगे, डैट मीन्स ओनली पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। इस केस में ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए नहीं तो कपल मरेंगे। कपल इन द सेंस डबल बॉन्ड को आपको ख़त्म कर देना है, सिंगल बॉन्ड को रखना है। अगर कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिफरेंट है तो वहाँ पे उसको भी आपको ब्रेक करना है, डैट मीन्स सिंगल मरेंगे। जो डबल होंगे सी डबल बॉन्ड ओ वाले लाइक अल्डिहाइड कीटोन में डबल सिंगल होंगे, और इन सब केस में जो सिंगल मरेंगे या डबल सिंगल होंगे तो अल्कोहल बनाना है, और नहीं वाले में आपको एमाइंस मिलेगा। करना क्या है सर ये बताओ, करना क्या एक्चुअली में, ये तो कहानी हो गई, करना क्या है? तो देखो करना बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने एक समझाया कि सपोज करो मैंने सी डबल बॉन्ड ओ वाला लिया तो ये वाला पॉइंट लगाना है डबल सिंगल होंगे, यहाँ पे डबल दिख रहा है तो हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इसको भी एक हेच दिया, इसको भी हेच, एकदम इक्वल बराबर इज्जत देना, दोनों को हेच दिया और ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला नहीं तो अगर नाइट्रोजन होगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया और जो भी पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे उस दोनों को एक एक हेच मिल जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो सिंगल भी ब्रेक होंगे वरना सिंगल मरेंगे, ये पॉइंट, डबल सिंगल होंगे तो सिंगल को मैंने ब्रेक किया HH दे करके और डबल को सिंगल किया HH दे करके, तो ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो करना क्या है वो भी हमने समझा दिया। चलिए अब जो हमने आपको स्लोगन या ट्रिक दिया है उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने अल्डिहाइड लिया है और BH3 THF को एज ए रिएजेंट यूज किया है, तो अपना स्लोगन क्या था, भाई तूफान को हेलो मत बोलो। नहीं डेट मीन्स नाइट्रोजन होगा तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है वरना सिंगल मरेंगे और डबल सिंगल होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ डबल ही सिंगल होगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन को हम ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट मानते हैं, तो डबल को सिर्फ आपको क्या कर देना, सिंगल, इसको हेच देना है, इसको हेच देना है, तो व्हाट यू विल गेट, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने देना, इसका हेच और इसका हेच, यू विल गेट अल्कोहल। अगेन यहाँ पे सेम पॉइंट, डबल को सिंगल कर देना, इसको हेच, इसको हेच, व्हाट यू विल गेट, CH3 सी पे ओ के साथ हेच, इसका हेच और CH3, जो जैसे। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो सिंगल भी मरेंगे और डबल सिंगल होंगे, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो इसको हेच और इसको हेच मिलेगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हेच एंड इसको अगेन हेच मिलेगा, तो व्हाट यू विल गेट, CH3 इस कार्बन पे ओ के साथ हेच और दो हाइड्रोजन आ गया, तो आप ध्यान से देखो तो 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, ओनली कीटोन में आपको 2 डिग्री मिलेगा, अदरवाइज 1 डिग्री मिलेंगे। नाउ अगेन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है डिफरेंट है तो इसको ब्रेक करके इसको हेच, इसको हेच, और यहाँ से डबल को ब्रेक करके इसको हेच एंड इसको हेच, तो अगेन यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, CH3CO के साथ हेच, इधर एक हेच, इधर एक हेच, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ अगर एनहाइड्रेट लेंगे तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन है तो फिर से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ब्रेक कर देना और डबल को भी सिंगल कर देना है, तो अगेन यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, CH3C के OH, इधर हेच, इधर हेच, तो हर केस में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा एक्सेप्ट कीटोन में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। तो वही हमने पॉइंट दिया था कि भाई तूफान को हेलो मत बोलो, नहीं तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं था कि कपल मरेंगे वरना सिंगल मरेंगे, सिंगल कब मरेंगे जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और डबल सिंगल कर देना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना एंड अल्कोहल पिएंगे, डेट मीन्स देखो सब केस में अल्कोहल बन रहा है। नाउ यहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं तो सिर्फ किसको आपको ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को, तो यहाँ पे इसको हेच और इसको हेच, और डबल मरेंगे कपल मरेंगे मतलब इसको भी ब्रेक करना है तो इसको हेच और इसको हेच, ओनली दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर वाले को नहीं करना है, तो व्हाट यू विल गेट, CH3CH2NH2, यू विल गेट अमाइन। नहीं तो कपल मरेंगे डैट मीन्स आपको सिग्मा और पाई जो सी डबल बॉन्ड वाला उसको ब्रेक कर देना, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है तो सारे
ये पाई बॉन्ड को आपको ख़त्म कर देना है, तो व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, क्योंकि ये ब्रेक होंगे तो इसको हैच, इसको हैच, इसको हैच, इसको हैच, सबको बराबर इज्जत देना है। इवन तो ये एल्कीन को भी कर सकता है, अगेन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हैच, इसको हैच, व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। अगेन अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हो, एल्काइन भी हो, तो आपको ब्रेक करना और हैच एच देना है, तो व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। और ये वाला जो आ गया, वही भाई तूफान को हेलो मत बोलो, हेलोजन आ गया है क्लोरीन, तो इसका फिर नहीं हो पाता है, फिर ये रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट से इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, और बी एच थ्री खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। नाउ जाते जाते अगेन एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि जो आपका बी एच थ्री है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। यू ऑलरेडी नो 13 ग्रुप वाले जो भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, एंड कि जो इसका वर्किंग है वो सिमिलर टू एच टू इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम या प्लेटिनम, इसके जैसा ही वर्किंग था, बट ओनली डिफरेंस इज कि ये आपका एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता था, ये आपका एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता था एच टू एन आई या पी डी या पी टी, जबकि जो आपका बी एच थ्री टी एच एफ है वो एसिड को तो रिड्यूस कर देता है और एसिड हैलाइड को नहीं कर पाता है। तो ओनली डिफरेंस इज कि ये बी एच थ्री टी एच एफ से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं, जबकि एच टू इन प्रेजेंस ऑफ पी डी इससे हो जाएंगे, जबकि ये एच टू इन प्रेजेंस ऑफ पी डी इनसे नहीं हो पाते हैं, बट बी एच थ्री टी एच एफ अगर हम लेंगे तो इनसे हो जाएंगे। तो ओनली डिफरेंस यही है, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिस पे ये काम करता है उस पे ये भी काम करता है। ओनली डिफरेंस इज कि ये एसिड हैलाइड को नहीं कर पाता है जबकि एच टू पी डी कर देता है, और ये एसिड को नहीं कर पाता है एच टू पी डी जबकि बी एच थ्री एसिड को कर देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज की इस वीडियो लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी की जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन है सबका एनालिसिस किया, और वो सारे की सारी रिडक्शन रिएक्शन को मैं इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहा हूँ एक्सप्लेन, वो भी मेरे सिंपल ट्रिक से। तो देखो, जैसे खाने में अगर अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको रफ़ी सर का ट्रिक मिल जाए तो आपको ऑर्गेनिक का मज़ा आएगा। तो अगर ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप रखिए ऑन अपना नोटिफिकेशन, ताकि रफ़ी सर को मिलता रहे मोटिवेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए हमने बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में वर्क किया है। वो क्या है कि मैं एक तरफ फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ कि पूरी एनसीईआरटी की रिडक्शन रिएक्शन में किस किस फंक्शनल ग्रुप पे कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। मेरी बात समझ में आई? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है उसको हमने क्लियरली लिखा है। एक तरफ में फंक्शनल ग्रुप, एक एक फंक्शनल ग्रुप को मैंने पकड़ा और उसका एनालिसिस किया। तो इधर फंक्शनल ग्रुप लिखा, इधर कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट उस पर यूज किए गए, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देने जा रहा हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन, एल्काइल हैलाइड। क्या? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड पे दो रिड्यूसिंग एजेंट अभी तक यूज किए गए एनसीईआरटी में, एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोला सकते हैं, ला। ओके, और दूसरा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, जेड एन एच सी एल, या इसको और कैसे लिख के दे सकता है, जेड एन स्लैश हेच प्लस, ऐसे भी दे सकता है। ओके, डैट मीन्स जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट एल्काइल हैलाइड पे यूज किए गए। अब देखो, इन दोनों में किसी को अगर कुछ नहीं भी मालूम है तो वो सिंपल अपने लॉजिकल थिंकिंग से इस क्वेश्चन को कर सकता है। अगर कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है तो लिथियम तो इसके साथ आएगा नहीं, कार्बन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर है, राइट, तो मेटल इसके साथ अटैच करने का कोई मतलब नहीं बनता है, एल्युमिनियम को अटैच करने का मतलब नहीं बनता है। वैसे भी क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में
हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर माइनस आएगा, तो इस पर प्लस, लिथियम प्लस है, एल्युमिनियम प्लस है, रिपेल हो जाएंगे, तो आएगा कौन, हाइड्रोजन। तो एक्स हटा के क्या कर देना है, हाइड्रोजन। डैट मीन्स ये वन ऑफ द मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या हो गया, एल्केन भी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ZN तो यहाँ पे X की जगह आएगा नहीं, Cl तो आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हैलोजन है, तो आएगा कौन, H। तो सिंपल लॉजिकल थिंकिंग से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जब भी एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लाह या इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिडिक मीडियम देखे तो आपको क्या बनाना है, एल्केन। डैट मीन्स जहाँ पे भी X लगा हुआ है जिस कार्बन पे, उस कार्बन से X हटा करके H लगा देना। फंडा क्लियर हो गया। एक्सप्लेनेशन, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये Cl लगा हो सकता है, Br लगा हो सकता है, या आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकते हैं, फ्लोरीन जनरली नहीं लेते हैं। तो लाह जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ये वाया SN2 होती है, और ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो बहुत ही परफेक्ट कंडीशन है SN2 होने के लिए। तो आपको क्या करना है, ये कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड बना है इसको हटा करके यहाँ पे हाइड्रोजन बनना है, तो बाकी को वैसे ही रहने देना है। तो ये 3 कार्बन और यहाँ पे कौन आ चुका है आपका, हाइड्रोजन। डैट मीन सिंपल ये प्रोपेन बन गया बॉन्ड लाइन नोटेशन से, राइट। सिमिलरली अगर 2 डिग्री हो तो भी आपको ला से वही कराना है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हटा करके हाइड्रोजन, तो ये 4 और ये तो सिंपल आपका क्या बन गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन, एल्केन बन गया, राइट। सिमिलरली जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हो तो अगेन कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड हटा करके आपको हाइड्रोजन, तो 1, 2, 3, 4 है, तो ये भी सिंपल आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ये हाइड्रोजन इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सब हाइड्रोजन आपका इनसे आ रहा है, इसलिए मैं दिखाया हूँ, तो सिंपल आपका एल्केन बन जाएगा। तो क्लियर हो गया कि एल्काइल हैलाइड पे 2 रिड्यूसिंग एजेंट पूरी एनसीईआरटी में यूज है, एक ला और एक ZnHCl। तो जनरली ला कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे यूज नहीं करना क्योंकि वहाँ पे एल्कीन बनता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री SN2 मैकेनिज्म होता है और आपको एल्केन मिलेगा, वैसे ही ZnHCl अगर होगा तो आपको एल्केन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 दैट इज ROH, आइदर अल्कोहल या फिनॉल। तो उस पर कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए, एक तो जिंक NCERT में और एक रेड फास्फोरस एंड HI, ये दो मैंने देखा, ओके। तो अगर फिनॉल की रिएक्शन, ये आपका हो गया फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप जिंक डस्ट से कराओगे, डैट मीन्स जिंक को पाउडर फॉर्म में लेना है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा, राइट। तो ऑक्सीजन खींचते ही आपको क्या मिलने वाला है, बेंजीन, जिसको मैं प्यार से बोलूँगा बहनजी। तो एक तरह से आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल गया, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन ही मिल रहा है। सिमिलरली अल्कोहल पे रेड फॉस्फोरस एंड HI की रिएक्शन अगर कराएंगे, अल्कोहल पे रेड फास्फोरस और HI की रिएक्शन कराएंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना, और इसको भी H देना और इसको भी H देना। वैसे इसका मैंने पूरा ट्रिक आपको अपने रिड्यूसिंग वाले में दे रखा हूँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, सिंपल आपको नॉर्मल ब्यूटेन मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई, अल्कोहल एंड फिनॉल पे कौन कौन यूज किया गया है, फिनॉल पे जिंक को यूज किया गया है तो आपको बेंजीन मिलेगा, और अल्कोहल पे रेड फास्फोरस अगर HI को यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना और दोनों को HH देना है, राइट। बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हो वाटर, तो वो तो बात की बात है, हमें मेजर प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे फंक्शनल ग्रुप, डैट इज एल्डिहाइड या अगर कीटोन होगा तो। तो एल्डिहाइड या कीटोन पे ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट हमने देखे हैं NCERT में यूज होते हुए, एक H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम, राइट। दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तीसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, चौथा ZnHgHCl डेट इज क्लिमेंसन रिडक्शन, और पांचवा NH2NH2OH- डेट इज वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो वैसे तो मैं ये सारे का ट्रिक आपको दे रखा हूँ रिड्यूसिंग वाले में, बट वी आर डिस्कसिंग हेयर कि सारे रिडक्शन को एक जगह पे, इसके लिए मैं फिर से इसको ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखो आपको क्या करना है, तो 1, 2, 3 अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया आइदर एल्डिहाइड या कीटोन पे, तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, इन तीनों में 1, 2, 3 इसलिए मैंने लिखा, इन तीनों में क्या करना है आपको, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है जो सी और ऑक्सीजन के बीच है, और इसको एक हेच देना है और इसको भी एक हेच देना है, दोनों को इक्वल हेच देना है। तो ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, आराम से देखो आप,
CH3CH2। इस कारण पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, एक H था, एक और H उसको मिला और उधर ऑक्सीजन है, तो इधर ऑक्सीजन उसके साथ H, तो OH हो गया, इधर H, इधर H, तो आपको क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। आप कह सकते हो कि इस केस में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। सिमिलरली इस केस में भी कीटोन होगा, तो आपको क्या करना है, ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको भी H और इसको भी H, तो आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ, CH3 राइट, C इस पे OH हो गया, इसके पास एक H आया और CH3, तो आपको क्या मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी आ जाएगा, तो एल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री, कीटोन लेंगे तो 2 डिग्री, आइदर आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम लो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब अगर लास्ट 2 जो है 4, 5 राइट, तो इसको क्लीमेंसन रिडक्शन में बोलता हूँ, इसको वुल्फ किशनर, तो ये अगर एल्डिहाइड पे अगर हमने यूज किया तो इस केस में क्या करना आपको, ये पूरा ही गायब कर देना है, ये दोनों सिग्मा और पाई दोनों गायब कर देना है, और क्या देना है, एच एच, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने अगर तो इसकी जगह एच एच, फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया अगर तो फिर एच एच, तो आप ध्यान से देखो क्या मिल गया आपको, प्रोडक्ट CH3CH2, इस कारण पे एच था और 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ है राइट, तो आपको 2 H मिल जाएंगे, तो डेट मीन्स आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सिंपल एल्केन मिल रहा है, एल्केन बनाने का एक मेथड हो गया। सिमिलरली अगर कीटोन पे करेंगे तो वही सेम बात, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो, 2 बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और ऑक्सीजन को भी आपको 2 हाइड्रोजन देना, जो वाटर फॉर्म में बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2CH3, अगेन आपको क्या मिल गया, एल्केन। तो वेरी क्लियर होना चाहिए आपको कि एल्डिहाइड या कीटोन में ये सब रिड्यूसिंग एजेंट यूज में, ये फर्स्ट 3 वाले से अल्कोहल मिलता है और लास्ट 2 वाले से एल्केन मिलता है, आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे ला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया गया है, B2H6 यूज किया गया है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बताया गया कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए मैंने क्रॉस किया है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को इजीली रिड्यूस नहीं करता है, बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और B2H6 कर सकता है, और कैसा रिएक्शन होगा या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, कि जैसे मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो अगर आप लाह यूज करो या B2H6, दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको क्या करना है, पहले ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है, और इसको भी हेच देना है और इसको भी हेच, क्योंकि रिड्यूसिंग हो रहा है राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना, ध्यान से देखो, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, पहले यहाँ तक बन के आ जाएगा, फिर फर्दर आपको क्या करना है, अब ये जो सिग्मा और पाई दोनों बन रखा है, तो उसमें से पाई को ब्रेक कर देना और इसको हेच और इसको भी हेच देना है, तो आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखो, CH3CH2, इस कारण पे 2 H हो गए और 1 OH, तो डैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी हो जाएंगे। तो कहने का वेरी सिंपल सा मेथड है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या B2H6 देगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पहले कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक करके HS दो, फिर उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ही सिर्फ ब्रेक करो, 2 बॉन्ड बना हुआ है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करो और HS दो, आपको अल्कोहल मिल जाएगा, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड से कोई रिएक्शन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डेट इज एस्टर, तो एस्टर पे H2PD यूज किया गया है और डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड राइट, इसको इस टाइप से भी लिख सकता है या डाइबल हेच करके भी लिख सकता है, और B2H6 से ये अगेन रिएक्शन नहीं होती है। तो एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि B2H6 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता है और ये दोनों करता है, और कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल, जब H2PD आप यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, ये वाला पहले बॉन्ड को हटा देना है राइट, और इसको हेच और इसको भी हेच देना है, तो ध्यान से देखो क्या हुआ, CH3C डबल बॉन्ड OH पहले एल्डिहाइड पे आ गए, और फिर फर्दर आपको ये करना है क्या, इसमें का सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, पाई, और इसको भी हेच देना और इसको भी हेच, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो अगर आपने H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD यूज किया एस्टर पे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, बट अगर एस्टर पे अगर आपने
डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबल हेच करके भी लिख देगा। तो यहाँ पे इसका हेच आपको ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे हेच और यहाँ पे हेच, बस इतने पे रिएक्शन को छोड़ देना है क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिएक्शन को आपको अल्डिहाइड पे ही छोड़ देना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये अल्डिहाइड के बाद फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि अगर अल्डिहाइड पे रोकना है तो आप डाइबल हेच यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हुआ, उसके पीछे भी लॉजिक है। आइसोब्यूटाइल दो बल्कि ग्रुप है और एल्युमिनियम, तो यू नो एल्युमिनियम पे एक आइसोब्यूटाइल है, दूसरा आइसोब्यूटाइल है और तीसरा हेच इससे अटैच है। तो ये बल्कि ग्रुप के बीच ये फंसा हुआ है, तो इसलिए एक ही हेच देगा, तो रिएक्शन को आप अल्डिहाइड पे रोक देंगे। नाउ नेक्स्ट इज एसिड हैलाइड। अगर एसिड हैलाइड पे देखा जाए तो H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट ये यूज किया गया, राइट। B2H6 के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि B2H6 इससे रिएक्ट नहीं करता है, बट ये कर जाएगा। और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखो, यहाँ पे H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट है, यहाँ पे सिर्फ H2PD है, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर आपने H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट लिया तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो पैलेडियम की सरफेस थी उसको आपने बैरियम सल्फेट के पाउडर से कवर कर दिया, तो जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो ये रिएक्शन में सिर्फ आपको क्या करना है, कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना और इसको हेच देना है। तो डैट मीन्स आपको अल्डिहाइड पे ये रिएक्शन को रोक देना है, आपको ये रिएक्शन अल्डिहाइड पे रोक देना है, राइट। इस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है रोजनमंड रिडक्शन, राइट। तो नेम भी ध्यान में रखना है। नाउ B2H6 लिए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, राइट, ये इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपने बैरियम सल्फेट नहीं लिया, सिर्फ H2PD लिया, तो क्या होगा, पहले ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और ब्रेक कर करके इसको हेच और हेच दिया, तो आपको क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड OH। और ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेंगे, फिर इसका पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हेच, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअली में अल्कोहल मिल जाएगा आपको 1 डिग्री। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट हो गया तो फिर अल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाएगी, अदरवाइज अल्कोहल पर रुकेगी और B2H6 एसिड हैलाइड का कुछ नहीं कर पाता है। नाउ नेक्स्ट, अगर साइनाइड होगा तो रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो, साइनाइड पे ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड बाद में फिर उसको एसिडिफाइड किया गया, और फिर डाइबल हेच इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट, या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एजिम, डैट मीन्स अमलगम और इथाइल अल्कोहल और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए। तो ध्यान से देखो, अगर आपने साइनाइड पे आइदर 1 या 2 यूज किया, ये दोनों, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में आपको सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना और इसको हेच और इसको हेच, समय में वही कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये आपको क्या मिल गया, राइट। उसके बाद जो ये H3O+ लिया गया, डेट मीन्स हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या होता था, कार्बन नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसको OH दो, इसको H दो, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको OH और इसको H, तो आपको ध्यान से देखो, आपको इससे क्या मिल गया, NH3 बाय प्रोडक्ट, राइट, NH3 अमोनिया मिल गया। और इसका क्या हुआ वो ध्यान से देखो, तो CH3CH पे 2 OH है, आपको बता रखा हूँ, कार्बन पे जब भी एक से ज़्यादा OH हो एक ही कार्बन पे, तो एक पूरा OH और एक H वाटर के फॉर्म में बाहर कर दो, तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड OH। डैट मीन्स ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड भी हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड H+ एसिडिक मीडियम में करा रहे हो तो अल्डिहाइड मिलेगा, या डाइबल हेच ले रहे हैं तो भी आपको अल्डिहाइड पर रिएक्शन को रोकनी है। डाइबल हेच के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए अगर आपने ये वाले में डाइबल हेच लिया, इसलिए 2 लिखा मैंने, सबका नंबरिंग कर दिया, डाइबल हेच लिया तो इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, और साइनाइड अभी आप देखना अल्डिहाइड में गया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। डैट मीन्स डबल एच डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
बाकी केसेस में अगर आप ध्यान से देखो 3, 4, 5, तो यहाँ मैंने लिया 3, 4, 5, अगर साइनाइड है तो इन सब केस में आपको क्या करना है, ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और HH देना है, और ये वाले पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना है और HH देना, मतलब दोनों ही पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा CH3 CH2, ध्यान से देखो, और इस कार्बन पे फिर से CH2 और उधर NH2, मतलब 1 डिग्री अमाइंस मिल जाएगा आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर साइनाइड की रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम या सोडियम अमलगम और अल्कोहल के प्रेजेंस में या फिर लिथियम एल्युमिनियम आर डालोगे तो आपको 1 डिग्री एमीन मिलने वाला है, बट डाइवल हेच या SNCl2 ये लोगे तो आपको एल्डिहाइड, दैट मीन्स इसमें पार्शियल रिडक्शन हुआ फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, हम कह सकते हैं कि ये वाले दोनों में आपका क्या हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन और फिर हाइड्रोलिसिस किया आपने तो आपको एल्डिहाइड मिला, जबकि इसमें एक तरह से कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रो ग्रुप पे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए हैं, तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ अगेन प्लेटिनम निकेल या पैलेडियम, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे देख सकते हो SN 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और B2H6, तो B2H6 नाइट्रो ग्रुप को नहीं करता है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना है, नाइट्रो ग्रुप को B2H6 रिड्यूस नहीं करेगा, बाकी ये तीनों आपके करेंगे, और आपको क्या मिलने वाला है NO2 से NH2, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने नाइट्रो बेंजीन लिया 1, 2, 3, मतलब इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, ये जो दोनों ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं ये, इसकी जगह क्या कर देना है, 2 हाइड्रोजन कर देना है, तो N और 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स आपको एनिलीन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देख सकते हो ये NO2 है, 1, 2, 3 में से कोई भी यूज करोगे तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 NH2, यहाँ पे भी आपको 1 डिग्री अमाइन मिलने वाला है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि नाइट्रो ग्रुप को अगर रिड्यूस करना है तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम यूज कर सकते हो, या SNHCl या FeHCl आप यूज कर सकते हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद SN कहाँ चला जाता है, तो ये +4 में चला जाता है, 0 से 4 में चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अमाइड पे एक रिएक्शन कराई गई है RCONH2, अमाइड ग्रुप पे भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया, डेट इज ला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इस केस में आपको करना क्या है, तो ये वाले बॉन्ड को, दोनों जो सिग्मा और पाई सी डबल बॉन्ड हो उसको गायब करना है, NH2 वाले को गायब नहीं करना है, इसको गायब कर देना है, मतलब H आपको दे देना है, H दे देना है, तो आप ध्यान से देखो क्या मिल गया, CH3 CH2 CH2 NH2, तो अगेन यहाँ पे आपको 1 डिग्री अमाइन मिलने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अमाइड की रिएक्शन लास्ट से कराओगे तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, सी डबल बॉन्डों को गायब करके हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ले आना है। नाउ नेक्स्ट, एल्कीन पे भी रिएक्शन कराई गई है, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन पे, तो एल्कीन के लिए यूज किया गया H2 इन प्रेजेंस ऑफ अगेन निकेल प्लेटिनम या प्लेटियम, राइट, जैसे यहाँ पे लिया H2PT, तो आपको करना क्या है कि इसके दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड से अटैच करना है, एक ही डायरेक्शन से अटैच होगा, सेम साइड से, राइट, तो आपको क्या मिलने वाला, आपको मालूम ही है ये सी, ये एच, ये CH3, इधर से भी एच इस पे आ गया, वो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हमने, बाकी जो चीज़ जैसे हैं वैसे, तो एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि ये एक सिन एडिशन है, और सिन एडिशन होने की वजह से अगर ये कायरल कार्बन बनता तो फिर आपको डायस्टोमर बनाना है या फिर मीजोमर बनाना है या फिर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, इसके बारे में भी मैं ट्रिक दे रखा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट ये पॉइंट है कि सिन एडिशन करना है और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्केन, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन वाया एल्कीन, और जो एडिशन होगा वो सेम साइड से होगा, सिन एडिशन इसको बोलेंगे। नाउ लास्ट, अगर एल्काइन होगा तो एल्काइन पे, डेट मीन्स C CCC पे H2PDC यूज किया गया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और H2PD ये यूज कर सकते हैं, ये अगर यूज करोगे तो सिन एडिशन होगा, अगर ये यूज करेंगे तो एंटी एडिशन होगा, ओके, और ये यूज करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, इन दोनों में क्या होने वाला है, पार्शियल, डैट मीन्स रिएक्शन आपके एल्कीन पे रुक जाएगी, तो अगेन एक्सप्लेनेशन में मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने लिया ट्रिपल बॉन्ड H2PDC, C मतलब कार्बन के
डस्ट राइट, या चारकोल भी बोल सकते हो पाउडर फॉर्म में। इससे अगेन क्या हो गया कि पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम कर दिया। तो आपको सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और इसको हैच और इसको हैच और दोनों को सेम साइड से देना है क्योंकि ये सीन एडिशन है। तो आप कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी, दोनों हैच सेम साइड से होना चाहिए। तो ये सेम साइड से देखा और दोनों सी एच थ्री से, मतलब आपको सिस एल्कीन मिलेगा, सिस वाला। वहीं पे अगर ट्रांस चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सेम प्रोसीजर है, ब्रेक कर करके एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से अपोजिट साइड से। इसलिए इस केस में आपको जो मिलने वाला है वो ट्रांस एल्कीन मिलने वाला है, ध्यान दें ट्रांस मिलने वाला है। तो सिस चाहिए तो H2PDC से यूज करना है, ट्रांस चाहिए तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि रिएक्शन को एल्कीन पे रोक दिया हमने, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में सिर्फ कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। इसलिए ये दोनों एग्जांपल है किसका, पार्शियल रिडक्शन का। बट अगर किसी ने सिर्फ ये कार्बन चार को नहीं लिया तो सिर्फ H2PD लिया तो रिएक्शन फिर आपका एल्कीन पे नहीं रुकेगी। तो पहले क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना एल्कीन और फिर फर्दर रिएक्शन आगे कन्वर्ट हो जाएगी एल्केन में। तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एल्केन, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्बन चारकोल फॉर्म में डालने से प्लेटिनम का जो भी एक्टिव सरफेस था वो कवर हो गया, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो रिएक्शन आप एल्कीन पे रोक सकते हो, अदरवाइज रिएक्शन एल्कीन पे नहीं रुकेगी, डायरेक्ट एल्केन पे रुकेगी। तो आई होप ये पूरा मैंने जितना भी रिडक्शन रिएक्शन था सबको एक जगह पे कवर किया है। आप भी इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली अच्छे से देख कर करके एक अच्छा सा नोट बना लो, इसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मैंने रिएक्शन दिया है ये सब मेंस या नीट में पूछे गए हैं और पूछे ही जा रहे हैं। आपको ये बिल्कुल अचार की तरह काम करेगा, अच्छे से कर लिए तो आपको दो स्टेप आगे मालूम रहेगा। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो, मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज मैं बायो मॉलिक्यूल्स में आपको ट्रिक देने जा रहा हूं। तो बायो मॉलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट है जिसका दूसरा नाम प्यार से हम सैकराइड भी बोल सकते हैं, उसमें नेमिंग हम कैसे करेंगे, डैट मीन्स डेक्स्ट्रो एंड लीवो DL नेमिंग कैसे करेंगे, उसकी ट्रिक मैं दूंगा। और उसके स्ट्रक्चर या नेम को कैसे याद रखेंगे उसका भी मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ। तो ट्रिक में जाने से पहले हम अगेन ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो ज्ञान की बात में सिंपल सा पॉइंट ये है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड, कि इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल, डैट मीन्स इसमें OH ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप में एंड एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होंगे, इसलिए ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। और एक और कंडीशन है कि एटलीस्ट वन कायरल सेंटर होना चाहिए, कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए, डैट मीन्स एक कायरल सेंटर बनाने का मतलब इस कारण पे OH और H किया और एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो सपोज करो अगर मैंने ये ले लिया तो, और पॉलीहाइड्रोक्सी भी होना चाहिए, डैट मीन्स एक से ज़्यादा OH भी होना चाहिए, तो एक इधर मैंने CH2OH कर दिया। तो ये जो हमने बनाया ये क्या है, मेरा एक कार्बोहाइड्रेट है या एक सैकराइड है, या इसी का नाम शुगर भी बोल सकते हैं, ये मेरा एक शुगर भी है। और ये क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो देखो यस पॉलीहाइड्रोक्सी, तो यस पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक से ज़्यादा OH हो गए। कार्बोनिल कंपाउंड, यस कार्बोनिल कंपाउंड है। Having at least one chiral center, yes chiral center है, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप आपके क्या हैं, different है, इधर H है, इधर OH है, इधर aldehyde है और इधर CH2OH है, तो ये एक chiral center है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, simplest, अगर आपसे पूछे कि simplest carbohydrate कौन होगा तो ये होगा, और इसका नाम हो जाएगा glyceraldehyde, इसी को बोलते हैं glyceraldehyde। नाउ अपने जो सिलेबस में पढ़ना है, हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो हेक्सोज, मतलब सिक्स कार्बन वाला पढ़ना है, इसलिए उसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, 6C6H12O6, ओके, सिक्स कार्बन वाला हमें पढ़ना है। अगर इस
सिक्स कार्बन वाले में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे अल्डोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे कीटोज, जिसका वन ऑफ द एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो इसलिए वो हमारा अल्डोज हुआ, और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसलिए वो हमारा कीटोज हुआ। तो हमें सिलेबस में सिक्स कार्बन वाला ही पढ़ना है, एक अल्डिहाइड वाला जिसका एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज, एक कीटोन वाला जिसका एक एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। तो नाउ अब हम बात करते हैं डीएन नेमिंग की ट्रिक्स की, एंड देन उसके बाद फिर स्ट्रक्चर एंड नेम के ट्रिक्स की कि कैसे आप उसको याद रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रिक नंबर वन की। तो ट्रिक नंबर वन जो है उसका स्लोगन ही है लॉल वर्ड, LOL। डैट मीन्स क्या है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो डी मैं यूज करूँगा, डी का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल यूज करूँगा तो लेवो रोटेटरी। ना द क्वेश्चन इज कि आप डी या एल कब बोलेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि आप अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखेंगे। डैट मीन्स अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो आपको कहाँ पे रखना है, एट टॉप। किसको, अल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखना है। एंड देन उसके बाद आपको टॉप से अगर आप आ रहे हो तो लास्ट वाला कायरल सेंटर को चेक करना है, और अगर बॉटम से जा रहे हो तो फर्स्ट वाला कायरल सेंटर को चेक करना है। ध्यान दें, अगर आप टॉप से आ रहे हो तो लास्ट वाला कायरल सेंटर को, और बॉटम से पहले वाले कायरल सेंटर को चेक करना है कि कौन सी पोजीशन, OH की पोजीशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन। टॉप से अगर आ रहे हो तो लास्ट वाले कार्बन पे, कायरल कार्बन पे, ध्यान दें कायरल कार्बन पे, और अगर बॉटम से जा रहे हो तो फर्स्ट वाले कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन चेक करना है। अगर वो OH लेफ्ट में है, अगर वो OH लेफ्ट साइड में है तो फिर उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और इसलिए वहीं से हमने बनाया ये ट्रिक। इसका L ले लिया लेफ्ट, इसका O ले लिया OH, और इसका L ले लिया तो लॉल वर्ड से याद रखेंगे LOL। ओके, देखिए एप्लीकेशन में आपके पास मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्डिहाइड जो मेरा ग्रुप है वो टॉप पे है, तो टॉप से लास्ट कायरल कार्बन ये वाला है, लास्ट कायरल कार्बन पे जाना, या बॉटम से लास्ट कायरल कार्बन भी यही हो गया, और ये ध्यान दें कि इस कारण पे दोनों हाइड्रोजन सेम है तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो इस पे गया मैं, और इस पे किसकी पोजीशन चेक करनी है, OH की, किस साइड में आ रहा है वो, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा L, लॉल वर्ड से। सिमिलरली इसमें देखो ध्यान से, आपका अल्डिहाइड या कीटोन टॉप पे है, लास्ट कायरल कार्बन पे जाना है तो लास्ट कायरल कार्बन आपका ये है। ओके, ये कायरल सेंटर नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पे दोनों हाइड्रोजन अगेन सेम है, तो ये है, या बॉटम से फर्स्ट कायरल सेंटर पे जाएंगे, और यहाँ पे OH की पोजीशन राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, तो लेफ्ट में था तो लॉल वर्ड, तो राइट में है तो डी, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ अगेन अगर तीसरे वाले में बात करें तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया जो कि ऑलरेडी टॉप पे है, तो लास्ट कायरल आपका ये है, या बॉटम से फर्स्ट कायरल ये है, इस पे OH की पोजीशन अगेन लेफ्ट में है तो लॉल वर्ड से लेफ्ट में ऑक्सीजन होगा तो L, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका L कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ एग्जांपल नंबर फोर के बारे में बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नेमिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप ये वाले कायरल सेंटर को ले लिया, राइट, क्यों, क्योंकि आपका जो मैन फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड वो टॉप पे नहीं है, बॉटम पे है, तो आप इसको इंटरचेंज करना है विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, गाड़ी के स्टेयरिंग की तरह आप इसको घुमा देना है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके आपको इसको पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमा देना है, तो देखो मैं 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, CHO आपका ऊपर आ जाएगा और CH2OH आपका नीचे आ जाएगा, और जो इधर के वाले हैं वो इधर आ जाएंगे और इधर वाले इधर आ जाएंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, CHO जब ऊपर गया तो CHO वाले जब कार्बन थे कायरल वाले, टोटल चार हैं CHO के पास वाले, तो OH इस साइड आ जाएगा, ध्यान दें, और H आपका इस साइड आ जाएगा, डैट मीन्स इंटर कन्वर्ट एक तरीके से कह सकते हो। फिर हमने ऐसे किया तो ये H आपका इस साइड आ गया और OH इस साइड आ गया। फिर अगर ध्यान से देखें तो अगर रोटेट करोगे आप तो ये OH आपका इस साइड आ जाएगा और H इस साइड आ जाएंगे, एंड अगर इसको किए थे तो आपका OH इस साइड आ जाएगा और H इस साइड।
तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नेमिंग मत करना, जस्ट उसको 180 से रोटेट कर लेना। नंबरिंग चाहो तो कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो कि 2 वाले पे OH राइट में था और ये रोटेट करने की वजह से लेफ्ट में आ जाएंगे, तो 2 वाले पे OH लेफ्ट में आ गया। अब इसमें आपको टॉप से जा रहे हो तो लास्ट कायरल सेंटर पे, बॉटम से जा रहे हो तो फर्स्ट पे, OH लेफ्ट में है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, L। तो आई होप ये वाला आपको DL नेमिंग ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की, डैट मीन्स एल्डोज के नेम और स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे। तो मैंने एक अल्डोज लिया है इन जनरल, अभी इसका क्या नाम है वो हम देख लेंगे। एक अल्डोज लिया क्योंकि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो आप इसमें ध्यान से देखो तो टोटल 4 कायरल कार्बन है, ये वाले 1 2 3 4 जिसको मैंने सर्कल किया। तो आप ही सोचो अगर 4 कायरल कार्बन है तो नंबर ऑफ आइसोमर इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर 2 की पावर 4, 4 कायरल सेंटर है तो 16, डैट मीन्स इसके टोटल 16 आइसोमर बनेंगे। तो ये 16 आइसोमर के स्ट्रक्चर हम कैसे याद रखेंगे और नेम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए रफ़ी सर आपको देने जा रहे हैं ट्रिक। तो 16 में आपको मालूम है कि 16 में 8 तो क्या होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और 8 जो होंगे वो एल कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। डैट मीन्स अगर ये कोई अल्डोज है तो ये खुद एक है और एक इसका आप क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। एक इसका क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। तो मिरर इमेज कैसा दिखेगा, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आईने के पास में जो चीज़ें वही रखना है, डैट मीन्स कन्वर्ट कर देना है। तो OH H हो जाएगा, यहाँ पे OH पास में है तो OH पास में रखो, यहाँ पे भी OH आपका पास में है तो ये रखो, यहाँ पे भी OH पास में है तो ये रखो, और CH2OH। तो जैसे अगर हम देखें तो ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो टॉप से लास्ट कायरल सेंटर पे या बॉटम से फर्स्ट पे जाएंगे, और OH राइट में है तो ये आपका डी कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हो टॉप से लास्ट पे गए या बॉटम से फर्स्ट पे, OH लेफ्ट में तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, इसलिए हमने बात किया है कि आपके पास 8 डी कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे और 8 एल। तो मैं 8 डी वाले को कैसे याद रखेंगे, 8 डी वाले को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में ट्रिक देने जा रहा हूँ। क्योंकि डी वाला याद हो गया तो जस्ट इस तरीके से आप मिरर इमेज ले लेंगे तो एल वाला आ जाएगा। तो मेरी बात क्लियर है, तो मैं 8 डी वाले को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए मैं 8 डी वाले कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे मैंने ये अगेन एक अल्डोज लिया हुआ है, और अभी ये डी कॉन्फ़िगरेशन में क्यों, क्योंकि लास्ट वाला कायरल सेंटर या बॉटम से फर्स्ट वाला राइट साइड में OH है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। तो ध्यान दो, मैं एक वर्ड लिखा हूँ ईपीमर, ये कभी कभी पूछा जाता भी है और वेरी सिंपल है। ईपीमर का मतलब क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपका है सब जगह वही रहेगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज करना है। ये 1 हो गया कार्बन नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो फिर हम इस दोनों के रिलेशन को क्या बोलेंगे, ईपीमर। जैसे इसका ईपीमर में बनाओ तो कैसा हो जाएगा, CHO, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज करना है, 2 पे इधर OH राइट में तो इधर क्या कर देना, लेफ्ट में, सिर्फ 2 पे चेंज करना है, ध्यान दे, बाकी सब वैसे ही रहने देना है, बाकी पे कहीं पे कोई चेंज नहीं। अगर सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे आपने चेंज कर दिया तो ये दोनों में क्या रिलेशन हो गया, इन दोनों को एक दूसरे का ईपीमर बोलेंगे। तो व्हाट इज ईपीमर, तो जब जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है उस कॉन्फ़िगरेशन को किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करो और सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर ऐसे को हम बोलेंगे ईपीमर। और ईपीमर एक्चुअली में क्या हो गए, ध्यान से देखो तो ना तो ये मिरर इमेज है ना ही ये सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या हो गए, डाया एस्टीरियोमर। तो ये डाया एस्टीरियोमर होते हैं। तो उसी ईपीमर के कंसेप्ट से हमने 8 आपको जो डी कॉन्फ़िगरेशन वाले, ये सारे के सारे डी कॉन्फ़िगरेशन वालों के नेम और कैसे हम स्ट्रक्चर याद रखेंगे अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। तो नेम में मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है ताकि ट्रिक का पॉइंट अपना वर्क करे। तो एक होता है एलोज, उसका ईपीमर है एल्ट्रोज। दूसरा होता है ग्लूकोज, उसका ईपीमर है मैनोज। तीसरा है गुलोज, उसका ईपीमर है आइडोज।
चौथा है गैलेक्टोज और उसका ईपीमर है टैलोज। तो ये टोटल 8D कॉन्फ़िगरेशन वाले हो गए। याद कैसे रखेंगे, तो देखो मैंने सबका फर्स्ट लेटर लिया तो क्या हो गया, ए जी गूगल। और गूगल किसको कहने करने को कर रहे हो, तो अमित को बोल रहे हो। अमित को हम क्या बोल रहे हैं, ए जी गूगल। तो ए मतलब यहाँ पे एलोज, उसका ईपीमर एल्ट्रोज। तो ए जी गूगल अमित, इस वर्ड से इजीली याद रख सकते हैं। तो आपको जो 8D वाले हैं वो हमने याद करा दिया। और क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि गुलोज का ईपीमर कौन है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। गुलोज का आइडोज आपको इजीली हो जाएगा, तो ईपीमर भी पूछा जाए। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को, तो अगेन हम एलोज, ग्लूकोज, गुलोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। और क्या करेंगे, जस्ट कार्बन नंबर 2 पे चेंज कर देंगे, तो इन सब का आ जाएगा। और चूंकि इस पॉइंट पे ध्यान देना है, चूंकि हम सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 पे चेंज होगा। और चूंकि हम डी की बात कर रहे हैं, तो आपका लास्ट कार्बन पे जो OH होगा वो राइट साइड में होना चाहिए, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट में होना चाहिए, तो इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सारे डी फॉर्म की बात कर रहे हैं। और सिर्फ चेंज कहाँ पे करना आपको, कार्बन नंबर 2 पे। चलिए अब हम स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था ए जी गू गल, तो ये ध्यान से देखो ये सारे डी कॉन्फ़िगरेशन में, क्यों, क्योंकि लास्ट कायरल सेंटर पे जो OH है वो आपका राइट में है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे भी लास्ट कायरल कार्बन पे जो OH है वो राइट में है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे भी जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पे OH राइट में है, तो डी कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे भी आपका जो लास्ट कायरल सेंटर है टॉप से और बॉटम से फर्स्ट, वो राइट में है, तो ये भी आपका डी है। तो ये सारे मैंने डी वाले 4 लिखे। और कौन कौन है, एलोज, ग्लूकोज, गुलोज, गैलेक्टोज, ए जी गूगल वाला। अब इसका अमित बनाना हो तो वो भी इजी है। पहले समझो कि मैंने इसको ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। मैंने फर्स्ट केस में क्या किया, एलोज वाले में अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, सारे OH को राइट साइड में रखा, ध्यान से देखो सारे OH को राइट साइड में। उसके बाद जब इससे मैं ए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो हमारे पास कंडीशन है कि मैं कार्बन नंबर 2 पे चेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो ईपीमर आ जाएगा, वो अभी हम बनाने वाले हैं। और कार्बन नंबर लास्ट कायरल सेंटर पे भी चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये डी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कहाँ कहाँ पे चेंज नहीं कर पाऊँगा, एक कार्बन नंबर 2 पे, क्यों, क्योंकि वो ईपीमर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर चेंज कर दूंगा, 1, 2, ये 2 पे, 3, 4, 5 एंड ये कार्बन नंबर 6। तो 2 पे मैं अभी चेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका ईपीमर बनाना है। और एक 5 पे हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमको सबको डी रखना है, तो ये चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज कहाँ पे हो सकता है तुम ही बताओ, चेंज आपका सिर्फ 3, 4 पे हो सकता है। तो इसलिए पहले केस में हमने सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे चेंज किया, आप ध्यान से देखो सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे। इससे और इसमें कंपेयर करोगे तो ये OH वैसे रहेगा, सिर्फ 3 पे हमने चेंज किया, बाकी को सेम रखा। तो 3 पे सिर्फ अगर चेंज करेंगे, सिर्फ 3 पे चेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। तो इसलिए अब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी इजीली याद हो जाएगा कि सारे OH राइट साइड में है तो एलोज है, सिर्फ 3 पे चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। 3 के बाद हम किस पे चेंज कर सकते हैं, 4 पे। तो अगर मैंने 4 पे सिर्फ चेंज किया तो वो क्या हो जाएगा, गुलोज। सिर्फ 4 पे चेंज किया तो ग्लूकोज। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो 3, 4 दोनों पे चेंज कर दिया। इसमें 3, 4 दोनों पे HOH की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास, गैलेक्टोज। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे सारे को राइट साइड में रखा, फिर 3 पे चेंज किया, फिर 4 पे, फिर 3, 4 दोनों पे। अब इसका ईपीमर बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ कहाँ पे चेंज करना है, कार्बन नंबर 2 पे। तो आप बाकी चीज़ को वैसे ही रहने दें, कार्बन नंबर 2 पे आपको चेंज करना है, डेट्स इट। तो कार्बन नंबर 2 पे OH उधर राइट में था, लेफ्ट में कर दिया H, बाकी चीज़ को वैसे ही रहने देना, आपको उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये जो बन गया एलोज का वो क्या बन गया, एल्ट्रोज, ईपीमर एलोज का एल्ट्रोज। सिमिलरली अगर इसका बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज करना है, बाकी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, राइट। तो 1, 2 पे ये OH इस साइड में आ जाएंगे और ये HE, और उसके बाद जो जैसे वैसे ही रहने देना है। तो ये आपने कर दिया,
तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, अमित मतलब ये मैनोज बन करके आपका तैयार हो चुका है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ कार्बन नंबर टू पे करना है। टू पे करना है तो ये ओ एच इधर और एच इधर, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, अमित में आई तो आई डोज। और सिमिलरली इसमें भी कार्बन नंबर टू पे चेंज करना है आपको, तो ये सी एच ओ सी एच टू ओ एच, कार्बन नंबर टू पे कर दो तो ये ओ एच इधर हो गया और एच इधर, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो आप ध्यान से देखो ये क्या आ गया आपका, टैलोज। तो आप ध्यान से देखो तो सब में लास्ट कायरल कार्बन पे ओ एच अगेन आपका कहाँ पे है, राइट में। तो ये सब के सब कौन से हैं, डी वाले हैं आपके, ये सब के सब आपके कौन से हैं, डी वाले हैं। तो ये टोटल 8D बोर्ड पे मैंने प्रेजेंट कर दिया है, याद रखना भी इजी है और स्ट्रक्चर भी इजी है। याद कैसे रखेंगे, ए जी गूगल ए एम आई टी अमित, ये वर्ड से याद रख लेंगे। और कैसे किया मैंने, सारे ओएच को राइट में रखा, फिर 3 पे चेंज किया क्योंकि 2-5 पे तो आपको अलाउ नहीं है, और फिर 4 पे चेंज किया, फिर 3-4 दोनों पे एक साथ चेंज कर दिया। तो ए जी गूगल वाले याद हो गए। सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे जो बना रखा आपने, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ईपीमर हो गया। तो इसलिए एलोज का ईपीमर अल्ट्रोज एंड सो ऑन। हेलो बच्चों, कैसे हो, मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको देने जा रहा हूं कन्वर्जन का ट्रिक, डैट मीन्स बायो मॉलिक्यूल में एक फिशर प्रोजेक्शन को हावर्थ में कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में मैं ट्रिक देने जा रहा हूं। लेकिन ट्रिक देने से पहले जो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको जान लें। देखो, फिशर प्रोजेक्शन मतलब जो ओपन चेन वाले होते हैं, राइट, ओपन चेन या फिर यू कैन से नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। अभी मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ। और हावर्थ प्रोजेक्शन मतलब जो साइक्लिक आपका रिप्रेजेंटेशन है, साइक्लिक प्रोजेक्शन है, उसको बोलेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन। नाउ जो अपने को पढ़ना है सिलेबस में वो हमें हेक्सोज पढ़ना है, मतलब 6 कार्बन वाला आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, जिसमें एक होता है एल्डो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज मतलब क्या हो गया कि उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, दिख रहा लिखा हुआ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। तो जब एल्डो हेक्सोज को जो फिशर प्रोजेक्शन में होंगे उसको हावर्थ में कन्वर्ट करोगे तो उसका नाम हो जाएगा पायरेनोज, क्योंकि वो पायरेन की तरह आपको दिखेगा। और पायरेनोज का मतलब क्या हो गया कि इसमें 5 कार्बन होंगे आपके पास और 1 ऑक्सीजन होंगे। ये जो 6 मेंबर रिंग होगी, ध्यान दें कि ये एक 6 मेंबर रिंग होगी, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें 5 कार्बन होंगे 1 ऑक्सीजन होंगे, तो उसको बोलेंगे पायरेनोज। कन्वर्जन ऑफ एल्डो हेक्सोज किस में जाएगा, पायरेनोज में। पायरेन से बना है, यहाँ से लिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो पायरेन में कितना है, 6 टोटल रिंग में 6 एलिमेंट है जिसमें से 5 कार्बन है जिसको ब्लैक कलर से दिखाया और एक आपका ऑक्सीजन है, तो इससे मिलता जुलता है इसलिए इसको बोलते हैं पायरेनोज। ध्यान दें कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये चीज़ ध्यान दें। एक है दूसरा कीटो हेक्सोज, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा आपके हेक्सोज में तो उसको बोलेंगे कीटो हेक्सोज, और इसको जब कन्वर्ट करोगे आप हावर्थ में तो इसका नाम होगा फ्यूरेनोज। और अगेन ये किससे बना है, तो फ्यूरेन से बना है। और यहाँ पे जो आपकी रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की बनेगी, तो ये 5 मेंबर रिंग रहेंगी, इसलिए इसमें 4 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ये जो रिंग बनाना है वो आपको 5 मेंबर रिंग बनाना है जिसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, चूंकि इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है इसलिए फ्यूरेनोज नाम पड़ा। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको 6 मेंबर रिंग बनाना है जिसमें से 5 कार्बन होगा रिंग में और 1 ऑक्सीजन होगा। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको 5 मेंबर की रिंग बनानी है जिसमें से 4 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। जैसे अल्डिहाइड वाला मैं लेता हूँ एक एग्जांपल,
और जिसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप ग्लूकोज को कैसे याद रखोगे, तो मेरा सिंपल सा ट्रिक है 3G से। 3G का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपका टॉप पे होगा और चार OH जो कायरल वाले होंगे और एक CH2OH। 3G का मतलब क्या है कि आपको सारे OH को तो राइट साइड में रखना है, ओनली कार्बन नंबर 3 पे OH को लेफ्ट में करना है। तो देखो ये कार्बन नंबर 1, नंबरिंग यहीं से होगा, डॉन फंक्शनल ग्रुप है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3G से मेरा सेंस क्या है कि थर्ड पे सिर्फ चेंज करना है आपको, तो 2, 3 पे इधर OH आ जाएगा और इधर H। बाकी सब में आपको क्या करना है, बाकी सब में राइट साइड में आपको OH रखना है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया किसका, ग्लूकोज का। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ये आपका है फिशर प्रोजेक्शन। अब इस, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो ये हो जाएगा हेवर्थ, और इसका नाम कॉमन नेम क्या रहेगा, पायरेनोज। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कीटो हेक्सोज के बारे में, तो उसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो आप इजीली क्या करो CH2OH और कीटोन, चूंकि कार्बन के दोनों साइड सी डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, इसलिए बीच में सी डबल बॉन्ड आएगा, और उसके बाद आपके पास ये कायरल सेंटर और CH2OH। तो इसका नाम तो आपको मालूम हो गया है कि ये क्या है, ग्लूकोज। तो ये एल्डोहेक्सोज का बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। कैसे बनाएंगे, तो हमने इसके लिए ट्रिक दिया, क्या दिया आपको, 3D। 3D का मतलब क्या हो गया, सारे OH को राइट में रखना है, सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे चेंज कर देना है, उल्टा कर देना है। वैसे ही इसको भी 3D से ही याद रखेंगे, बट द कंडीशन इज कि कैसे, तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1, 2, 3 3 पे यहाँ पे भी चेंज करना, मतलब इधर OH होगा और इधर H होगा, बाकी केस में आपको OH राइट साइड में रखना है। तो ये हो गया आपका फरक्टोज, जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और इसको भी कैसे याद रखेंगे, 3D। तो देखो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इजी याद रखना है, आपको समझा दिया, 3D वर्ड से मतलब थर्ड कार्बन पे आपको चेंज कर देना कॉन्फ़िगरेशन को, सिर्फ बाकी सब में राइट में OH होंगे। तो ये जो हमने लिया एग्जांपल, ये आपका कैसा है, कीटो हेक्सोज, क्योंकि 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कीटो हेक्सोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका जब कन्वर्जन आप हावर्थ में करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसको बोलेंगे फिरानोज, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता होगा। और जब ये बनेंगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5। ये भी कैसे, वो भी समझ लो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लास्ट कायरल सेंटर वाले OH होते हैं वो अटैक करते हैं इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो आप देख सकते हो ये रिंग 6 मेंबर कैसे बनी, एक तो ये 1, एक ये वाले 2, एक ये वाले 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो इसलिए इसमें हमें 6 मेंबर रिंग बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। आपको अगर बनाना हो तो ये ऑक्सीजन इस टाइप से, बाकी स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे, ग्रुप कैसे लगाएंगे, उसके बारे में ट्रिक दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक 6 मेंबर रिंग हो गई आपकी, जिसमें 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये हो गया आपका पायरेनोज। और अगर सपोज करो इसका बनाना होता तो अगेन ये वाला आपका अटैक करेगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, तो इसमें आपको ऑक्सीजन के साथ 5 मेंबर रिंग बना देना है। तो ये आपका हो गया फ्यूरन टाइप का, तो ये हो जाएगा फ्यूरनोज। तो इट्स वेरी इजी, राइट। अगर एल्डिहाइड होंगे तो 6 मेंबर रिंग बनेंगे, जिसमें 5 कार्बन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो 5 मेंबर रिंग बनेंगे, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की और उसके एप्लीकेशन की। तो देखो ट्रिक का बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप आपको राइट में दिखेगा, फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप राइट में होगा, हावर्थ में उसको डाउन कर देना है। याद कैसे रखेंगे, आर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वर्ड से, R&D होता है राइट, R&D सेक्टर होते हैं, तो राइट वाले को डाउन में करना है, तो लेफ्ट वाले अपने आप क्या हो जाएंगे, अप आ जाएंगे, और जो CH2OH है डाउन वाला, सबसे नीचे वाला, उसको ऑलवेज आपको अप रखना है।
तो ये ट्रिक का पॉइंट है कि फिशर से हावर्थ में जाएंगे तो राइट जो फिशर में जो ग्रुप राइट में होंगे उसको डाउन में करना है, लेफ्ट वाले को अप में, और CH2OH जो सबसे नीचे वाला उसको ऑलवेज अप, वो फिक्स है ऑलवेज अप। ट्रिक का दूसरा पॉइंट कि हावर्थ में अल्फा या बीटा कब लगाते हैं, तो अगर आपका OH अप हो गया तो बीटा। याद कैसे रखेंगे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे भी, जो बेस होता है उसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, BOH से। तो बड़े लोग ऊपर होते हैं एवं BOH, तो OH अगर अप होगा तो B फॉर बेस, B फॉर बीटा, तो उसको बीटा बोलेंगे, और अगर H अप हो गया तो उसको अल्फा। याद कैसे रखेंगे, HA, अगेन इक्विलिब्रियम में जो वीक एसिड होंगे उसको HA से, मोनोबेसिक एसिड को HA से रिप्रेजेंट करते हैं। HA का यहाँ पर क्या मतलब है कि H अगर अप है तो अल्फा, और अगर OH अप है तो बीटा। बड़े लोग ऊपर होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, बड़े लोग ऊपर होते हैं तो एबव तो बीटा, बी फॉर बड़े लोग, OH एबव तो बीटा। तो ये ट्रिक का पॉइंट है। नाउ मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप ध्यान से देखो तो ये पहले है क्या वो पता कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन नंबर आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 कार्बन वाले अल्डिहाइड हैं तो ये एल्डोहेक्सोज हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ये आपका कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी कौन सा है, ये डी कॉन्फ़िगरेशन में या एल में, तो उसके लिए बताया था लास्ट कायरल सेंटर ये है, इस पे OH जो है आपका वो राइट साइड में, तो ये कैसा है, डी ग्लूकोज। ये है आपका डी ग्लूकोज। अगर इसका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। समझाने के लिए ये लोन पेयर आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, 3 सिग्मा से 0 लोन पेयर से sp2 है। ट्राइगोनल प्लेनर आप देख सकते हो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इस पे जो अटैक है वो अप से भी हो सकता है और डाउन से भी हो सकता है, तो दोनों साइड से अटैक हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अगर ये अटैक करता है तो आपको कैसे बनाना, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखो, ये आप ये सबको भूल जाना है, आपको क्या करना है, एक 6 मेंबर रिंग बनाना है जिसमें आपको ऑक्सीजन को ऐसे कर देना है इस टाइप से, बहुत ईजी है। ये 6 मेंबर रिंग बना दिया, ये जो ऑक्सीजन के इधर राइट वाला जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है आपका, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, वेरी सिंपल। अब करना क्या, देखो ये कार्बन नंबर 1 पे अगर आपने OH ऊपर रख दिया एक बार, OH अप, तो इसका जो ये वाला H है ये कहाँ रहेगा, डाउन में, ओके। एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप ऐसा बना लें, आंख बंद करके पहले आप ऐसा बना लें। एक कंडीशन और क्या कर सकते हैं कि H को मैं अप रखूं और OH को डाउन में, तो ये भी एक कंडीशन है, तो ये भी हमने कर दिया। नाउ बाकी ग्रुप कहाँ लगाएंगे, तो आप ध्यान से समझो, तो ये कार्बन नंबर 1 का हो गया कि उस पर OH अप या डाउन कर सकते हैं हम। कार्बन नंबर 2 पे OH आपको किधर दिख रहा है वो देखो, कार्बन नंबर 2 पे OH राइट में दिख रहा है, तो क्या कर देना है, R D, तो राइट में दिख रहा है तो OH कहाँ पे आ जाएगा, डाउन में, तो OH अपने आप कहाँ पे है, ऊपर में। कार्बन नंबर 3 पे H आपका राइट में है, तो H राइट में है तो इसका मतलब H आपका डाउन में होगा, तो OH कहाँ पे हो जाएंगे, अप में। कार्बन नंबर 4 पे OH राइट में, राइट मतलब डाउन, R एंड D, तो OH को डाउन करना है तो H अपने आप कहाँ पे हो जाएगा, अप में। कार्बन नंबर 5 जो ऑलरेडी आपका O से ये कनेक्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यही वाला है, राइट। 5 पे आपको हमने क्या बोला है कि जो लास्ट वाला CH2OH होगा वो ऑलवेज अप, CH2OH को ऑलवेज अप, इसलिए 5 पे तो ऑलवेज अप आपको दिखाना है CH2OH, तो ये H हो गया। तो ये देखो मैंने डी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया उसके हावर्थ प्रोजेक्शन में। नाउ अब इसका क्या नाम होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका नाम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, वेरी सिंपल। आपका जो OH है वो कहाँ पे है, ऊपर में, एवम में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आप ही बता दो, तो नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा, बीटा डी। डी क्यों, क्योंकि डी ग्लूकोज था डी कॉन्फ़िगरेशन में, बीटा क्यों लगा, क्योंकि OH अप। सिमिलरली जिसको एक बार नहीं समझा है फिर से देखो, इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैं ऐसे ही बना सकता था, राइट। इसमें क्या क्या, OH डाउन में क्या, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
नाउ द क्वेश्चन इज कि टू पे वही सेम पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, OH राइट में तो डाउन में, थ्री पे OH लेफ्ट में डेट मीन्स H डाउन में, तो ये फिर H डाउन में सॉरी H राइट में तो H डाउन में आ जाएंगे तो OH आपका अप में आ जाएगा, फोर पे OH राइट में तो डाउन में आ जाएंगे, फाइव पे CH2OH ऑलवेज आपको कहाँ रखना अप में। नाउ इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि आपका OH डाउन में या फिर यहाँ पे H से पता कर सकते हैं H अप में, तो सिर्फ नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों, क्योंकि डी कॉन्फ़िगरेशन से बनाया, अल्फा क्यों, क्योंकि H अप आ गया, तो ये अल्फा और बीटा का ये कहानी है। नाउ ये जो ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन नंबर वन है, डैट मीन्स वो कार्बोनिल कार्बन जिस पर अटैक हुआ, ये वाला वो कार्बोनिल कार्बन जिस पर अटैक हुआ है, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। सब पॉइंट ध्यान से समझना, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कार्बोनिल कार्बन पे जो अटैक हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो कार्बन है उसको बोलेंगे, डैट मीन्स कार्बन नंबर वन को एनोमेरिक। और आप कैसे पहचानेंगे कार्बन नंबर वन कौन है, तो ऑक्सीजन के राइट साइड वाला को आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके चला जाना है। ओके, आप उल्टा भी कर सकते हो तो फिर ऐसे होता है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने राइट साइड का ऐसे रखा है। तो ये एनोमेरिक कार्बन है, इस एनोमेरिक कार्बन पे चूंकि OH प्रेजेंट है, अगर कभी भी एनोमेरिक कार्बन पे अगर एटलीस्ट वन OH है, अगर OH प्रेजेंट है, तो ऐसे शुगर को बोलते हैं फिर रिड्यूसिंग शुगर। ये सब भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये अभी इस कंडीशन में क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। वैसे ही ये एनोमेरिक कार्बन है, इस पे OH प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये OH रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूस होने के लिए, डैट मीन्स फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि रिड्यूसिंग पहचान लेंगे, एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है, जो ये जो कार्बन है, इसने एक तो ये इधर COC मतलब ये एक ईथर लिंकेज बनाया, इधर से एक ईथर लिंकेज बना, अभी भी इस पे एक OH है, तो चूंकि ये अल्डिहाइड से बना है तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, इसको एक और नाम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हेमी एसीटल, क्योंकि अभी इसमें एक OH है, एक ही आपका ईथर लिंकेज है। अगर एनोमेरिक कार्बन पे एक ही ईथर लिंकेज होगा तो उसको बोलेंगे हेमी एसीटल, यहाँ भी एक ही ईथर लिंकेज है, तो इस ये भी क्या हो गया, हेमी एसीटल। एसीटल क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड से बना है, अगर कीटोन से बनता तो क्या बोलते हैं, कीटल। तो बहुत सारे पॉइंट इसमें हमने समझाया है, आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे मैंने एक ग्लूकोज को लिया है, और जरूरी नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, उसका मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन को अवर्थ में, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब क्या है, एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं, कब आप बोलेंगे किसी शुगर को कि वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग, अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग होगा, नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे, और ओनली जो सुक्रोज है वही नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे शुगर रिड्यूसिंग है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एंड हेमी एसीटल या हेमी कीटल से आप क्या समझते हैं, अल्फा नेमिंग कब करेंगे, बीटा नेमिंग कब करेंगे, और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। नाउ एक और एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है राइट, और ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, थ्री पे ही सिर्फ चेंज है, तो आपको बताया था ये कौन सा हो जाएगा आपका, फ्रक्टोज, ये आपका हो गया फ्रक्टोज। और ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड में है, तो ये डी फ्रक्टोज हमने लिया है। अब इसका हावर्थ प्रोजेक्शन में, तो पहले आपको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर करके पहले एक 5 मेंबर रिंग बना देना है विथ 4 कार्बन, ये बना दिया। उसके बाद ध्यान से देखो, ये वाला जो OH का लोन पेयर है, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, अगेन अटैक बोथ साइड से हो सकते हैं, तो इस कार्बन पर ग्रुप क्या है, एक तो ये CH2OH है, और जब ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के एक OH आ जाएंगे राइट। तो वही चीज़ है, ये वाला कार्बन नंबर अगर मैं 2 मान रहा हूँ, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 ऑलरेडी आपका आ चुका है, तो अगर इसमें OH अप है तो CH2OH, ये कंडीशन हो सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, वही चीज़, आँख बंद कर करके पहले आप क्या करें, एक 5 मेंबर रिंग बना दें राइट, ये हमने बना दिया।
अब दूसरा कंडीशन उल्टा हो सकता है कि ये CH2OH अप हो, क्योंकि बोथ साइड अटैक हो सकता है और OH डाउन हो, तो ये कार्बन नंबर वन है और ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये वन टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। नाउ वन टू तो हो गया, थ्री पे आप देखो H आपका कहाँ पे है, राइट में, तो राइट है तो मतलब डाउन में, तो OH कहाँ चला जाएगा आपका, अप। फोर पे OH राइट में मतलब डाउन दिखाना है, तो ये OH डाउन, राइट, यहाँ पे कुछ नहीं तो कौन है, H। और जो फाइव वाले हैं उस पर क्या आपका CH2OH, उस पर ऑलवेज अप रखना CH2OH को, तो CH2OH अप हो गया तो H अपना आप कहाँ हो जाएंगे, डाउन में। सिमिलरली अगर यहाँ से समझे तो ये दोनों चीज़ें तो अटैक करने की वजह से अप डाउन हो सकती हैं, थ्री पे आपका H राइट में है तो डाउन में होगा तो OH अप में हो जाएंगे, फोर पे OH राइट में है तो डाउन में हो जाएगा, फाइव पे ऑलवेज CH2OH आपको अप रखना है, तो ये मैंने अप रख दिया तो ये डाउन हो गया। नाउ अगेन इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे OH आपका कहाँ है, अप में, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें क्या वर्ड आ जाएगा आपका, बीटा और डी फ्रक्टोज तो रहेगा, राइट, बीटा डी फ्रक्टोज, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज, वेरी सिंपल, राइट, क्योंकि OH यहाँ पे डाउन में, तो अल्फा डी फ्रक्टोज। अगेन ये वाला यहाँ पे कार्बन नंबर टू जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, तो इसलिए ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग एनोमेरिक कार्बन पे, डैट मीन्स कार्बोनिल कार्बन वाला जो कार्बन है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग होगा, यहाँ भी कार्बोनिल वाला कार्बन ये है, OH प्रेजेंट है तो ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है आपका। और जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें एक ही ईथर लिंकेज है, आर ओ आर एक ही है, राइट, बाकी नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेमी, और चूंकि ये कीटोन्स आया तो हेमी कीटन। अगर मान लो कि इस हेच को हटा करके मैं अगर कोई और कार्बन ऐड कर देता तो ये एनोमेरिक कार्बन दो ईथर लिंकेज बना रहा होता, तो इसलिए फिर बोलते उसको सिर्फ कीटल, और अभी आधा ही बना है तो हेमी कीटल, ये भी क्या हो जाएगा आपका, हेमी कीटल। तो आई होप ये आपको कन्वर्जन, रिड्यूसिंग होगा नॉन रिड्यूसिंग होगा, एसिटल कीटल कब बोलेंगे, ये सब बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ जाते जाते एक ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने यहाँ पे एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिया और इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किसी अल्कोहल से कराएंगे, तो ये जो अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये यहाँ पे जाकर के आपका अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में आपका कैसा बन जाएगा, CH3, इस कार्बन पे आपका वो OH आ गया, H हो गया, और ये वाला OR आपका आ चुका, R कोई भी एल्काइल ग्रुप होंगे, राइट, लाइक CH3OH ले सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट बना ये अल्डिहाइड से बना है, तो इसको बोलेंगे हेमी एसिटल, क्यों, क्योंकि अभी भी इस पर एक OH प्रेजेंट है, अभी एक ही ईथर लिंकेज है, वन ईथर लिंकेज अगर होगा तो आप उसको बोलेंगे हेमी एसिटल। अगर फर्दर इस पर मैं वन मोल H प्लस एंड ROH ले लेता एक और मोल, तो फिर क्या होता, ये H प्लस इसको OH को वाटर के फॉर्म में निकाल करके ये फिर से OR अटैच हो जाते, तो ये CH3C इस पर फिर से OR, H और OR, तो यहाँ पे दो ईथर लिंकेज हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिर्फ एसीटल, इसको बोलेंगे एसीटल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे क्या है, दो ईथर लिंकेज है आपका। सिमिलरली अगर कीटोन अगर हमने लिया होता फंक्शनल ग्रुप में, तो फर्स्ट केस में वही चीज कि ये इस पे जाकर के अटैक करता तो आपको कौन जाता, CH3COH, इधर CH3 था ही आपका, राइट, और ये OR, तो यहाँ पे अगेन एक ही ईथर लिंकेज है, तो इसका नाम हो जाएगा हेमी, और चूंकि ये कीटोन से बन रहा है तो इसको बोलेंगे कीटल। सिमिलरली अगर एक मोल और H प्लस आपने लिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, वन मोल और लेते तो ये वाटर आपका निकल जाता और ये OR आ जाता, तो ये CH3COR, इसका CH3 पहले से ही है, तो यहाँ पे दो ईथर लिंकेज हो गए COC वाले, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा फिर कीटल। तो हेमी मतलब एक OH प्रेजेंट होगा,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कि सर ये इंपॉर्टेंट तो ठीक है, इसका यूज क्या, देखो यूज क्या है उसको मैं एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि अगर आपने ये रिएक्टेंट लिया और आप प्रोडक्ट ये चाह रहे हैं, डैट मीन सिर्फ डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, अल्डिहाइड को वैसा ही रखना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट H2 और Ni यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड को तो हटा के सिंगल कर देगा और अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि मेरे रिड्यूसिंग वाले ट्रिक में आपको दे रखा हूँ, तो हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो फिर करें क्या, तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये जो एक्चुअली हम कर रहे हैं वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट करना हमें, तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो आप वही अल्कोहल वाला ऐड कर दीजिए। तो क्या करेगा ये, आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये कार्बन से ये वाला O CH2 O CH2, ये आपका इस तरीके से प्रोटेक्ट हो गया। ये ईथर लिंकेज डायरेक्ट हमने क्या बना दिया है, अल्डिहाइड था तो डायरेक्ट हमने एसीटल बना दिया क्योंकि दो एच थे, राइट। तो ये प्रोटेक्ट हो गया, ईथर पे कभी भी अब रिएक्शन नहीं होगी। इस पे इवन दो ग्रिग्नार्ड एजेंट भी अगर आप RMGX भी अगर लोगे तो भी ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये प्रोटेक्ट हो गया। अब इस पे आप क्या करो, H2Ni ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और ये जो C था आपका जिसपे एक H पहले से है, राइट, और इसका ये ऑक्सीजन के साथ ही आपका कनेक्ट हो गया। अब इसका क्या कर दो, आप हाइड्रोलिसिस कर दो, आप इस पर वाटर डाल दो तो आपको ये मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से प्रोटेक्शन वाला काम चलता है कि अगर किसी को रिड्यूस करना है किसी को नहीं करना है तो फिर हम इस तरीके से करते हैं। तो ये ज्ञान की बात भी जो मैं देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप देखा करें। ज्ञान की बात में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया, इसका हवार्थ प्रोजेक्शन आपको कैसे बनाना बता दिया, राइट। आपको पहले आँख बंद करके इस टाइप का एक 6 मेंबर वाला रिंग बना लेना जिसमें एक ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना था कि नंबरिंग कर देना था, राइट, इधर से ये 1 2 3 4 और ये 5, राइट, यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 हो जाएंगे। तो 5 वाले पे CH2OH, जो 5 वाला कार्बन है उस पे जो CH2OH है वो ऑलवेज अप करना था, राइट। उसके बाद हमने क्या बोला था कि आपको ये एनोमेरिक कार्बन पे आप जैसे भी चाहो, अगर मैं OH को अप रखा तो H को डाउन एंड वाइस वर्सा, तो वो तो डिपेंड करेगा अल्फा बीटा, तो मैं कोई एक पार्ट बना लिया। कार्बन नंबर 2 पे OH राइट में है तो क्या कर देना है, डाउन, राइट। कार्बन नंबर 3 पे OH राइट में है तो क्या कर देना है, डाउन, राइट। कार्बन नंबर 4 पे OH लेफ्ट में है तो क्या कर देना आपको, अप। और 5 पे CH2OH ऑलवेज। तो ये मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन से, ध्यान से देखो, एक फिशर से क्या बना लिया, हावर्थ प्रोजेक्शन बना लिया। नाउ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कायरल कार्बन कितने थे, इस स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन कितने थे, तो ध्यान से देखो 4 थे। ये कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप डिफरेंट, ये भी हैं और ये 4 कायरल कार्बन थे। बट जब आपने हावर्थ प्रोजेक्शन बनाया तो कायरल कार्बन कितने हो गए, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, तो कायरल कार्बन क्या हो गया, एक इंक्रीज हो चुका है, 5 कायरल कार्बन हो गए। तो कहने का मतलब है कि फिशर में 4 हैं और हावर्थ में 5 है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने माइंड को, आँख को, दिमाग को पूरा खोल के रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में और वहाँ पे माइंड काम ही नहीं करता है कि इसमें कितना कायरल कार्बन है उसमें कितना है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो, मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक देने जा रहा हूं और डैट इज ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो यू नो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड, 2 इज कॉल्ड ओलिगो एंड 3 इज कॉल्ड पॉली। तो पहला कौन हो गया आपका, मोनो। तो मोनो वर्ड से क्लियर है कि 1, दूसरा है ओलिगो, राइट, और तीसरा आपका पॉलीसेकेराइड्स। तो आप किस कंडीशन में मोनो बोलेंगे, ओलिगो बोलेंगे एंड पॉली बोलेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे,
इस कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डाल देंगे, डेट मीन्स उसको नहा देना है। पानी में डालने के बाद आपको देखना है कि हो क्या रहा है। अगर पानी में डालने के बाद वो ब्रेक नहीं हुआ, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, डैट मीन्स आपने ये डाला और ऐसा ही रह गया, तो इसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स। और इसके एग्जांपल भरे पड़े हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज में यू नो फोर कायरल सेंटर है, राइट, तो 16 इसका आइसोमर होंगे, तो वो 16 के 16 सब क्या है, मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज ग्लूकोज का ही एक आइसोमर, राइट, मैनोज या राइबोज, तो ये सारे के सारे आपका क्या है, मोनोसैकेराइड है। डैट मीन्स इन सबको वाटर में डालोगे तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, जो आपने डाला वो उसी फॉर्म में रह जाएगा। और ये सारे के सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग होंगे नेचर में। रिड्यूसिंग इन द सेंस कि अगर इसकी रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन से कराओगे या टॉलिन एजेंट से कराओगे तो ये रिएक्शन कर जाएंगे। ओके, तो ये खुद टॉलिन्स वाले जो Ag+ होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो सारे के सारे मोनोसैकेराइड क्या हैं, रिड्यूसिंग है। अब हम आते हैं, बात करते हैं ऑलिगो पे, चूँकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा हूँ। आज जो मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा वो इस पर ही मेनली रहेगा, बट क्लासिफिकेशन के बाद मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ऑलिगो का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सैकेराइड डाला और आपको मिल गया दो, तो इसको बोलेंगे ऑलिगो, या तीन मिल गए, ब्रेक हो गई है तीन पार्ट में, तो भी बोलेंगे ऑलिगो। तो 2 से लेकर के 10 यूनिट तक, 2 से 10 यूनिट में अगर ब्रेक हो गया वाटर में डालने के बाद, तो इसको बोलेंगे ऑलिगो, जिसमें हमें अभी इस वीडियो लेक्चर में 2 के बारे में पढ़ना है कि अगर 2 में ब्रेक होते हैं तो कैसे उसके स्ट्रक्चर नेम ये सबको याद रखेंगे। 2 में ब्रेक होंगे तो डाइसैकेराइड, 3 में होंगे तो ट्राई, 4 में होंगे तो टेट्रा, एंड सो ऑन ये नेम पड़ जाएगा। तो अगर आपने सैकेराइड को वाटर में डाला और 2 से 10 यूनिट मिल रहा है तो उसको बोलेंगे ऑलिगो। उसका एग्जांपल है आपके पास सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जो आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें सिर्फ सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी ये दोनों आपका क्या है, रिड्यूसिंग है। ये दोनों आपका R फॉर रिड्यूसिंग, ये दोनों रिड्यूसिंग है, सिर्फ सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। और तीसरा पॉलीसेकेराइड्स, तो नेम से क्लियर है कि अगर इसको वाटर में डाला तो बहुत सारे आपको, मतलब 10 से ज़्यादा होना चाहिए, एक पॉइंट तो ही हो गया, 10 से ज़्यादा अगर आपको यूनिट मिल रहा है तो उसको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। उसका एग्जाम्पल है स्टार्च और सेलुलोज। तो यू नो सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल में मिलता है, राइट, ये सब लोग जानते हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन, सेलुलोज प्लांट सेल में मिलता है, याद रखने के लिए पीसी वर्ड से कि प्लांट सेल में सेलुलोज मिलता है। और जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं सब नॉन रिड्यूसिंग है। तो देखो मैं रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का सीधा कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ, आपके पास सारे के सारे रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट पॉलीसेकेराइड और ऑलिगो में सुक्रोज, इनको छोड़ करके बाकी सब आपके रिड्यूसिंग है। डैट मीन्स सुक्रोज एंड पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है। ये जो पॉलीसेकेराइड है वो स्वीट नहीं होते हैं, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग नॉन शुगर के नाम से बुलाते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, चार ऑप्शन दे दिया विच इज नॉन शुगर, तो वो पॉलीसेकेराइड होंगे, डैट मीन्स स्टार्च या सेलुलोज ऑप्शन में से हो जाएगा, क्योंकि ये स्वीट नहीं होते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में। अब हम बात करने वाले हैं किस पे, डाइसेकेराइड पे, कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डाला, 2 मॉलिक्यूल मिले, तो वो किस किस से मिलके बने होंगे, उसके स्ट्रक्चर एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछे जा सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, और रफ़ी सर जो ट्रिक्स देते हैं वो कंसेप्ट के साथ देते हैं, ये ध्यान रखना, कंसेप्ट के साथ मैं ट्रिक देता हूँ, हवा में बातें नहीं करता हूँ। तो देखो ट्रिक का पॉइंट क्या है कि हमें जो पढ़ना है वो डाइसेकेराइड पढ़ना है, डैट मीन्स वाटर में डालने पे आपको 2 यूनिट मिलेंगे मोनोसेकेराइड्स के। तो कौन कौन है डाइसेकेराइड, तो एक तो सुक्रोज है आपके पास, एक है माल्टोज और एक है लैक्टोज। ओके, तो सुक्रोज को अगर वाटर में डालेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और एक बीटा डी फ्रक्टोज मिलेंगे। सिमिलरली अगर माल्टोज को डालोगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, और लैक्टोज को अगर वाटर में ऐड करोगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज मिलेगा और अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। नाउ देखो एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होती है कि अब ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए,
तो हम पहले आपको समझाएंगे और फिर उसके बाद रफ़ी सर का ट्रिक्स वर्क करेगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए हमने बनाया है बहुत ही इजी वे में, कनेक्ट किया। ध्यान से देखो, सुक्रोज को हम कैसे याद रखेंगे। मैंने अल्फ़ा वर्ड से उठाया है अरे, अल्फ़ा से अरे, ओके। बीटा से बाबा, अरे बाबा। डी फॉर डेक्स्ट्रो मतलब देखो, अरे बाबा देखो। जो जी है, ग्लूकोज का जी, राइट, और फ्रक्टोज का एफ, जी एफ, अरे बाबा देखो जी एफ का, कनेक्टिंग वर्ड है, अरे बाबा देखो जी एफ का। सुक्रोज तो शुक्र करो, तो मेरा राइमिंग वर्ड क्या है, किसी को भी याद हो जाएगा, अरे बाबा देखो जी एफ का शुक्र करो। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, तो मतलब ये हुआ, अरे बाबा का मतलब क्या, अरे का मतलब क्या है कि अल्फा, बाबा मतलब बीटा, तो अल्फा डी देखो मतलब इसमें दोनों ही डेक्स्ट्रो हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो। ग्लूकोज वाला क्या है, पहले जो लिखा अरे बाबा, तो अरे के लिए पहले जी आ गया, बाबा के लिए, फ्रक्टोज के लिए बीटा वर्ड आ गया, तो वेरी सिंपल वर्ड हो गया, अरे बाबा देखो जी एफ का शुक्र करो। तो डैट मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज, अरे मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, और बाबा मतलब बीटा, और डी फॉर देखो डेक्स्ट्रो, दोनों ही डेक्स्ट्रो हैं, और जी एफ पहला वर्ड ले लिया, शुक्र मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से सुक्रोज मिलेगा आपको। वैसे इसको कैसे याद रखेंगे माल्टोज को, तो इसमें क्या मिल रहा है, दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो डी से अगेन डेक्स्ट्रो देखो, ओके। ग्लूकोज से मैंने गोल वर्ड बना दिया है, माल्टोज का माल वर्ड ले लिया, राइट, तो गोलमाल। तो क्या कैसे याद रखेंगे, देखो गोलमाल, गोलमाल एक पिक्चर थी, राइट। देखो गोलमाल का क्या मतलब है, यहाँ पे समझो, देखो मतलब ये हो गया डेक्स्ट्रो, गोल मतलब ग्लूकोज, और माल मतलब देखो एम ए एल से तो माल्टोज हुआ, ये ए क्या बता रहा है कि अल्फा वाला लेना आपको, तो इसमें दोनों कौन है, अल्फा वाला, ए फॉर अल्फा, तो देखो गोलमाल से याद रख लेंगे। लैक्टोज को कैसे याद रखोगे आप, तो इसमें बीटा डी गैलेक्टोज हैं और बीटा डी ग्लूकोज हैं, तो बीटा से मैंने बना लिया बेटा, और दोनों डी हैं तो डी से बना लिया डेक्स्ट्रो से बना लिया देखो, तो कैसा वर्ड हो गया, बेटा देखो, बेटा देखो, क्या देखना है कि अगर गला में ग्लू लगाओगे, बेटा देखो गला में ग्लू लगाओगे तो लखपति बन जाओगे। तो क्या है ये वाला ट्रिक, बेटा देखो गला में ग्लू लगाओगे लखपति बन जाओगे। तो ये कनेक्शन कैसे हुआ, बेटा मतलब बीटा, देखो मतलब डी, गला मतलब गैलेक्टोज, ग्लू मतलब ग्लूकोज, तो क्या बन जाओगे, लखपति मतलब लैक्टोज मिल जाएगा। तो आई होप ये मेरा ट्रिक समझ में आया होगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो डैट्स वेरी सिंपल, आप ध्यान से देखो, तो मैंने एक इधर फिशर प्रोजेक्शन लिया है, आप देखो कि OH राइट में है, तो ये मेरा कौन है, डी ग्लूकोज। मैंने कैसे याद करवाया था, कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, 3G वर्ड से बोला था आपको, बाकी सब में OH राइट में, तो ये डी ग्लूकोज है। ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, इसमें भी OH राइट में है, तो ये आपका डी फ्रक्टोज है, राइट, क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे चेंज है, बाकी सब में OH राइट में है। और ये जो आपका वो गैलेक्टोज है, राइट, गैलेक्टोज है, कैसे, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 3-4 दोनों पे हमने चेंज कर दिया, आप देख सकते हो 3 पे भी OH लेफ्ट में आ गया, 4 पे भी OH लेफ्ट में आ गया है, तो 3-4 दोनों पे चेंज कर देंगे तो गैलेक्टोज हो जाएगा। ये मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ट्रिक दे रखा आपको। इन सब का मैंने हावर्थ प्रोजेक्शन बनाया है, जो कि अगेन ट्रिक में दे रखा हूँ, और यहाँ पे अगर OH अप में होगा तो उसको बीटा बोलेंगे, OH डाउन में होगा तो अल्फ़ा, वैसे ही सेम OH अप में होगा तो बीटा, OH डाउन में होगा तो अल्फ़ा, OH अप में तो बीटा और अल्फ़ा। तो ये मैंने हावर्थ प्रोजेक्शन बना लिया है, क्योंकि ये अल्डिहाइड है तो इसका पायरेन से बनेगा, और ये कीटोन है तो इसका फ्यूरेन से बनेगा, राइट, तो इधर में 5 मेंबर रिंग है और इधर में 6 मेंबर रिंग है। तो ये हावर्थ प्रोजेक्शन भी कैसे बनाना है ये आपको बता रखा हूँ। नाउ हम बात करते हैं अपना डाइसैकेराइड, दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज कैसे आपको याद करवाया था, याद करो कि अरे बाबा देखो जी एफ का शुक्र करो, राइट, तो अरे बाबा मतलब एक तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, राइट, और एक बीटा डी फ्रक्टोज लेना है, राइट, अरे बाबा देखो जी एफ का शुक्र करो, राइट।
नाउ द क्वेश्चन इज कि अल्फा डी ग्लूकोज, यस आपके सामने में अल्फा डी ग्लूकोज, तो आप क्या करेंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज बना ले, राइट। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या मतलब हो गया, अल्फा मतलब क्या हो गया कि OH डाउन में, राइट, तो इधर OH डाउन में, H अप में, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4 और ये 5 एंड 6, तो इधर CH2OH अप, ये वाला बना सकते हैं अल्फा, यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका एनोमेरिक कार्बन नंबर 1, 2, 2 पे अगर ध्यान से देखो OH राइट में है तो यहाँ पे डाउन हो जाएगा, 3 पे OH लेफ्ट में है तो यहाँ पे अप हो जाएगा, राइट, 4 पे OH राइट में है तो डाउन हो जाएगा, तो ये आपका मैंने बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। और बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से ले सकते हैं, राइट, तो बीटा डी फ्रक्टोज का मतलब क्या हो गया कि एक तो पहले आप क्या करो, फ्रक्टोज बनाओ, राइट, तो इधर ये ऑक्सीजन लेकर के ये हमने कनेक्ट कर दिया, ओके, मान लेते हैं ये एनोमेरिक कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका बीटा डी बनाना है, ये ध्यान रहे, तो बीटा का मतलब क्या होगा कि OH आपका अप में रहेगा, राइट, और CH2OH डाउन में रहेंगे, और इधर ये, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4 एंड 5, तो 3 पे आप ध्यान से देखो उसमें, तो 3 पे OH लेफ्ट में है, तो 3 पे OH लेफ्ट मतलब अप में हो जाएगा, 4 पे OH राइट में है तो डाउन में हो जाएंगे, और CH2OH ऑलवेज अप रखना है, तो ये हमने बना दिया बीटा डी फ्रक्टोज, देखो बहुत सिंपल है, राइट, ये दोनों बना दिया, और आपको क्या करना है, इसका मान लो H ले लिया और इसका OH, ये वाटर आपको बाहर कर देना है, तो ये वाटर बाहर करते ही आप ध्यान से देखो क्या हो गया, एक ऑक्सीजन ये वाला इससे अटैच हो जाएगा, ये हमने बाहर कर दिया, COC मतलब ईथर लिंकेज आ गया, राइट, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका अल्डिहाइड का था वो C1 कार्बन इन्वॉल्व है, और जो आपका कीटोन है, फ्रक्टोज है, उसका C2 कार्बन, तो ये 1-2, इसलिए मैंने लिखा ये 1-2 लिंकेज है, अल्डिहाइड का एनोमेरिक कार्बन और कीटोन वाला भी एनोमेरिक कार्बन, तो कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व है, तो ये 1-2 लिंकेज है, आप ध्यान से देख सकते हो इस एनोमेरिक कार्बन पे आप कोई OH ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये जो था वो तो इन्वॉल्व हो गया आपका किस में, इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट मीन्स एनोमेरिक कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व हो जाए दूसरे कार्बन के साथ, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चला गया, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि अब यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन ये वाला और एनोमेरिक कार्बन ये वाले पे आपका कोई भी OH ग्रुप नहीं है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है, अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन नंबर 2, इसलिए ये 1-2 लिंकेज है। नाउ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैसे तो ये सुक्रोज जो है वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डैट मीन्स ये लाइट को राइट रोटेट करेगा, लेकिन इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको जो मिल रहा है डी ग्लूकोज तो आपका डेक्स्ट्रो है, राइट, और ये जो बीटा डी फ्रक्टोज है ये लीवो रोटेटरी है, ये लीवो है, तो ये अप्रॉक्स 52 डिग्री से रोटेट करेगा अगर प्लस में, तो ये -92 से आपका बैक उल्टे डायरेक्शन में करेगा, तो ओवरऑल आप ध्यान से देख सकते हो ये जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी, राइट, ओवरऑल ये जो मिक्सचर है मेरा वो लाइट को उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए इस प्रोडक्ट को, डैट मीन सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ये जो दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर, तो ध्यान दो, इसमें हमने बहुत सारी पॉइंट आपको बताया और सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे कि कौन कौन सा लिंकेज है, रिड्यूसिंग है कि नहीं, इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं माल्टोज के बारे में, तो राइट, तो माल्टोज का हमने क्या ट्रिक दिया था, देखो गोलमाल, तो डैट मीन्स आपको दो मॉलिक्यूल लेना आपको अल्फा डी ग्लूकोज के, राइट,
तो ये मैं बना रहा हूँ, अल्फ़ा बनाना मेरे को राइट, तो अल्फ़ा मतलब हेच ऊपर ओ एच नीचे, तो ये सी एच टू ओ एच हो गया। दूसरे वाले कार्बन पे ओ एच राइट में है तो डाउन, तीसरे वाले पे ओ एच लेफ्ट में है तो अप ओ एच ये। और वैसा ही एक ये हो गया आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और एक मॉलिक्यूल और एक मुझे बनाना है तो इसी टाइप का एक मॉलिक्यूल और आप बना लें राइट। अगेन हमें अल्फ़ा ही लेना है तो हेच अप ओ एच डाउन में, यहाँ पे ओ एच डाउन, यहाँ पे ओ एच अप, यहाँ पे ओ एच डाउन, और ये सी एच टू ओ एच हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका ओ एच और इसका हेच ये वाटर बाहर कर देना राइट। तो ये मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखो ये लिंकेज बन गया। तो ये जो लिंकेज बना ये एनोमेरिक कार्बन वन था, और यहाँ एनोमेरिक कार्बन यहाँ वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो इसका वन लिया, इसका फोर, इसका सी वन और इसका कार्बन नंबर फोर इन्वॉल्व हुआ है, तो इसलिए ये कैसा लिंकेज है, वन फोर लिंकेज है। ये चीज़ पूछा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान दो तो इस कार्बन पे एनोमेरिक कार्बन पे अब OH ग्रुप नहीं बचा, बट इधर वाले में इस कार्बन पे OH ग्रुप बच गया, इसलिए ये कैसा रहेगा, रिड्यूसिंग शुगर रहेंगे, ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको रटना नहीं है कि कैसे हो रहा है, सब कुछ हमने आपको आइडिया दिया है कि कैसे मैं बना रहा हूँ, सब आपकी आंखों के सामने होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। तो इसका हमने ट्रिक क्या दिया था आपको लैक्टोज से राइट, कि ये जो है वो बीटा डी गैलेक्टोज, और यहाँ से देख सकते हो ये बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। तो हमने कैसे बोला था कि बेटा देखो, बेटा मतलब दोनों बीटा होंगे, देखो मतलब डेक्स्ट्रो होंगे, बेटा देखो गला में ग्लू लगाओ और लखपति बन जाओ। तो हमने एक बीटा डी गैलेक्टोज बनाया कैसे, तो वो यहाँ से राइट, क्योंकि आपको आइडिया है कैसे बनाते हैं। ये बीटा कैसे हुआ, क्योंकि ओ एच अप में गैलेक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन है ये राइट, ये एनोमेरिक कार्बन नंबर वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, और वैसे ही ये ओ एच अप में तो ये बीटा है राइट, और ये एनोमेरिक कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट, तो ये आपका हो गया बीटा डी ग्लूकोज। तो इन दोनों में अगेन आप क्या करेंगे, इसका अगर OH ले रहे हैं या किसी एक का OH और किसी एक का H आप ले सकते हो, तो अगर मैं ये बाहर कर दूं तो ये बाहर करते ही क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो मैं हटा रहा हूं, तो ये वाटर बाहर हो गया, तो आपका कैसे लिंकेज आ गया, इस टाइप से लिंकेज आ जाएंगे राइट, ये आपका लिंकेज आ गया। तो इसमें ध्यान से देखो अगेन, इसका बीटा डी ग्लूकोज का आपका कार्बन नंबर वन एनोमेरिक कार्बन यूज हुआ है, और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर फोर, तो ये भी वन फोर लिंकेज है, तो इसमें भी एनोमेरिक कार्बन पे OH बचा हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या रहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि OH प्रेजेंट है राइट। और आपको मालूम होना चाहिए लैक्टोज किस में मिलता है राइट, मिल्क में ही होता है राइट, तो इसको मिल्क शुगर भी हम बोल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो गया, कौन मिल्क शुगर है, लैक्टोज रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा हो कि ज़्यादा झंझट आपको नहीं लेना है, सारे ही रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज एंड पॉलीसेकेराइड। वैसे अगर पहचानना हो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया तो ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, तो एनोमेरिक कार्बन पे OH प्रेजेंट है कि नहीं वो देखना है आपको, और कैसे याद रखना वो तो आपको बता दिया। स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको बोल सकता है कि कौन लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, चार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया, तो एक बीटा डी गैलेक्टोज होना चाहिए, एक बीटा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रखना है तो उसके लिए भी ट्रिक दे रखा हूँ। इसके लिए क्या था, थ्री जी वर्ड, कि सिर्फ थर्ड पे आपको OH को लेफ्ट में करना, अदरवाइज सारे OH राइट में। यहाँ भी क्या था, थ्री जी, डैट मीन्स थर्ड पे ही OH को लेफ्ट में करना, अदरवाइज सारे राइट में। यहाँ पे क्या था, थ्री फोर दोनों पे चेंज कर देना, बाकी OH राइट में, तो उसका हावर्थ बनाना, ये भी आपको ट्रिक बता रखा हूँ, फिर उससे उसका डाइसेकेराइड बनाना, ये सब हमारे लिए इजी है। नाउ अब जाते जाते एक छोटा सा ज्ञान लेते हुए जाएं, तो देखो मैंने इन जनरल कोई भी आपका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाया है, और ये वाला जो ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन होता है राइट, जिसपे सी एच टू ओ एच नहीं होता है, वो वाले कार्बन को आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एनोमेरिक कार्बन पे OH प्रेजेंट है, तो अभी ये मेरा जो शुगर होगा वो रिड्यूसिंग होगा। अगर इसकी रिएक्शन मैं एसिडिक मीडियम में अल्कोहल से करा दूँ तो क्या होगा, ये वाटर बाहर निकल करके OR अटैच हो जाएगा राइट, तो बाकी चीज़ें तो आपकी वैसे ही रहने वाली हैं राइट।
तो इसलिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रुप जैसे लगे होंगे वो होंगे। यहाँ पे क्या हुआ, ये H था, अब ये OH की जगह क्या आ गया, O और R, कोई भी कार्बन होगा। तो ये जो ईथर लिंकेज हो गया, ध्यान से देखो, ये जो ईथर लिंकेज हो गया आपका, एक तो इधर, एक तो पहले से प्रेजेंट था और एक यहाँ पे ईथर लिंकेज आया, तो इस वाले लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस कंडीशन में अब इस एनोमेरिक कार्बन पे, ये जो एनोमेरिक कार्बन था इस पे अब कोई OH नहीं है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अब नॉन रिड्यूसिंग। इससे पहले क्या था, ये रिड्यूसिंग, क्योंकि वो OH प्रेजेंट था। अगर वो OH इन्वॉल्व हो जाता है, ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। और चूंकि ये अभी ध्यान से देख सकते हो, ये अल्डिहाइड वाले से आया होगा, क्योंकि ये सिक्स मेंबर रिंग है, तो ये वाला जो था आपका वो है हेमी एसीटल, इसको बोलेंगे हेमी एसीटल क्योंकि एक ही ईथर लिंकेज है, और इसको बोलेंगे एसीटल क्योंकि दो ईथर लिंकेज है, टू ईथर लिंकेज। यहाँ पे क्या है, वन ईथर लिंकेज। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, बायो मॉलिक्यूल को मैंने काफ़ी इजी बनाने की कोशिश की है।